हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइस? बस, और लोग आने वाले हैं क्या? अच्छा, उनको पता नहीं होगा मेरा लेक्चर है। आज उनको सीधा कर दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, आएंगे तो जनार्दन भाई बाहर मत रुकाना, उनको अंदर भेज देना। ऑल्सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन। अच्छा, वेलकम टू सी ए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। योर अटेम्प्ट इज या तो May 24 होगा या November 24 होगा। ओके, May 24 हो या November 24 हो, नाउ योर एग्जाम हैज टू टेक प्लेस एज पर द न्यू सिलेबस। सर काश आर्टिकलशिप भी न्यू सिलेबस वाली मिल जाती तो मजा आ जाता। नहीं, November 23। आपने ही शायद पूछा था कि कैन आई अटेंड दिस, और मैंने तो आपको मेरा जो रिप्लाई था वो एकदम परफेक्टली मिला भी था और आप समझे भी थे ना। जो भी कंफ्यूजन रहेगा दैट आई विल क्लैरिफाई मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू गाइस? यू कैन हियर मी वेरी क्लियरली? हाँ बोलो, ना बोलो, इशारे से बोलो, कुछ तो बोलो। एंड माई हैंडसम फेस इज क्लियरली विजिबल। चलिए, आज का लेक्चर होगा मेजरली इन द नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन। यू गॉट टू नो व्हाट यू आर लर्निंग, एंड वंस यू नो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द टारगेट दैट वी हैव टू अचीव, तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती है। और मैं स्टार्ट में ही क्लियर कर दू दैट वॉट एवर इज गोइंग टू बी द चेंज दैट विल बी एप्लीकेबल एज पर न्यू कोर्स विच इज एप्लीकेबल टू यू, उसकी वजह से एग्जिस्टिंग कोर्स में और आपको जो एग्जाम देनी है उसके अंदर अगर कुछ भी चेंज आता है वी विल बी कवरिंग दैट। हमारा जो करंट टाइम टेबल है उसके अंदर तो हमको एग्जिस्टिंग सिलेबस तो कहीं नहीं जाने वाला है, वो तो इंस्टीट्यूट कभी निकालेगा नहीं, कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा। अगर नया कुछ ऐड करता है, थोड़ा सा ही ऐड होता है, दो चार दिन क्लास के एक्सटेंड हो जाएंगे और साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे। ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ अवर बैच तब तक पता चल गया तो इंस्टीट्यूट है, उनकी मर्जी होगा तब करेगा। ओके, वी शुड टॉक अबाउट व्हाट वी कैन कंट्रोल, जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसकी बात ही नहीं करने का। समझ लो बाद में आता है क्लैरिफिकेशन, तो उसके ऊपर बाद में सेपरेटली लेक्चर करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, बिफोर यू थिंक एनीथिंग एल्स, मैं अभी क्लियर कर देता हूं, एनीथिंग एक्स्ट्रा एज पर न्यू कोर्स इज गोइंग टू बी कवर्ड। मींस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द मार्क्स दैट यू हैव टू स्कोर इन सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, वो टेंशन आपका नहीं है। आपका खाली इतना ही काम है, यू हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको चुपचाप फॉलो करना है, और अगर आपने चुपचाप फॉलो कर लिया तो मार्क्स का गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन, हाउ टू स्कोर, क्या करना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? इधर तो प्रोजेक्टर चालू करते, स्क्रीन दिख रहा है, जो लिखा है वो दिख रहा है? यस, ओके। वी हैव टू डू इंट्रोडक्शन, ये सब पॉइंट्स में मैं हमेशा अपना इंट्रोडक्शन को डिवाइड करता हूं कि इन दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर अप अवर इंट्रोडक्शन। ओके, वंस अपॉन ए टाइम ये वाला जो पार्ट है दैट यूज टू गेट ओवर इन अबाउट 1.5-2 आवर्स मैक्सिमम, मेनली के सब्जेक्ट क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, उसमें ज्यादा टाइम लगता था। मेरे साथ में काम करने का एक तरीका है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट फ्रॉम डे वन। मजा करने का क्लास में तो मेरे जितना कोई नहीं कराएगा, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए तो भी मेरे जितना कोई और आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, यू विल गेट बोथ। तो मैनर ऑफ लर्निंग के अंदर बताता था कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद डिसिप्लिन, बट टोटल मिला के 1-1.5 घंटे में ये खत्म हो जाता था, करीब करीब 2 घंटा इसको लगता था लास्ट में। व्हाई डू वी हैव टू डू टैक्स रेट्स इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ? बिकॉज इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे अपना पूरा कोर्स के अंदर, पहले ही चैप्टर के अंदर ऐसा आएगा कि कैलकुलेट टैक्स ऑफ द असेस, हर चैप्टर के अंदर आएगा ही आएगा, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट टैक्स विदाउट नोइंग द टैक्स रेट्स व्हिच हैव बीन रिसेंटली अनाउंस्ड विच आर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम। तो पहले ही लेक्चर के अंदर टैक्स रेट्स अबाउट 2 घंटे के आसपास इसको लगता था, तो टोटल 3.5 घंटे में मिला के सेकेंड लेक्चर के अंदर तो काम हो ही जाता था। बाकी लोग को मेरा आवाज आ रहा है? 1% एज मैसेज के आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, तो अभी कैसे करेंगे? आप चैट में इनको जवाब दे दो ना कि इनके यहाँ पे शायद स्पीकर या हेडफोन खराब होगा, बिकॉज मेरा माइक खराब होगा तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा। ओके, तो यू जस्ट रिप्लाई टू हर ऑन चैट के, ओपन चैट है भाई, कोई भी किसी को कुछ भी मैसेज कर सकते हैं।
मतलब दैट इज नॉट एन इनविटेशन गंदी गंदी बातें करने के लिए. चलिए मैं ही रिप्लाई कर देता हूं. ओके, नाउ लिसन. सेकेंड लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता था विथ कंक्लूजन ऑफ टैक्स रेट्स. फिर एक दिन देयर केम अ लेडी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए. देयर इज अ लेडी हु हैज रुइंड माई लाइफ. दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई वाइफ. She has tortured the entire professional lobby. Bringing illogical amendments and provisions is her hobby. तो अब सिर्फ ये टैक्स रेट्स वाला पार्ट जो दो घंटे में होता था वो दो लेक्चर से ज्यादा लेने वाला है. और इफेक्टिवली सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने में तीन लेक्चर तो मिनिमम जाएगा. अब उसके आगे इट डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी. इट कैन गेट ओवर इन द थर्ड लेक्चर, इट कैन कंज्यूम द फोर्थ लेक्चर. थ्री इज मिनिमम, फोर इज मैक्सिमम. सिर्फ टैक्स रेट्स पढ़ने के लिए आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट. यू नो विच आंटी आई एम टॉकिंग अबाउट? नो विच ऑफकोर्स आप फाइनल वाले हो तो आपको तो पता ही रहेगा. ऑफकोर्स मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आंटी प्लीज डाई. This is going to take a lot of time because आंटी ने इसके अंदर provisions ही इतने घुसेड़ दिए. The entire new taxation regime, देखो अभी हमको tax rates करना है तो old वाला new वाला खाली WhatsApp के ज्ञान से तो काम होगा नहीं. Old लोगे तो तुम्हारा ये calculation, new लोगे तो तुम्हारा ये calculation. लोग calculation बना के Excel की sheet को PDF में convert करके screenshot Instagram पे डाल भी दिए. अज्यूम किया एटीसी में 1.5 लाख पूरा लगेगा, एटीडी में 50. अरे ऐसे कैसे 1.5 लाख पूरा लगेगा? पैसा भरेगा तो मिलेगा ना. दोस कैलकुलेशंस आर ऑन अजम्पशंस विच आर नॉनसेंस अजम्पशंस एंड वी कांट गो बाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. हमको एग्जैक्ट जो लॉ में लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली वेदर यू लाइक इट और हेट इट, सिर्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में पहला 5 पॉइंट तो अभी हो जाएगा, छठा पॉइंट कराने के लिए तीसरा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा. तो सॉरी लेकिन आपको ऑफ कोर्स टैक्स रेट्स बीइंग सीए फाइनल स्टूडेंट्स एक तो बहुत इजी पार्ट होता है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसके लिए टाइम लगने वाला है. तो इफ यू वॉन्ट टू जज मी यू कैन जज मी फ्रॉम द फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर, क्योंकि टैक्स रेट्स में तो आप क्या ही किसी फैकल्टी को जज कर लोगे अच्छा है कि खराब है. और स्टार्ट ही करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द faculty. Is my, I'll again ask, is my beautiful voice and handsome face clearly visible, audible, everything? तो अभी सुनो. I look very young and handsome. मैंने last batch में बच्चों को पूछा था yes or no. एक जन बोला सर very निकाल दो. दूसरा बच्चा बोलता है सर वो handsome निकाल दो. तो भी young तो उन्होंने maintain किया. And stop guessing my age, कोई मतलब नहीं है. इतना बोल सकता हूं दैट वन आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. अच्छा नाम तो आई होप पता होना चाहिए प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. चाहे मैं शक्ल से लगू क्या नहीं लगू, और जिसको विश्वास नहीं है मैं लाइफ में कोई डाउट का स्कोप छोड़ता ही नहीं हूं, जाके चेक कर लेना. मगजमारी चाहिए ही नहीं मेरे को, जाके चेक कर लेना. ओके तो आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नंबर आप जाके चेक कर सकते हो. आई हैव been a chartered accountant with membership number for the last 12 years and I have been teaching CA students for the last 13 years. When I was studying for CA final, usi time pe I was also teaching CA final students, most of them being my friends jo mere saath mein appear hone wale the. Wo mera articleship tha aur wo sabse risk free tha. Tum fail hoega to bhai phokat mein padhaya na. वो ट्रायल था, बस तुम सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं. तुमको समझ में आ रहा है तो कल जाके किसी भी क्लास में भी बोल दूंगा तो उनको भी समझ में आएगा.
अरे मेरे को लग रहा है मैं जो भी बोल रहा हूं सबको समझ में आएगा, लेकिन सच में आएगा कि नहीं क्या पता। तो वो मैंने ट्रायल मारा उन लोगों के ऊपर, बट ऑफ कोर्स आफ्टर क्लियरिंग फिर उसको प्रॉपरली किया। तो दैट वे इट हैज बीन 13 इयर्स ऑफ टीचिंग इन द लास्ट 13 इयर्स मोर देन 25 रफली 25 टू 30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्चुअल क्वालिफाइड नंबर की बात कर रहा हूं। अब यू ऑल नो वेरी वेल दैट एवरी इनपुट इन सीए इज नॉट एन आउटपुट, देयर आर डेफिनेटली सम पीपल हु आर नॉट अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज हायर ऑफ कोर्स, बट क्वालिफाइड नंबर इज मिनिमम 25,000, इट कैन गो अप टू 30,000। कोई कोई लोग ऑनलाइन अमेंडमेंट के लेक्चर, रिविजन के लेक्चर ऐसे करके कैसे भी करके बोलते हैं कि उनको टाइम भी बचाना है पैसा भी बचाना है। अल्टीमेटली 6 महीना एक्स्ट्रा भी लगता है और पैसा बाद में दूसरी बार जब देना होता है तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में इतनी क्लासेस होती नहीं है, तो खर्चा भी ज्यादा लगता है टाइम भी ज्यादा लगता है अल्टीमेटली। ओके, तो आई एम नॉट काउंटिंग देम, नहीं तो एक्चुअल नंबर ज्यादा है। यू हैव टू बी द ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑन द प्लैनेट टू क्लियर सीए फाइनल विद सेल्फ स्टडी। ओके, अदरवाइज किसी ने बहुत खूब बोला है दैट गिविंग सीए फाइनल एग्जाम इज सेम एज ड्रग रिहैबिलिटेशन। एक बार में नहीं होगा, लोग आपको डैश बुलाएंगे, विल फिल इन द ब्लैंक सम अदर डे, देयर कैन बी माइनर चिल्ड्रन इन क्लास आल्सो, लोग आपको डैश बुलाएंगे एंड यू विल नीड कोचिंग। ये सिमिलैरिटी बिटवीन सीए कोर्स एंड ड्रग रिहैबिलिटेशन। तो 25,000 से 30,000 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंट्री में घूम रहे हैं, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जेम्पशन इन डायरेक्ट टैक्स अक्रॉस द कंट्री माई स्टूडेंट्स आर गेटिंग। आई होप दैट आपको एग्जेम्पशन क्या होता है उसका मीनिंग तो मालूम ही होगा। ओके, 60 मार्क्स और अबव एंड देन वेदर यू क्लियर दैट ग्रुप और यू डोंट क्लियर दैट ग्रुप एग्जेम्पशन काउंट होता है। एग्जेम्पशन 3 अटेम्प्ट तक चलता है और इस पूरे न्यू कोर्स का सबसे ब्यूटीफुल बात जो इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया, 3 अटेम्प्ट तक जब एग्जेम्पशन चलता है ना तो बाकी सब पेपर में 40-40 लाख के ग्रुप का एग्रीगेट करना होता है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने नया अनाउंसमेंट में बोला है कि 3 अटेम्प्ट के बाद भी तुमको एग्जेम्पशन कंटिन्यू करना है तो करो, लेकिन बाकी सब पेपर में तुमको 50-50% मार्क्स लेके आना। गो थ्रू किया कि नहीं FAQs ऑन न्यू कोर्स दैट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल, यू ऑल आर द फर्स्ट पीपल जिसको ये एप्लीकेबल है, तो आपको ये गो थ्रू तो करना चाहिए, करना पड़ा होगा, किया ही होगा बाय नाउ। बाकी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बना के इसके ऊपर, कोई कोई लोगों ने तो इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया उसके पहले भी वीडियो डाल दिया था, जैसे उनके घर में फोन आया था प्रेसिडेंट का। तो इन दीज 13 इयर्स सीए कोचिंग के अंदर आई हैव डन द फॉलोइंग थिंग्स, जो मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। वे बैक इन 2013 आई स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स डायरेक्ट टू होम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ टायर 2 टायर 3, जो लोग दूसरी सिटीज में नहीं ट्रैवल कर सकते फॉर सम रीजन एंड लोकली कोचिंग इजीली और अच्छी अवेलेबल नहीं थी। अब तो सब सिटीज के अंदर अच्छी कोचिंग अवेलेबल है। इट इज माय प्रिविलेज दैट डिस्पाइट गुड कोचिंग बीइंग अवेलेबल इन एवरी सिटी, स्टूडेंट्स हैव ट्रस्टेड मी विद देयर करियर, और भले ऑनलाइन तो ऑनलाइन बट दे हैव डिसाइडेड के ऑनलाइन आके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी विद योर करियर एंड आई अश्योर यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू, यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ दिस डिसीजन। ये तो टाइम बताएगा, अभी तो 3 महीना है अपने पास ऑलमोस्ट, तो आई इतना बोल सकता हूँ यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन। पहले डायरेक्ट टू होम स्टार्ट किया रिकॉर्डेड लेक्चर्स 2013 में, किसी को पता भी नहीं था, डीवीडी बनाते थे, कॉपी होती थी, वो टैक्स था इसलिए टेंशन नहीं, हर साल चेंज होता है, आंटी तो रोज ही चेंज कर देती, आंटी का तो कोई, उनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो हर साल चेंज होता था। तो पेन ड्राइव में आए बाद में हम लोग, फिर एनक्रिप्शन लेके आए कि एक डिवाइस में एक्टिवेट हो गया तो आप दूसरे डिवाइस में नहीं देख सकते हो, वो मतलब प्रोटेक्शन के लिए ऑफकोर्स। अब तो विद कोविड हम लोगों ने गूगल ड्राइव भी स्टार्ट कर दिया, आप डेटा डाउनलोड कर दो और सीरियल की डाल दो तो आपके लेक्चर एक्टिवेट हो जाएंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट इज दैट के पहले ऐसा होता था आपने ऑनलाइन पेमेंट किया अगले दिन सुबह स्टाफ ऑफिस जाके आपको लेक्चर भेजेगा, अब वो भी सिस्टम बदल गया, आपने रात को ऑनलाइन पेमेंट किया जैसे अपना नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम कैसा पेमेंट करते चालू हो जाता है वैसा, रात को आपने भेजा इमीडिएटली आपको मेल आ जाएगा, सीरियल किया आ जाएगा और आप तुरंत देखना चालू कर दो। रात को 2 बजे भी मन हुआ चलो डायरेक्ट टैक्स का शॉपिंग करते, तो आप रात को 2 बजे भी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स डन। देन फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स आई हैव ट्रैवल्ड आउटसाइड मुंबई, एक तो आफ्टर कोविड एंड स्पेशली आफ्टर माय सन, अभी उसके ही इज 4 इयर्स, आई डोंट नो वेदर आई लुक लाइक अ फादर ऑफ अ 4 ईयर ओल्ड, बट आई हैव अ 4 ईयर ओल्ड सन। तो आफ्टर हिज बर्थ एंड नाउ दैट ही इज इन हिज अर्ली इयर्स, दिस इज द ओनली टाइम दैट आई कैन स्पेंड विथ हिम, तो मैंने आउट स्टेशन जाना बंद कर दिया। अदरवाइज मैं कुछ सालों तक आउट स्टेशन भी गया था, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ लेक्चर्स इन अहमदाबाद, आई हैव सम स्टूडेंट्स ऑफ अहमदाबाद अटेंडिंग
आउट ईयर एंड मैंने केरला भी ट्रैवल किया. तो जब मैं केरला पहली बार ट्रैवल किया तब मुझे एक नया कल्चर समझ में आया दैट केरला के क्लास में जाके या तो आप इंग्लिश में पढ़ो या आप मलयालम में पढ़ो. अब मलयालम तो आती नहीं है तो भी मैंने सीखी. हाँ मैंने 10-15% मलयालम सीखी ओनली सो दैट स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू मी. एंड वेन एवर यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज सबसे पहले यही पूछा कि मलयालम की दो तीन गाली बताओ ना, उससे सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं लोग. तो वहां पे पता चला कि इंग्लिश में बात करना पड़ेगा. वहां पे इफ यू गिव एग्जाम्पल ऑफ शाहरुख और सोलमन बॉय तो वो लोग वो भी नहीं समझते हैं. उनको उनके लोकल मोहनलाल का मामूटी का एग्जाम्पल देना पड़ता है. ओके तो एक नया आप देखो मारवाड़ी हो तो हर टाइम दिमाग में ना बिजनेस घूमता है. एक नया अपॉर्चुनिटी दिखा कि इंडिया में कोई भी देखो साउथ में उतने अच्छे फैकल्टीज थे ही नहीं और नॉर्थ इंडियन फैकल्टीज हु आर बेस्ट कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश एंड मी बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ बॉम्बे ऑब्नॉक्सियस टाउन ही बाय बर्थ इंग्लिश वॉज नेवर अ प्रॉब्लम. इंग्लिश वॉज नेवर अ प्रॉब्लम. सो आई डिसाइडेड दैट अब मेरे लेक्चर्स वीडियो लेक्चर दो लैंग्वेज में होएगा. हिंदी में अलग होएगा इंग्लिश में अलग होएगा. आई स्टार्टेड दैट एवरीवन स्टार्टेड फॉलोइंग. 2017 में जब यूट्यूब ने भी लाइव लॉन्च नहीं किया था तब खाली फेसबुक पे लाइव होता था. मैंने एक ऑनलाइन लाइव लेक्चर लिया था पूरा सीए फाइनल का डीटी रिवाइज करवाया था स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री. उसके बाद में लाइव लेक्चर सबने स्टार्ट कर दिया. फिर तो यूट्यूब ने भी लॉन्च किया और अभी तो वी कैन सी लास्ट 3 साल से तो हर बैच में लोग लाइव ऑनलाइन अटेंड भी कर रहे. सो दैट इज वन मोर थिंग दैट आई स्टार्टेड. आई एम राइटिंग 7 books per annum. आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर सीए स्टूडेंट्स. साल की 7 book लिख रहा हूं. 5 books फॉर सीए फाइनल एंड 2 books फॉर सीए इंटर. तो कौन सी वो 5 book है जो पांचों आपको ऑफकोर्स मिलने वाली एज अ पार्ट ऑफ क्लास एनरोलमेंट. कॉम्पिटिशन ना दिन दिन क्या करवा रहा है. पहले ऐसा था क्लास में 2 ही बुक यूज करते उसमें से बाकी 3 आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए. तो उसमें भी चल एमसीक्यू की बुक दे देते थे लेकिन बाकी की बुक्स वर लाइक के वो तो बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है. एज एन ऑथर आई कैन राइट 100 books. एक्स्ट्रा चाहिए तो खरीदो. लेकिन कॉम्पिटिशन अभी ये लेवल पे आ गया है कि भाई अभी जाओ 5 बुक्स विल बी अ पार्ट ऑफ योर क्लास एनरोलमेंट. तो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग विच 5 बुक्स आई विल गिव टू यू इन माई पॉइंट नंबर 3 और बाकी की 2 बुक तो इंटर के लिए विच इज एनी वेज इरेलीवेंट फॉर यू. ऑल ऑफ यू हैव क्लियर इंटर नो. ऐसा कोई है पहले फाइनल का फील ले लेता हूं बाद में इंटर तो देना ही है देख लेता हूं फाइनल कैसा है. अच्छा लगा तो फिर स्टार्ट से ज्वाइन करेंगे नहीं ना. ठीक तो 7 बुक लिखता हूं साल का एंड द बुक्स दैट विल बी गिवन टू यू आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग इन माई पॉइंट नंबर 3. सो दिस इज बेसिकली ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टेकन अ वाइज डिसीजन एंड हमारा एक ही टारगेट रहने वाला है इन द नेक्स्ट. इट विल टेक मोर देन 2.5 months. मैं डेट्स वगैरह का प्लानिंग भी मैनर ऑफ लर्निंग में बताऊंगा. तो हम लोग ये अपने आप को गारंटी देने वाले अश्योरेंस देने वाले हैं दैट इन डीटी वी हैव टू स्कोर एन एग्जेम्पशन. कुछ भी हो जाए एग्जेम्पशन फॉर द होल वर्ल्ड. डीटी में भी ऐसा सब्जेक्ट के यार 40 आ गया तो एग्रीगेट किधर और से कवर कर लेंगे ग्रुप का जो टोटल करना हो. अपने लिए ऐसा होना चाहिए कि डीटी से एग्रीगेट कवर कर लेंगे बाकी किसी में भी 40 आएगा तो चलेगा प्लस ग्रुप 2 में विद कॉस्टिंग बीइंग रिमूव. अब देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो वही था जहां पे लोग स्कोर कर सकते थे. दो ऑफ लेट लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत सारे बच्चे कॉस्टिंग में फेल होते थे लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है. जरा मुंडी ऊपर करोगे तो एक बोर्ड मिलेगा. एक बच्चे को अपने इधर 97 मार्क्स आया था कॉस्टिंग. लोगों को 2 नहीं 3 अटेम्प्ट मिला के टोटल नहीं आता है. 3 अटेम्प्ट में टोटल नहीं आता है. 1 स्टूडेंट स्कोर 97 बिकॉज कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर. ओके तो वो निकल गया. अब ग्रुप 2 में बचा डीटी आईडीटी और वो तीसरा पेपर क्या होने वाला है कैसा होने वाला है. इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन. मतलब बेसिकली एक बंदे का बिजनेस का स्टोरी आपको देगा. पहले बोलेगा ये बिजनेस करना चाहिए क्या. तो बेसिकली यू हैव टू यूज कॉस्टिंग नॉलेज ओनली. कॉस्टिंग ही सिखाता था वेदर टू से यस टू अ बिजनेस और नो टू अ बिजनेस. ये कैसे डिसाइड होता है कॉस्टिंग में ही सीखने को मिलता था. फिर इस बिजनेस के लिए पैसा कहां से लेके आने का तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन्वेस्ट कैसे करने का कैपिटल बजेटिंग मतलब यू हैव टू यूज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर एक बार आपने बिजनेस कर लिया तो रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन मतलब आपका तीसरा वाला अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग. वही रे लेफ्ट इज डेबिट राइट इज क्रेडिट उसकी बात कर रहा हूं. वो तीसरा फिर उसका टैक्स इंपैक्ट बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब बाकी 5 पेपर में जो पढ़ रहे हो वो आपको उस पेपर में एक साथ जाना है. मतलब बोला तुम्हारा सब पेपर हो गया चलो सब पेपर का वापस एग्जाम हो रहा है. दैट विल बी योर 6th पेपर
वी विल वेट एंड वॉच. उसका स्टडी मटेरियल जब बाहर आएगा एग्जैक्टली वो लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिटेल्स के अंदर, विल गेट टू सी दैट. तो वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसके अंदर क्या स्कोरिंग होगा. ओके, पॉसिबली आईडीटी इज द ओनली पेपर इन ग्रुप टू जो अपने स्कोरिंग के लिए अब टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज भले बहुत दोनों टैक्सेस है आईडीटी एंड आईडीटी, बट जमीन और आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी एंड इन टर्म्स ऑफ साइज. मतलब अगर किसी को पूछ लिया कि आईडीटी कितना पेज का है, 500 पेज का, बापरे, और डीटी बापरे प्लस बापरे प्लस बापरे, 3 into बापरे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स फॉर यू. वो डायरेक्ट टैक्स है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड डिफिकल्टी. सो यस इट इज डिफिकल्ट, बट हमारा टारगेट ये है कि हम इसी को वो पेपर बनाएंगे जिसकी वजह से वी कैन क्लियर अवर ग्रुप ऑल्सो. इनफैक्ट वी कैन गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स दोनों ग्रुप के टोटल के लिए भी. समझा क्या? तो ठीक है, दैट मच फॉर नाउ इज गुड इनफ अबाउट माई सेल्फ. बाकी अगर मैं कभी अपना रेज्यूमे बनाऊं, मैं जॉब नहीं करता हूं इसलिए जरूरत नहीं है, लेकिन हॉबीज में जरूर लिखूंगा सेइंग गुड थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. तो समय समय पर ड्यूरिंग द सिलेबस समय समय पर अपने बारे में अच्छी बातें बोलता रहूंगा. आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे, मेरे को पसंद है. ऑलवेज टॉक गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, थिंक गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो दुनिया कैसे सोचेगी? करेक्ट और नो? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट. जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस किया दैट इन टर्म्स ऑफ साइज दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सब्जेक्ट. इट इज वेरी वेरी बिग. इट इज बिगर देन FR, इट इज बिगर देन SFM. मेरे ख्याल से ऑडिट और IDT और वो तीसरा वाला पेपर तो मिला के भी इतना बड़ा है इन अवर सब्जेक्ट. अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, आपका जो डायरेक्ट टैक्स, इसका पूरा नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स. टोटली देर आर 43 चैप्टर्स दैट आई हैव टू टीच यू. 43 चैप्टर्स अपनी बुक, मतलब अब मैं जो आपको स्टडी मटेरियल के अंदर बताऊंगा कैसे इन 43 चैप्टर्स को स्प्लिट अप करके हम करने वाले हैं. 43 चैप्टर्स में पार्ट 1 इज गोइंग टू बी 1 to 16 अनरिलेटेड टॉपिक्स. अनरिलेटेड का मतलब दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. सपोजिंगली हमने एक चैप्टर किया पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद हमने एक चैप्टर किया चैरिटेबल ट्रस्ट, तो पार्टनरशिप का और चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई नॉलेज ओवरलैप नहीं होगा. फॉर गॉड फॉरबिड फॉर सम रीजन यू कुडंट अटेंड वन पर्टिक्युलर लेक्चर, देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर. स्टार्टिंग ऑफ द बैच इन्हीं को करना पड़ता है ताकि आप लोग थोड़े से फ्लो में आ जाओ. स्टार्टिंग ऑफ द बैच वी हैव टू डू दिस सो दैट यू आर इन अ लिटिल बिट फ्लो. ओके, यू ऑल अंडरस्टैंड माई वेज, आई अंडरस्टैंड योर वेज, आई एम नॉट गोइंग टू एडजस्ट टू योर वे, यू ओनली हैव टू एडजस्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा लेक्चर 7 बजे होगा तो 7 बजे ही होगा. ओके सर, थोड़ा सा 7:10 चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा, मतलब डोंट इवन आस्क. दैट इज वॉट आई से बाय एडजस्टिंग लेवल. वो वाले लेवल में डोंट वरी, आई विल कम टू योर लेवल. पढ़ाने वाले लेवल में आई विल कम टू योर लेवल. डिसिप्लिन वाले लेवल में यू विल हैव टू कम टू माय लेवल. मंजूर? नहीं मंजूर तो भी करना पड़ेगा. अनरिलेटेड टॉपिक्स विल बी डन फर्स्ट. तो हम लोग थोड़ा क्लास के फ्लो में आएंगे. कंपैरेटिवली ये थोड़ा इजी वाला पार्ट भी है, थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ऑफकोर्स जब तक आंटी नहीं आई थी तो पूरा इनकम टैक्स लॉ भी ऐसा था कि कोई भी चीज उठा लो सब ईजी है. अब कोई भी चीज उठा लो उनको खुद को ही समझ में नहीं आता उन्होंने क्या लिखा. और इसीलिए ऐसा ऑब्जर्व किया गया, एक साल एक सेक्शन लाएगी, अगले साल वापस चेंज करेगी, फिर वापस चेंज करेगी, फिर वापस. इधर कितना लोड पड़ता है. समथिंग एज सिंपल एज अभी वो फॉरेन पेमेंट्स का एक टैक्स कलेक्टेड एक्स सोर्स का एक अमेंडमेंट आया बजट में, बजट से लगाकर अभी तक 4 बार तो चेंज कर लिया. वो दोस्त थिंकिंग सर आज बैच चालू हुआ अभी तक बुक, अरे कैसे बुक दू, ये 4 बार तो चेंज करवा दिया, पागल करके रख दिया. इसलिए तो बोला एक ही रिक्वेस्ट है आंटी प्लीज डाय. 4 बार चेंज कर दिया अभी तक. आज लाते हैं? बोला नहीं नहीं कल लेके आऊंगी. कल आया? बोला परसों. वो उन्होंने 1 जुलाई से लाना था, फिर 1 अक्टूबर को किया, कुछ चेंजेस वापस निकाल दिया, 3 तो सर्कुलर निकाल दिया अभी तक. आंटी तो कभी अपना रेज्यूमे बनाएगी ना तो हॉबीज में लिखेगी अमेंडमेंट्स. तो हम ये पहला 16 चैप्टर करेंगे, दैट विल बी अवर वॉल्यूम 1. वॉल्यूम 2 विल बी, आई होप नो वन इज रिलेटेड टू हर. हाँ, एंड इवन इफ यू आर थिंकिंग के सही तो बोल रहे हैं अभी गलत क्या है. रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड मतलब जो एक सीक्वेंस में चलेंगे, दे आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर. वॉल्यूम 2 का पहला ही चैप्टर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बताता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, हु इज सीनियर हु इज जूनियर. फिर उस चैप्टर में बोला है कि उनको जब भी मर्जी होगा ना वो आपको बुला लेगा. कम नो ब्रो, वी विल चिल टूगेदर. समन्स बोलते हैं मतलब उनको. और अगर आप नहीं गया तो अगला चैप्टर बोलता है वो आएगा, वो बुलाएगा तो आपको आने का. आप नहीं आया
तो वो आएगा, इस पे गाना बना है, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, सर्च एंड सीजर, लेट योर इलिटरेट रिलेटिव्स कॉल इट इनकम टैक्स का रेड गिरा गिरा रेड गिरा, एक तो कौन से फ्लोर से गिरा वही नहीं पता अभी तक, रेड, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड रेड यूज्ड एनीवेयर इन इनकम टैक्स लॉ, वी कॉल इट सर्च एंड सीजर, विल टॉक अबाउट इट। फिर इस ऑफिसर ने जो भी डेटा कलेक्ट किया, फाइनली उसको आपका इनकम और टैक्स कैलकुलेट करना है, दैट इज अवर थर्ड चैप्टर ऑफ वॉल्यूम टू, असेसमेंट प्रोसीजर, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ साइंस। अगला चैप्टर बोलता है, अगर आप उस असेसमेंट से खुश नहीं हो तो यू कैन गो एंड अपील, तो यू अंडरस्टैंड ये क्रोनोलॉजिकली हो सकता है, यू कैन नॉट अपील बिफोर असेसमेंट, तो दोस चैप्टर्स हैव टू बी डन इन अ सीक्वेंस एंड दे आर रिलेटेड, और उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि आपने बीच में थोड़ा भी मिस किया तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा एंड ऑल दैट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिसिप्लिन का प्रॉब्लम रहेगा, तो बाय दी वॉल्यूम टू आपको उस डिसिप्लिन के फ्लो में आ जाओगे, ताकि आपको पता है कि क्लास का सिस्टम कैसे चलता है, तो यू विल फॉलो दैट सिस्टम। ओके, फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम थ्री का, दैट इज ऑब्वियसली 33 से लगाकर बाकी का चैप्टर, लेकिन मैं इसको 40 पे रोक रहा हूं, क्योंकि ये 40 चैप्टर्स अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर है जो बुक्स में आपको देने वाला हूं, 3 चैप्टर हम लोग आईसीएआई स्टडी मटेरियल से करेंगे। ओके, 3 चैप्टर फ्रॉम आईसीएआई स्टडी मटेरियल। तो ये 40, ये क्या है, ये आपके सीए इंटर के टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स, इसके अंदर देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, there is a chapter called clubbing of income when you have to pay tax on income belonging to other person, inter wale ko aisa batana padta hai ki bhai kabhi kabhi aisa hota hai ki minor child hota hai to uske parents ko tax bharna padta hai, final walon ko I hope ye batane ki zarurat nahi padti, I hope final wale log is baat se confused nahi hai ki sir clubbing matlab dusre ki income ke upar, matlab sir mera neighbor ke wife ka income hoega aur main tax bharega, sir itna kitna pyar hai sir aapas mein, ha nahi, final wale ko ye sab batana, you all know what is clubbing of income। There is a chapter called set off and carry forward of losses. कौन सा loss किसके सामने adjust होगा, नहीं होगा, कितना साल carry forward होगा, and of course deductions under chapter 6 है। तो ये 8 topics है, इसके अंदर salary has not been asked after 2011, salary करके कोई मतलब नहीं है, salary के अंदर हम लोग 16-17 घंटा बिगाड़ के कोई मतलब नहीं। सुनो, आपको अगर चाहिए, नहीं सर मेरे को salary करना ही है, मैं आपको इंटर का मेरा लेटेस्ट लेक्चर का वीडियो आपको ऐसे ही दे दूंगा, आप पूरा देख लो, वो तो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे सामने गवार बैठा है कोई। इंटर अभी देखो, इंटर वाले बेचारे पहले टाइम पहली बार टैक्स पढ़ रहा है, उसको वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा ना, आपको वैसे पढ़ाऊंगा तो आप पक जाओगे। समर लाइक के सर, लेकिन हमने इंटर में डीटी किया ही नहीं था। आई मोस्ट ओकेशंस आई अज्यूम दैट द स्टूडेंट्स क्लियर्ड सीए इंटर आईडीटी के भरोसे, क्योंकि एक ही पेपर में दोनों होता है, सो आई अज्यूम के आईडीटी आपने पढ़ा, उसमें 40 लाया, डीटी आपने पढ़ा ही नहीं, फिर स्टूडेंट बोलते सर ये अज्यूम क्या, ये तो फैक्ट है, फैक्ट कैन नॉट बी अज्यूम्ड। हाँ, लेकिन एटलीस्ट वी नो व्हाट आर द चैप्टर्स। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 17 घंटा सैलरी का वीडियो देखने से बेटर है आप डीटी में 5 मॉक टेस्ट पेपर और सॉल्व करो 3-3 घंटे के, तो भी आपका 2 घंटा बचेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, सैलरी का उतने रेलेवेंट बुक में है, लेकिन हम क्लास में उसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट ऑल अदर हेड्स, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, तो मैंने जब से पढ़ाना चालू किया है ना, कॉम्पिटिशन में दूसरे लोगों को भी चालू करना पड़ा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, फाइनल वालों को कोई नहीं पढ़ाता। एंड आजकल ऑफ लेट जो हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, उसमें सबके ऊपर एडजस्टमेंट आता है, बिजनेस इनकम होता है एंड देन देर इज हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट, देर इज सेट ऑफ का एडजस्टमेंट, देर इज अदर सोर्सेज। हिस्टोरिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व, जब मैं वॉल्यूम टू कंप्लीट करके, वॉल्यूम टू इज दैट टॉपिक, दोस टॉपिक्स जो आपने आज के पहले कभी नहीं पढ़ा, वॉल्यूम थ्री इज दैट इंटर का रेपिटेशन। तो जब हम वॉल्यूम थ्री पे जाते हैं ना, तो जो ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के बच्चे होते हैं कि अभी इसके लिए कौन सुबह सुबह उठ के जाएगा, वो लोग क्लास आना बंद कर देते हैं, कहीं ना कहीं दैट देन रिजल्ट्स इन द डिफरेंस बिटवीन देयर मार्क्स एंड अदर स्टूडेंट्स, और शुड आई से 6 मंथ्स ऑफ देयर लाइफ। दूसरी कोचिंग क्लासेस में ये टॉपिक्स कराए नहीं जाते। यू ऑल आर प्रिविलेज दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस एक्स्ट्रा पार्ट, और अगर आपको कोई चीज फैसिलिटी मिल रही है और आपको फिर भी नहीं लेनी है, तो देन दैट इज योर चॉइस। पहले तो मैं गुस्सा भी हो जाता था, आई यूज टू डू पीजीबीपी एकदम लास्ट, पहले आईएफओएस, हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग, सेट ऑफ खत्म कर देता था, वो शाने लोग उन सब में तो नहीं आते थे, पर लास्ट में आते थे, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन नो वन वॉन्ट्स टू मिस। तो जो जो भी बीच के चैप्टर्स में नहीं आया ना, उनको बैंड बजा देता था उनके।
बट नाउ आफ्टर अ पॉइंट आई बिलीव कि खाली फोकट मैं अपनी एज में इस एज में ब्लड प्रेशर का मरीज बन के क्यों, क्या मतलब है? आखिर तो तुम्हारा करियर है और इंटर के बच्चों को थोड़ा सा मतलब संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि इमेच्योरिटी होती है. एट फाइनल सीए लेवल इफ आई हैव टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट अटेंड क्लास इन योर इंटरेस्ट, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड, इससे अच्छा तो मैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ाऊ, उसमें फीस भी ज्यादा मिलेगा. अरे नंबर्स है ना उसमें, 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स में नंबर्स है. और आपको क्या लग रहा है जो डायरेक्ट टैक्स का फीस है ना उसको आप डबल या ट्रिपल करोगे ना उतना लोग 10th और 11th के मैथ्स का चार्ज करते हैं, ट्रिपल चार्ज करते हैं. मैंने आज से क्या कितना साल हो गया होगा, 19 साल पहले मेरे 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स का ट्यूशन का आज की मेरी डीटी के फीस का डबल दिया. आज जो मैं डीटी के ले रहा हूं उसका डबल मैंने 18 साल पहले 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के ट्यूशन. तो इफ आई थिंक कमर्शियली दैट इज मोर वायबल. लेकिन जो सीए फाइनल के बच्चे को पढ़ाने का मजा है ना, जो कंट्री का फ्यूचर है उसके साथ में बैठने का मजा है ना, वो मजा 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाने में नहीं है. बट डिसिप्लिन में मैं मेरा टाइम नहीं खराब कर सकता हूं, वो आपको ही करना पड़ेगा. सो इंटर का टॉपिक्स ऑल्सो आई विल बी कवरिंग. तीन चैप्टर है आपके इंटरनेशनल टैक्स के, तीन चैप्टर है वो हम ICAI के स्टडी मटेरियल से करते हैं बिकॉज क्वेश्चंस आल्सो दे आस्क फ्रॉम देयर ओनली. और इसके अलावा अगर न्यू कोर्स में मैंने रफली गो थ्रू किया जो उन्होंने डीटी के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए, उसके अंदर दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वो एक लॉ है कॉल्ड ब्लैक मनी एक्ट. वो जो ब्लैक मनी एक्ट है वो अब तक इलेक्टिव पेपर इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट हुआ करता था, डीटी का पार्ट नहीं था. तो इलेक्टिव में हम लोग करते थे, अब अगर वो डीटी में ही रख रहे क्योंकि इलेक्टिव निकल रहा है, अगर डीटी में रखा तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जो भी एक्स्ट्रा होगा वो करेगा. अपना जो एंड डेट प्रॉमिस किया हुआ है उस एंड डेट में एक्स्ट्रा पार्ट विल नॉट बी काउंटेड, ऑफ कोर्स दैट मच प्रोविजन विल बी केप्ट. इनफैक्ट मैंने आपके बैच के कंप्लीशन में और मेरे अगले बैच के स्टार्ट में 20 दिन का गैप पर्पसली रखा है फॉर कंटिजेंसीज एंड ऑल. ओके, बाई चांस कुछ एक्स्ट्रा तब तक अनाउंस हो गया तो उसी टाइम पे कर लेंगे, और अगर तब तक नहीं होता है तो वी विल डू इट लेटर. इज दैट क्लियर? सो दीज आर योर चैप्टर्स. इट्स अ वेरी 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 बिग 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 वास्ट सिलेबस. डीटी में एक ही दिक्कत है, द साइज ऑफ द सब्जेक्ट. वन डे बिफोर योर एग्जाम जो 1.5 दिन का हमको टोटल टाइम मिलता है उसमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको कैसे अप्रोच करने का दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू. सो दिस इज योर सब्जेक्ट. बाकी वी हैव टू लर्न. अगर ब्लैक मनी एक्ट को मैं साइड कर दूं तो अपना पूरा सिलेबस इज ओनली द इनकम टैक्स लॉ. कुछ साल पहले इंडिया में वेल्थ टैक्स था, वो तो अभी एबॉलिश हो गया है, तो ओनली इनकम टैक्स और ब्लैक मनी एक्ट अगर उन्होंने डीटी के सिलेबस में रखा तो भी कितना रखा, क्या डिटेल में रखा, दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. स्टडी मटीरियल अनाउंस होगा उसके बाद. तो ये है आपका सब्जेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी मटीरियल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन योर स्टडी मटीरियल आई एम गोइंग टू गिव यू 5 बुक्स जिसमें से 2 ही हम क्लास में यूज करेंगे. सो बाकी 3 बुक आप रोज रोज उठा के नहीं भी लेके आओगे तो इट इज ओके, बट वैसे भी बाकी 3 बुक अभी मिलेगी भी नहीं, दे विल कम लेटर. द 2 बुक्स दैट वी हैव टू यूज डेली इन क्लास, वो वाली बुक अभी रेडी है, प्रिंटिंग को गई है, 1-2 दिन में मिल जाएगी. वैसे भी टैक्स रेट्स करने में 3-4 दिन लगने वाला है, उसके पहले तो आपको बुक्स मिल ही जाएगी. फॉर आउटस्टेशन स्टूडेंट सम ऑफ यू ऑल आई हैड ब्रॉड मैंने सेंड किया था एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कल आपको अपना एड्रेस सेंड करने के लिए. सम ऑफ यू ऑल हैव ऑलरेडी सेंट इट. तो जिसने भेज दिया है उसके कुरियर्स इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएंगे. ओके, तो पर अभी 2 ही बुक आएगा, बाकी का 3 बुक वंस दे आर रेडी बाद में आएगा. व्हाट आर दीज 5 बुक्स? सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव यू एक थियरी बुक जिसमें आपका पूरा डीटी का थियरी ऑफ दीज 40 चैप्टर्स का. देखो 3 चैप्टर हमको कहां से करना है, डायरेक्टली ICAI स्टडी मटीरियल. तो 40 चैप्टर्स का पूरा थियरी इज कवर्ड. Wherever required, act की लैंग्वेज यूज की है, wherever required उसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है. अब एक्ट में ना कुछ एक्सेप्शन उनको लिखना होता है, यू ऑल आर फाइनल स्टूडेंट्स इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं. एक्ट में उनको एक्सेप्शन लिखना होता है ना, तो सेक्शन के अंदर वो लोग लिखते प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अलग से पैराग्राफ बना के. अब वो का वो कॉपी करने से जगह मैं ऐसा लिखता हूं एक्सेप्शन ये. सो wherever required इट हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड wherever required वी हैव रिटेन्ड द बेयर एक्ट लैंग्वेज. पूरा का पूरा डीटी का आपका थियरी इसके अंदर कवर हो जाएगा इन अबाउट 400 odd pages. आपके 40 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे ओनली थियरी. ओके, देन वी हैव
क्वेश्चन बुक जिसके अंदर वी हैव अप्रोक्सीमेटली 425, 430 के आसपास क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव एमसीक्यूज नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सम्स, ये वो पार्ट है जो हम क्लास में सॉल्व करें। सो हम 3 महीने में क्या करने वाले, खाली 40 चैप्टर नहीं, 400 क्वेश्चन भी करने वाले। मतलब ऐसा नहीं कि डीटी फटाफट खत्म कर देंगे 15 दिन में, बाद में 2.5 महीना अंताक्षरी खेलेंगे क्लास में आकर। वी हैव टू डू व्हाट वी, यू शुड बी वेरी क्लियर ये क्वेश्चन बुक। इसलिए ये दो बुक आपको दिया जाएगा अभी इमीडिएटली, बिकॉज क्वेश्चन बुक वी विल नीड, हर चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में उसके क्वेश्चन करने के लिए वी विल नीड द क्वेश्चन बुक। थियरी बुक जनरली विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन क्लास, आई डोंट यूज एनी मटीरियल वाइल टीचिंग इन क्लास। इनकम टैक्स लॉ को मैंने स्टोर करके रखा कंट्रोल एस, तो जिधर जरूरत होती है वेर आई हैव टू मेक यू डू एनी मार्किंग और एनीथिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल नॉट रिक्वायर द थियरी बुक इन क्लास। आप आपके रेफरेंस के लिए लेके आओ वो अलग बात है, क्लास में वी विल नीड ओनली द क्वेश्चन बुक एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट इन क्लास इटसेल्फ। हर चैप्टर का आपको इनफ प्रैक्टिस क्लास में कराया जाएगा, वेदर थियरी और प्रैक्टिकल। डीटी इज नीदर थियरी नॉर प्रैक्टिकल, डीटी इज अ लॉ वेर यू हैव टू स्टडी द लॉ एंड सॉल्व सम्स ऑन दैट लॉ। अकाउंट्स में स्टडी सम्स एंड सॉल्व सम्स, ऑडिट लॉ जो है, लॉ तो निकल गया, ऑडिट में आप स्टडी थियरी, लर्न द थियरी एंड राइट द थियरी। टैक्सेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड लॉ, बहुत डीप स्टेटमेंट है, टैक्सेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड लॉ, लर्न द थियरी एंड सॉल्व द सम्स, तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। नेक्स्ट, लास्ट ईयर से मैंने ये स्टार्ट किया, सो यू नो आई फॉलो द कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन, जो अभी आपने सुना ही नहीं होगा क्योंकि आपका ये तो निकल ही गया। काइजन, अच्छा कॉस्टिंग पढ़ा है आपने, क्या होता है काइजन? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आई कंपीट विथ माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी बेटर देन माई सेल्फ ऑफ द प्रीवियस बैच, हर बैच में आई वॉन्ट टू बी बेटर देन द प्रीवियस बैच। समर लाइक, ठीक है सर अगले बैच में आते इससे अच्छा रहेगा ना, हाँ तुम वैसे तो तुम पोस्टपोन करते रहो, तुम्हारे बच्चे और तुम साथ में ही फाइनल देना, फिर तब तक मैं और अच्छा हो जाऊंगा, नहीं अभी जितना अच्छा हूं उतना काफी है तुम्हारे लिए। तो लास्ट ईयर मैंने काइजन को फॉलो करते हुए एक नई चीज निकाली, मतलब देर आर टू मोर बुक्स जो पहले से आ रही है, लास्ट ईयर एक नई बुक निकाली कॉल्ड एडिशनल क्वेश्चन बैंक। जितने क्वेश्चन यहां पे है उतने के उतने क्वेश्चन यहां पे भी है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक का साइज इज सेम एज क्लास क्वेश्चंस, और इस एडिशनल क्वेश्चन बैंक का फीचर यह है पिकअप ICAI स्टडी मटीरियल, और कोई भी रैंडम पेजेस ऐसे खोलते जाओ, स्कूल में बुक क्रिकेट खेलते थे ना, कोई भी पेज खोलते जाओ, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन भी मिल जाए, स्टडी मटेरियल में वो लोग थियरी लिखते हैं नीचे उसके इलस्ट्रेशन लिखते हैं, एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल, एवरी क्वेश्चन बिहाइंड द चैप्टर इन द ICAI स्टडी मटेरियल, एवरी क्वेश्चन विल बी पुट हियर, पूरा का पूरा कंपाइलेशन इन सच अ वे दैट यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग। लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर, उनके क्वेश्चन यहां पे होंगे। लास्ट 3-4 RTP, 3-4 ही रख सकते हैं एक्चुअली, ज्यादा नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन DT, क्वेश्चन कीप ऑन गेटिंग आउटडेटेड, तो जो आउटडेटेड है उसको नहीं रखते, लास्ट रिसेंट अटेम्प्ट के रखते हैं। एंड गोइंग बाय आंटी फिलोसॉफी, तो हर अटेम्प्ट में पिछले अटेम्प्ट की चीजें आउटडेटेड हो रही, जो कल पढ़ा वो आज आउटडेटेड हो रहा है, और DT से गंदी हालत GST वाले की है, एकदम पैशन के साथ में क्लास में आके 3 घंटा एकदम प्रोफेसर ने लेक्चर दिया, बेचारा बाहर गया पता चला चेंज हो गया। DT से गंदी हालत GST टीचर्स की है, मतलब मेरे को बहुत दुख होता है उनके लिए, खुद के लिए भी होता है लेकिन उनके लिए ज्यादा होता है। तो जितना रेलेवेंट है दैट इज कैप्ट, तो फुल स्टडी मटेरियल, RTPs, मॉक टेस्ट पेपर जो भी रिसेंटली अनाउंस होते हैं, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ दिस बुक। लास्ट आई थिंक November 22 RTP तक के तो क्वेश्चंस ऐड हो ही गए थे, अब May 23 RTP आई बाद में ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट November 22, बट May 22 100% था, November 22 के पहले मैंने बुक बना दी थी शायद, तो जो भी बुक बनने के बाद की RTPs आती है दैट मे नॉट बी देयर। तो अभी तो ये बुक का काम चालू ही नहीं हुआ है, अभी तो मैंने ये दो बुक कंप्लीट किया है, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई CA इंटर का वन बुक, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट May 24 का इंटर का बैच इन August। क्लास में मेरे को आपके साथ में ये दो बुक चाहिए, उनके साथ भी एक बुक चाहिए,
वो बुक कंप्लीट होएगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की बुक्स उनकी और आपकी, पहले आपकी होएगी उनकी बाद में ही होएगी वैसे भी। तो वंस इंटर का फर्स्ट बुक इज रेडी देन अगेन आई विल स्टार्ट ऑन दिस एडिशनल क्वेश्चन बैंक। ओके, तो आपका पूरा प्रैक्टिस यहां पे हो जाएगा। यू डू नॉट नीड टू स्पेंड अ सिंगल पेनी और अ सिंगल सेकेंड ऑफ योर टाइम सर्चिंग फॉर क्वेश्चंस एनीवेयर एल्स। और अभी क्या है, इतना फेमस नहीं हुआ है क्योंकि ये चीज ही मैंने लास्ट ईयर चालू की। फेमस करने का काम आपका ही है। इट्स अ मैटर ऑफ वन और टू इयर्स एवरीवन इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक। तब आप जाके लोगों को बोलेंगे कि ये इस बुक के हम इनिशियल स्टूडेंट्स हैं, ये वो बुक है। एक बार फेमस हो जाएगी तब पता चलेगा। ओके, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड, ऑल योर प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ। अब टोटल 850 क्वेश्चन का डेटाबेस है, आपको पूरा का पूरा करना चाहिए। अब समर लाइक के सर इतना नहीं, मैं 850 में से 80 करेगा तो चलेगा ना? वैसे तो तू 8 करना, तू मत करना ऐसे ही जाके एग्जाम दे दे, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ ले और कोई भी क्वेश्चन आए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पूछे तू मार्जिनल कॉस्टिंग सॉल्व करके, कुछ भी करना। वैसे इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन यू शुड डू दिस। ये वाला तो मैं आपके साथ कवर ही कर रहा हूं, आपको वापस किधर करना है? गो थ्रू भी करोगे तो हो जाएगा, ये करना है ना आपको। एंड आई हैव पर्पसली नॉट मेड दिस चैप्टर वाइज, ये पूरा चैप्टर वाइज है क्योंकि क्लास में करना है। ये पर्पसली नहीं, क्योंकि एक बच्चे ने है ना, एक तो बच्चे लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सर व्हाई इट इज नॉट चैप्टर वाइज, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। तो मेरा खाली सिंपल, मैं पोलाइट, मैं कभी स्टूडेंट्स के साथ रूडली बात करता ही नहीं, एकदम पोलाइटली उसको पूछा एग्जाम विल हैपन चैप्टर वाइज। बेचारे का जवाब ही नहीं आया कुछ, मेरे को लगता है ब्लॉक ब्लॉक भी कर दिया होगा, कोई भरोसा नहीं, कर दे मेरा क्या जाता है। तो इट इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस दिस। ओके, आस्क एनी रैंक होल्डर, एनीबडी गॉट रैंक इन इंटर बाय द वे? नहीं, तो दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसके बाद रैंक तो नहीं आएगा। किसमें लेके आओगे? एल्डेस्ट इन द फैमिली तो फर्स्ट टू गेट मैरिड फर्स्ट रैंक, नहीं ना, नहीं ना, ये लास्ट चांस है आपका। आस्क एनी रैंक होल्डर, एक ही चीज बताएगा, अच्छा बाय द वे एक रैंक होल्डर दोस्त और एक फेलियर दोस्त दोनों होना चाहिए, तो क्या सही है और क्या गलत है दोनों का नॉलेज आता है। ओके, एक ही चीज बोलेगा दैट यू कांट वेट फॉर द प्रोफेसर टू कंप्लीट सिलेबस देन स्टार्ट स्टडी। जितना रोज मैंने पढ़ाया उतना रोज आपको पढ़ना है। मैं 3 घंटा पढ़ाऊंगा, आपको 30 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में हो जाएगा। जिस दिन मेरा बैच कंप्लीट होएगा उस दिन आप एक ऐसी पोजीशन में चाहिए, सर मेरा पूरा पढ़ाई हो गया, मेरे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। फिर आप देखो 10 दिन बैठोगे तो आपका ये पूरा और इसके आगे के क्वेश्चन और सब सॉल्व हो जाएंगे। इफ यू वेट फॉर मी टू कंप्लीट सिलेबस एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग, तो आपका होने वाले नहीं है, इस जन्म में भी नहीं होने वाला। आप समझा क्या? तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपका सब्जेक्टिव सॉल्व करने वाला क्वेश्चन का 850 क्वेश्चन, ये तो अभी के बुक में है, अभी 2 RTP और ऐड हो गई, मॉक टेस्ट पेपर 2 और ऐड हो गए, तो ये नंबर तो बढ़ेगा, 50-60 क्वेश्चन बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। बिकॉज आंटी इज ओनली ब्रिंगिंग न्यू सेक्शन, नॉट डिलीटिंग एनीथिंग। डिलीट होती तो उसके क्वेश्चन भी डिलीट हो जाते हैं, तो ये बढ़ने ही वाला है नंबर। Then comes the fourth book, which will also be given to you. All 5 will be given to you. MCQ book, 30 mark of your paper. MCQs. In terms of quantity and quality, across the length and breadth of the country, it is an open challenge. So, आपकी किसी की MCQ book आप लाके बोल दो कि सर, this is better than yours. और क्योंकि ये तो 3-4 साल से हो रही है, तो इट इज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर इन द मार्केट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। जिस दिन से इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू लॉन्च किया, पहले दिन से लगाकर आज तक एग्जाम के एमसीक्यूज ना वो लोग पब्लिकली रिलीज नहीं करते, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना, हम लोग का ऐसा मानना है कि दे हैव लिमिटेड डेटाबेस ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से ही बार बार पूछते तो दे कांट लीक, व्हिच इज स्टूपिड, मतलब यू डोंट इवन नो 30 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। समवन शुड फाइल आरटीआई अगेंस्ट दिस, पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं। ओके, तो 1900 क्वेश्चंस के अंदर इंस्टीट्यूट ने जो भी पब्लिकली रिलीज किया, फॉर एग्जांपल आरटीपी के एमसीक्यू, मॉक टेस्ट पेपर के एमसीक्यू, एक केस स्टडी डाइजेस्ट निकाली, केस स्टडी इज बेसिकली एक स्टोरी दिया है और उस स्टोरी पे 5 MCQ है, वो 10 मार्क का पहले सम आता था, वो सम हम सॉल्व करते थे, एक आध स्टेप रॉन्ग होता था लेकिन फिर भी 10 में से 5-6 मिल जाते थे।
अब क्या है, वही सम पूछा है आपको, वही सब स्टेप्स करने हैं और उसके एक एक स्टेप के ऊपर एमसीक्यू बना है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसका पूरा कैलकुलेशन है। फिर फाइंड आउट कैपिटल गेन्स, तुम्हारा कॉस्ट रॉन्ग तो मर के भी तुम्हारा कैपिटल गेन राइट नहीं होएगा, सब्जेक्टिव होता तो भी स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं, एमसीक्यू है। फाइंड आउट टैक्स, गेन का अमाउंट रॉन्ग है तो फिर टैक्स भी रॉन्ग होगा, बाय द एंड पांचों रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज अ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। एक जगह पे गलत गए ना तो पूरा का पूरा रॉन्ग होएगा स्टार्ट टू एंड। और इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू में जो दूसरे ऑप्शन होते हैं ना, दे आर लाइक पनीर टिक्का मसाला, पनीर बटर मसाला, वो खाली लगता है अलग अलग ऑप्शन है, आपको चारों ही राइट लगेगा। एक स्टेप रॉन्ग गया तो दूसरा ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है वो। हर एक एमसीक्यू मैंने चार बार सॉल्व किया, चार बार, पहला पूरा राइट, दूसरा अगर स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है तो क्या स्टेप में मिस्टेक करेगा, समझ ले सरचार्ज का परसेंट रॉन्ग लगाया तो उसकी वजह से आंसर क्या आया, वो आंसर को मैंने दूसरा ऑप्शन बनाया। एक एक एमसीक्यू को चार चार बार सॉल्व किया, एक बार राइट, तीन बार रॉन्ग, टू मेक योर प्रैक्टिस परफेक्ट। एंड एवरी केस स्टडी ऑफ द केस स्टडी डाइजेस्ट इज ऑल्सो कवर्ड हियर। Once again, you will not find a single question of ICAI anywhere, a single question of any other author, any other writer or faculty anywhere. वैसे सभी faculties की book ICAI के material से ही बनती है, पर मैंने तो फिर भी गोता, I am their client, मैंने उनके books खरीद लिया, देख लिया, कुछ भी extra है था ही नहीं, अगर होता तो वो भी cover हो जाता। There is not a single question outside of this. Of course, MCQ book recent future, near future में बनेगी, तो May 23 तक के तो RTP के भी MCQs आ जाएंगे। जब तक मैं ये बनाऊंगा तब तक November 23 की RTP अगर आ जाती है, which I hope आ जाएगी, क्योंकि पहले मैं इंटर की बुक करूंगा as I told you, तो वो भी आ जाएगा। But May 24 के MCQs, तो तब तक तो मैं आपकी बुक नहीं वेट कर सकता हूँ ना, May 24 की RTP, मेरे को तो आपको बुक देना है। ओके तो फिर एक ही चीज होती है कि एवरी टाइम व्हेन आईसीआई कम्स अप विद अ न्यू आरटीपी, अ ट्रेंड हो गया आजकल, अमेंडमेंट रिवीजन के लेक्चर डालने के साथ साथ आरटीपी का लेक्चर भी रिकॉर्ड करके फैकल्टीज को डालना पड़ता है। तो आरटीपी के अंदर जितने एमसीक्यूज है उसका पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन, क्योंकि उसमें सोल्यूशन नहीं पता रहता है, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बिकॉज दे ऑल्सो आर नॉट कवर्ड हियर, नो, वो भी आरटीपी बाद में आई है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करके, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी सोल्यूशन है ही। और पूरी दुनिया इन वीडियोस को देख रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी बच्चे देख रहे हैं, आई हैव गॉट स्टूडेंट्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, अरे प्रूफ है, गुजरात से तो बच्चे अटेंड कर रहे हैं अभी। आई हैव गॉट स्टूडेंट्स इन एवरी कंट्री वेयर इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स एग्जाम, जिधर जिधर फॉरेन चैप्टर्स है उधर उधर मेरे स्टूडेंट्स है, पूरी दुनिया उसका फायदा ले रही है। और अगर आपने वो नहीं देखा है, लेटेस्ट आरटीपी आया लेकिन अभी टाइम नहीं, अगर आपने नहीं देखा, इट इज डन फॉर यू, अदर्स आर टेकिंग बेनिफिट, आप नहीं ले रहे हो तो फिर स्टुपिडिटी इज ऑन योर पार्ट, आप समझे। तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन, नेवर मिस एन अपडेट। मैं कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो दैट विल बी ऑन यूट्यूब। और मुझे अगर आपको कोई भी पीडीएफ देना है कि अमेंडमेंट की समरी देनी है, ऐसा कुछ भी, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑन टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम इज अ पीडीएफ शेयर करने का मीडियम एंड यूट्यूब इज वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, करेक्ट। बाकी मेरा इंस्टाग्राम या मेरा फेसबुक या मेरा व्हाट्सएप स्टोरी, दैट्स माई पर्सनल स्पेस, वहां पे मैं कुछ भी करूं, कुछ भी नॉनसेंस करूं, कुछ भी ड्रामेबाजी करूं, कुछ भी वेज या नॉन वेज बात करूं, कुछ भी एडल्ट बात करूं, दैट्स माई पर्सनल लाइफ, एवरी वन हैज हिज और हर, नो वन कैन इंटरफियर, आई डोंट अलाउ ऑल्सो एनी वन टू इंटरफियर, करेक्ट। तो वहां पे यू मे और मे नॉट फॉलो, बिकॉज वहां पे प्रोफेशनली आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, खाली एंटरटेनमेंट चाहिए तो अलग बात है, प्रोफेशनल बेनिफिट होएगा यूट्यूब एंड टेलीग्राम के ऊपर। बट नोइंग योर नेचर एंड नोइंग यू सो वेल, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट यू वुड फर्स्ट प्रीफर इंस्टाग्राम ओवर यूट्यूब। बोला छोड़ना, पढ़ाई तो होते रहेगी, मजा आना चाहिए लाइफ में, मजा चाहिए बस। हाँ, वो राहुल जी ने बोला था ना एक बार, मजा आया, देखा है वो, मजा आया, और मैं ये जो मजा है सबको देना चाहता हूं। हाँ, तो MCQs will be taken care of. Effectively, आप समझ लो करीब करीब 2800 questions आपको दे दिए, अब सॉल्व यार आपको करना है, कम ऑन, उसमें से भी इतना क्लास में कर लिया, अभी इसके आगे तो आपको करना पड़ेगा ना यार, यू अंडरस्टैंड और नो।
So this much is expected out of you, of course. And there is this fifth book. Is book ka naam hai exemption. Book ka naam hai exemption. Because that also defines the results jo attempt after attempt atne bachche bachche leke aa rahe. Okay. This is isko kuch 2 saal hua hai. And wait and watch. You just wait and watch. In the coming time, this also is going to rule the markets, I am telling you. This is a handwritten colored book. Handwritten book with color combination, heading in black, data in blue, amendment in red, important points in green, examples in pink. सर आजकल ये तो सब फैकल्टीज करते हैं, हमारे ऑफिस में बच्चे आते हैं सर दूसरे का भी. तुम जाके कंपेयर कर लेना, अब तुम जाके कंपेयर कर लेना. आपके ऑफिस के दोस्तों को थोड़ा बुरा तो लगेगा, एक बार कंपेयर कर लेना. हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज है जो किसी और के पास नहीं है. आजकल ये भी लोग कॉपी करने लगे हैं, वो अलग बात है. मैं नहीं बोलते हैं, ये मीम्स होता है. मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जैसे ये मेरा TDS का चैप्टर आपको दिखाता हूं. आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग. दिस इज ओनली द लास्ट ईयर का TDS का बुक. ओके. ये जो भी मैंने पेन से किया है ना, ये तो एक्सप्लेनेशन करने के टाइम पे किया है, लेकिन समझ लो कि आपने TDS की ड्यूटी नहीं की. इफ यू डोंट डू TDS का ड्यूटीज, तो यू नो दिस गाय, गायतोंडे. कम ऑन, गायतोंडे आपको नहीं पता ऐसा बहुत. हाँ, तो मरने का एक ऑफकोर्स ये स्टार ही करना पड़ता है. ये मैं एक्चुअली उसने जो डायलॉग मारा था वो नहीं लिख सकता हूं इधर. हाँ, क्योंकि क्या है, नहीं तो लोग बोलेंगे देश में शिक्षा का स्तर नीचे हो रहा है. फॉर दोज हू डोंट नो गायतोंडे, क्योंकि किसी किसी ने गंदा एक्सप्रेशन भी दिया कि ये गायतोंडे क्या होता है. वेब सीरीज के फॉलोअर्स नहीं है. मैं भी नहीं था, कोविड के बाद में हुआ. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन के ऊपर TDS अंडर 192 है. कम ऑन, यू कैनॉट नॉट नो दीज गाइज. ओके, ये अगर इफ यू डोंट नो दीज गाइज, देन दैट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम विथ यू ओनली. ओके, तो ऐसा ही कुछ आपको पूरी बुक के अंदर मिलने वाला है. एंड साथ ही साथ ये दिस इज तो फॉर फन ऑफकोर्स, साथ ही साथ कैसे ये डेटा आपके सामने पुटअप किया गया है ऑल्सो ऑब्जर्व दैट. खाली एक सेक्शन ही देख लो आप TDS का. एम्प्लॉयर इज मेकिंग पेमेंट टू एम्प्लॉय, तो उसको TDS डिडक्ट करना है सब्जेक्ट टू दीज पॉइंट्स. इतने में आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया. पीपल से वन डे बिफोर एग्जाम DT की रिवीजन करना मुश्किल है बिकॉज साइज ही इतना बड़ा है. अपन बोलता है वन डे बिफोर एग्जाम DT का सिलेबस 2 बार रिवाइज करके दिखाए इस बुक से. दैट्स एग्जेम्पशन, द हैंड रिटन कलर बुक विथ मीम्स. और आपको आप मैं तो बोला मैं खुद की तारीफ करता हूं, तो शायद आपको ये लगे कि ये झूठ बोल रहा है. कल का एक स्टूडेंट का मैसेज है दैट एग्जेम्पशन इज द न्यू रेडी रेकनर ऑफ माय ऑफिस. ऑफिस में जितने बच्चे हैं सबने एक एक खरीद लिया है, सबको कुछ भी किसी का भी काम आता है, डिफिकल्टी होती है तो इसमें देख के करते हैं, इजी पड़ता है. ये हमारे लिए रेडी रेकनर हो गया बिकॉज थिंग्स आर रिटन ओनली इन सच मैनर. ओके, प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकलशिप में जाने के बाद में जो सीनियर्स, 2-4 सीनियर जो खुद ही 5-5, 6-6 अटेम्प्ट से क्लियर नहीं हुए, जो हुए भी है वो मर के हुए, वो लोग जब दिमाग में गटर वाला ज्ञान डालते हैं ना कि गो फॉर दिस और गो फॉर दैट, दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन. थिंक फॉर योर सेल्फ एंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एक बार सब कुछ वेरीफाई कर लो. किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. ये बुक दूंगा, मैंने बोला इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर है, बिलीव मत करना ब्लाइंडली, एक बार जाके चेक कर लेना, तभी तो कंफर्म होएगा ना सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं. चेक इट फॉर योर सेल्फ. ओके, और कोई आपको किसी की बुक दिखाए ना कि ये देख कलर, तुम बोलना ये देख कलर मीम के साथ, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. ओके, सो टिल लास्ट ईयर ये एग्जेम्पशन की बुक लोगों को बाय करना पड़ता था. अभी जैसा कि मैंने बोला कि competitors are getting popular only because of that handwritten book which is again not as good as ours. तो लोगों को एक तरीके से आप समझ लो कि उसको marketing cost में debit करके लोगों को ऐसे ही देना. बाहर वाले को देने से तो better है सबसे पहले तो जिसने अपने class में enrollment लिया है
उसको देना है. तो ऑल दीज फाइव बुक्स आर गोइंग टू बी गिवन टू एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम. रिविजन आपका बहुत इजिली हो जाएगा. आपको पहले दिन से आपके वन एंड हाफ डे की तैयारी करनी है. थियरी तो पूरा आपको, दिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. और अभी तो आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है. दिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एज फार एज क्वेश्चन आर कंसर्न. आप एक दिन पहले एग्जाम के वो 3000 क्वेश्चन तो कर नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा. लेकिन क्या आप ये कर सकते हो दैट व्हेन यू ऑल आर डूइंग दीज क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आप इन 850 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन, इन 1900 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन, क्या आप उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो? व्हाट इज गोइंग टू बी योर क्राइटेरिया? ये तैयारी पहले दिन से करनी पड़ेगी. जितना आपका प्लानिंग परफेक्ट होएगा और एग्जीक्यूशन परफेक्ट होएगा उतना आपका रिजल्ट बेटर होएगा. इज सीए फाइनल डिफिकल्ट? ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट. इट इज स्टूपिड टू से इट इज इजियर देन 10th एंड 12th. इट इज डिफिकल्ट, इट हैज टू बी डिफिकल्ट, व्हिच इज व्हाई द रिस्पेक्ट एंड लव एसोसिएटेड विद इट एंड द फ्यूचर एसोसिएटेड विद इट. बट कैन इट बी मेड इजी? यस इट कैन बी. योर प्लानिंग हैज टू बी परफेक्ट अलॉन्ग विद एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स. रोज प्लानिंग ही बनाते रहो, कल से पक्का पढ़ेंगे, कल से तो वो कभी नहीं आने वाला. प्लानिंग और प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन आपको परफेक्ट करना पड़ेगा. यू कैन मेक इट इजी. आप पहले दिन से जब क्वेश्चन करोगे आप शॉर्टलिस्ट करते जाओ. क्राइटेरिया क्या होएगा आपका? एक तो ये वाला पार्ट तो मैं क्लास में करूंगा, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन आएगा. मैं बोलूंगा दिस क्वेश्चन इज द गीता, कुरान, बाइबल, आगम, गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ द चैप्टर. मतलब विच एवर यू फॉलो ना, मतलब दिस क्वेश्चन विल समराइज द एंटायर चैप्टर. तो पहले पार्ट में तो हम लोग भी करेंगे क्लास में, दूसरे पार्ट में जब आप खुद सॉल्व करने जाओगे देर विल बी सम क्वेश्चन विच इज रियली डिफिकल्ट. हाँ, लेकिन किया तो आपको आया, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया, आपने वो मार्क करके रखा. ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपने छोटा मिस्टेक किया, लेट इट बी द सिलिएस्ट ऑफ मिस्टेक, बट मार्क इट के ये क्वेश्चन मेरे को एक बार वापस देखना है क्योंकि मैंने इसके अंदर ये मिस्टेक किया. एक गधेड़ा, अगर तुम सब क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहा है ना, तो पहले क्वेश्चन मत सॉल्व करो, पहले वापस थियरी पढ़ के आओ. मतलब मिस्टेक और डिफिकल्ट मिला के 80 क्वेश्चन करने का, ऐसा नहीं इसमें मेरा ये स्टेप रॉन्ग गया, चल मार्क, तो तुम 850 ही मार्क करके बैठ जाएंगे. पहले पूरा थियरी प्रॉपरली पढ़ के इन अ वे दैट 90% ऑफ द क्वेश्चन यू आर डूइंग स्मूथली विदाउट एनी मिस्टेक. जो 10% क्वेश्चन बचे उसमें मिस्टेक वाले भी और जो इंपॉर्टेंट वाले भी, विच इंक्लूड्स हमारा पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन बुक जो हम लोग करने वाले, वो आपको शॉर्टलिस्ट करना है. सेम यू हैव टू डू फॉर एमसीक्यू. तो उससे क्या होगा, आपने अपने 1.5 दिन की प्लानिंग ना पहले ही कर ली है. आप समझा क्या? मेरी एक स्टूडेंट थी, मतलब वो अभी भी है लेकिन अभी सीए बन गई है, मतलब मेरी स्टूडेंट, नो लॉन्गर माई स्टूडेंट, केरला से आसिफा करके, शी गॉट 81 मार्क्स इन डायरेक्ट टेस्ट. अगेन लोगों को 2-3 अटेम्प्ट मिला के डीटी में इतना नहीं आता ना, तो एवरीवन वांट्स टू नो कैसे किया, कैसे मैनेज किया आपने. शी, आई टोल्ड हर गिव योर वीडियो, शी रिकॉर्डेड हर वीडियो पूरा इंग्लिश में, बिकॉज शी इज अ मलयाली. तो वो साउथ इंडियन जब इंग्लिश बोलता है तो एक्सेंट में थोड़ा सा समझ आ जाता है, तो थोड़ा सा एक्सेंट में भी डिफिकल्ट था, बट शी डिड एवरीथिंग. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन उसका ये था दैट फ्रॉम डे वन व्हेन आई वॉज स्टडिंग आई वॉज प्रिपेयरिंग नोट्स दैट विल हेल्प मी टू रिवाइज बिफोर माई एग्जाम. लास्ट वन एंड अ हाफ डे आई मेड वेरी इजी फॉर माई सेल्फ एंड इन एग्जाम ऑल्सो वेन एवर आई केम अक्रॉस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन I broke that question into small parts. This adjustment is easy. Let me solve this. This adjustment is difficult. इसको बाद में. उसने question को adjustment by adjustment solve किया. 10 mark के 12 mark के question में अगर आपको बहुत difficult भी लग रहा है तो भी 7-8 adjustment ऐसे होंगे जो बहुत easy है. वो 3-4 points ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, बहुत difficult होते हैं. तो 4 mark आप छोड़ दो, बाकी का तो score करो. उस 4 के चक्कर में आप पूरे question से ही डर जाओगे तो पूरा 12 mark चला जाएगा. She did that well. So ultimately, these are the 5 books that will be given to you in terms of coverage. Once the books will be in your hand, you'll come to know कि दूर-दूर तक कोई अपने बराबर अभी आने के लिए अभी time लगेगा लोगों को आते. हाँ, of course, these 2 books are ready right now. वैसे भी class में ये 2 books की जरूरत है, ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी. ये books का काम थोड़ा सा बाद में होगा. New course में क्या उनकी expectations बदलती है, number of
क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. एनी चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन दीज बुक्स एंड अकॉर्डिंगली ये बाद में मिलेगा. इट कैन बी एज लेट एज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैच ऑल्सो, बिकॉज वैसे भी जब तक आपका बैच चल रहा है तब तक आपको एवरी डे मैं जो करवा रहा हूँ उसका रिविजन और अपने क्लास के क्वेश्चन का रिविजन उतना ही आपको करना है. वंस यू डू दैट यू आर ऑलरेडी रेडी विथ योर एंटायर सिलेबस. आज से कुछ साल पहले तक मैं बच्चों को सिर्फ यही दो बुक देता था, उससे भी एग्जेम्पशन लेके आते थे. ये तो आजकल सिस्टम चल पड़ा है, ट्रेंड चल पड़ा है, कॉम्पिटिशन इतना हो गया है, नंबर्स ऑफ सीए फाइनल स्टूडेंट्स आर श्रिंकिंग और इस कम नंबर में भी हमको सर्वाइव करना है, इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, नहीं तो आप उससे भी एग्जेम्पशन लेके आ सकते हो. इफ आई हैव टू कॉल माई सेल्फ बेटर देन एनीबडी एल्स उतना काम भी करना पड़ता है. तो ये तीन बुक आपको बाद में मिलेगी. इट कैन बी एज लेट एज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैच एज वेल. तो मैं क्लियरली बोल दूं रोज रोज जाके ऑफिस में वो बुक कब मिलेगा, वो बुक कब मिलेगा, वो बुक कब मिलेगा, मगजमारी मत करना. मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं पहला दो बुक प्रिंटिंग में चला गया है, इट विल कम वेरी सून. बाकी तीन बुक वो थोड़ा लेट आएगा. दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे ही होगा मैं आपको वो बुक्स पहुंचा दूंगा, मैं माइंड से फ्री होऊंगा, टेंशन आपका नहीं मेरा. आर वी क्लियर अबाउट द स्टडी मटीरियल दैट इज गोइंग टू बी गिवन टू अस ऑल ऑफ अस. चलिए, ये ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन, लेकिन क्या है पहला लेक्चर है ना, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमको प्रॉपरली करना पड़ता है. ओके, क्योंकि एक बार ये इंट्रोडक्शन प्रॉपरली हो गया ना तो आगे जाके थिंग्स बिकम अ लिटल इजी. चलिए लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज योर डायरेक्ट टारगेट ऑफ एग्जामिनेशन इज कंसर्न. विच इज द प्रीवियस ईयर एंड विच इज द असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यूल आर नॉट पीपल जिनको मुझे ये बताना पड़े कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या. प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच वी अर्न अवर इनकम. असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच वी कैलक्यूलेट एंड कम्युनिकेट बाई वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. कैलक्यूलेशन को ही असेसमेंट बोला जाता है. वी हैव टू कैलक्यूलेट इनकम एंड टैक्स. आपने कभी ये नहीं सोचा कि सर मतलब जिस साल इनकम कमाता हूं वो तो मेरा करंट ईयर है, तो इनकम टैक्स में हमारे करंट ईयर को प्रीवियस क्यों बोलते हैं सर? प्रीवियस तो मतलब पहले का होता है ना, आज तक नहीं है ना सर. करंट ईयर को प्रीवियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाय द टाइम यू सिट एंड कैलकुलेट वो खत्म हो गया होता है. जस्ट खत्म हुआ होता है ना उस साल का ही आपको कैलकुलेशन करना है. सो वी कॉल इट प्रीवियस ईयर. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज दिस दैट आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा. टूडे वाई इज अ मे 24 और नवंबर 24 स्टूडेंट मर्ज्ड इन वन बैच एंड वाई आई एम नॉट पर्पसली इनवाइटिंग अ मे 25. मे 25 वाले भी वैसे देखोगे तो इंटर कप के क्लियर हो गए एक साल पहले, बैठने का मूड होगा तो आके बैठ भी सकते हो लोग इधर. वाई आई एम नॉट कॉलिंग वो भी छोड़ दीजिए. इस मे में आज तो 3 जुलाई है ना, इस मे में देर आर पीपल हु हैव गिवन ग्रुप वन. बोलो यस और नो. अब ग्रुप वन ही दिया है तो ग्रुप टू थोड़ी पास होएगा. ग्रुप टू नवंबर में देगा. ग्रुप वन का रिजल्ट कुछ भी आ जाए ग्रुप टू तो देना है. एंड आई हैव गॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव इंक्वायर्ड विद मी. लेकिन एज अ क्लैरिटी जब भी कोई स्टूडेंट इंक्वायर करता है मैं क्लियरली बोल देता हूं दैट मे 23 नवंबर 23 का असेसमेंट ईयर अलग है, मे 24 नवंबर 24 का असेसमेंट ईयर अलग है एंड मे 25 नवंबर 25 असेसमेंट ईयर अलग है. Every CA final syllabus of the May attempt is same in the November attempt and new in the next May attempt. So if your exam is November 23, if I think commercially, तो मैं जबरदस्ती बच्चों को बोल सकता था. Think about it as a teacher, मैं क्या बोलता हूँ उससे lot of people get influenced. मैं बच्चे को ये बोलूँ कि नहीं नहीं तो आजा कोई बात नहीं November 23 है तो भी दे देना इतना casually. तब और 10-20 को लेके आ सकता था. बट मैं क्या बोलता हूं सुनो. द बैच इज बींग डन एज पर द असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल फॉर मे 24 नवंबर 24. उनके सारे अमेंडमेंट्स इस बैच के अंदर कवर होंगे. देर मे बी सम एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स दैट आर डन विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ नवंबर 23. समटाइम्स इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कुछ निकल के उसकी जगह पे आ रहा है तो जो निकल गया है वो डिस्कस नहीं और जो नया आया है वो डिस्कस होगा. बट वो बहुत रेयर होता है क्योंकि जब से आंटी आई है खाली ऐड ही करते जा रही है. जो सीए फाइनल का बैच 2 महीने में कंप्लीट होता था अभी 3 महीने में स्ट्रगल होता है कंप्लीट करने को. तो कोई रेयर 2-4 जगह ऐसी होगी जहां पे कुछ निकल गया. उतना जो डिफरेंस है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा.
अगर मैं वो बोलने लग गया ना कि ये पढ़ो, तुम खाली नवंबर 23 वाले पढ़ो, ये 24 वाले पढ़ना, ये तू 25 वाला है, तेरे लिए अगले साल एक और बजट आएगा, तो वापस आना, मैं पागल हो जाएगा, क्लास में बच्चे बैठे वो भी पागल हो जाएंगे, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आई कीप द ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर, एक टाइम पे एक बजट कराया जाएगा। एवरी ईयर इन इंडिया एक एनुअल एक्सरसाइज होती है कॉल्ड बजट। 1st of February फाइनेंस मिनिस्टर स्टैंड्स अप इन द पार्लियामेंट एंड प्रेजेंट्स द बजट विद परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ कोर्स। आई राइज टू प्रेजेंट द फाइनेंस बिल। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट में बोलता है या फिलहाल बोलती है, दे आर ऑल प्रपोजल्स। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। वेल आई बिलीव फाइनल के बच्चे हो तो पता होना ही चाहिए दैट एवरी वर्ड स्पोकन इन द बजट इज नॉट फाइनल, दे आर ओनली प्रपोजल्स। एज अ मिनिस्टर ही और शी हैज द राइट टू इंट्रोड्यूस प्रपोजल्स रिलेटिंग टू फाइनेंस। प्रपोजल जैसे ही वो प्रपोजल बोलना खत्म हुआ, इसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। इट इज नॉट फाइनल लॉ, ये बिल है, इस पे डिस्कशन होएगा। तो पार्लियामेंट बैठा है, 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल प्रेजेंट किया, फिर बोला बोलो किसी को कुछ बोलना है। पहले ऐसा होता था कि दूसरी पार्टी के ज्यादा लोग होते थे, खुद की गवर्नमेंट जो भी बनी है वो भी दूसरी पार्टी के सपोर्ट से बनी है, तो उनको सबको बोलने का चांस देना पड़ता था। आजकल क्या हो गया कि सबसे ज्यादा मेंबर इनकी पार्टी के ही है, और जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला किसी को कुछ बोलना है, डेमोक्रेसी में वैसे तो सबको बोलने का राइट है जो पार्लियामेंट में बैठे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के बाजू में मोटा भाई बाम्बू लेके बैठे, फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है किसी को कुछ बोलना है, मोटा भाई बोलते बोल के दिखा, तुम समझा क्या? हाँ, मोटा भाई डिस्ट्रॉइंग पॉलिटिकल पार्टीज सिंस 2014, रोज एक पार्टी तोड़ रहे। यू वोंट बिलीव, इन द लास्ट लेक्चर इटसेल्फ आई वॉज डिस्कसिंग विद द सीए इंटर स्टूडेंट्स दैट महाराष्ट्र पॉलिटिक्स हैज बिकम सर्कस पूरा का पूरा। सब इधर जोकर की तरह काम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, लास्ट लेक्चर तक ऐसा डिस्कस किया, कोई बोलता था ना कि सर माजे वडिल शिवसेना मध्ये, मतलब मेरे पप्पा शिवसेना में, तो पूछते थे कौन सी। और लास्ट लेक्चर और अभी के लेक्चर में इतना डिफरेंस हो गया, अभी बोले मेरे पप्पा एनसीपी में है, तो अभी उसको भी पूछना पड़ेगा कौन सी, वो भी दो हो गई। तो शिवसेना तोड़ दिया, एनसीपी तोड़ दिया, कांग्रेस तो पहले ही महाराष्ट्र में टूटी हुई है, और क्या तोड़ेगा उसको मोटा भाई। तो यू नो विच मोटा भाई आई एम टॉकिंग अबाउट ना, एंड स्पेशली स्टूडेंट्स जो दो कुछ बच्चे जो गुजरात से अटेंड कर रहे हैं, उनको तो ऑफकोर्स पता होना ही चाहिए, बीसीसीआई सेक्रेटरी के पप्पा। हाँ, तो ये फाइनेंस बिल है, लीगली स्पीकिंग मेंबर्स आर अलाउड टू गिव देयर ओपिनियन, कुछ चेंजेस अगर चाहिए तो। मेंबर्स जब अपने प्रपोजल्स देते हैं समटाइम्स चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट। वैसे भी चेंज जब भी लाने की बात होती है आंटी तो ओवर एक्साइटेड रहती है, अरे चेंज करना है, यस 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 करते चलते। फाइनली लोकसभा से निकल जाता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा भी कभी कभी अमेंडमेंट सजेस्ट करता है, कभी नहीं भी करे, नहीं किया तो राज्यसभा से भी पास हो जाता है। एंड देन इन इंडिया देयर इज वन पर्सन ओनली टू फेलिसिटेट अदर, दूसरों का टीका करने के लिए, दूसरों का बहुमान करने के लिए एक आदमी रखते हैं इंडिया में। अभी आदमी नहीं, अभी लेडी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी कौन है? वन डे व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज और करंटली हर स्टैम्प, दैट फाइनेंस बिल विल बिकम फाइनेंस एक्ट, और एक्ट यूज होते ही वो एप्लीकेबल होगा जब प्रेसिडेंट का स्टैंप मिलता है। हिस्टोरिकली बजट आता था 28 February को, पहले मोदी जी आए उसके पहले, उसके पहले तो अटल जी के पहले ना बजट शाम को 5:30 आता था, क्योंकि वो ब्रिटिश टाइमिंग के हिसाब से थे। अटल जी बोले उनको जाके 60 साल हो गया, अभी क्यों उनके टाइमिंग के हिसाब से चले, तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 11:00 की। तो आज भी लोग याद करते हैं कि बजट का टाइमिंग चेंज किसके टेन्योर में हुआ था, अटल जी के टाइम पे। मोदी जी ने इस बात को पकड़ ली, तो मोदी जी को सब कुछ बदलना है कि आने वाले 10-20-50 साल में लोगों को पता रहे ये कौन लाया, बोला मोदी जी, ये कौन लाया मोदी, ये नोट कौन लाया मोदी जी ने, सभी नोट बदल दिया, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 का नया लेके आया, 500, सब नोट बदल दिया। मेरे को लगता है वापस 2000 की जगह वापस 1000 लेके आएंगे।
कोई तो अजीब सा कलर, सब अजीब अजीब कलर, ऐसा होली खेल रहे वैसा कलर का ही हैज ब्रॉट नोट्स, और भी कुछ लेके आएंगे वापस लगते हैं। कुछ भी लाया, कौन लाया आज के, यू नो तीन चार जनरेशन याद रखेगी ये कौन किया, मोदी जी। एवरी इवनिंग ही गोज होम, ही इज लाइक काले सु नव करू, ही डज नॉट हैव अ वाइफ एट होम। वंस ही रीचेस होम, ही डज नॉट हैव टू फेस स्टूपिड क्वेश्चंस। हाउ वॉज योर डे टूडे, भाई तेरे से बोला तब तक तो अच्छा ही था। वॉट डिड यू ईट टूडे, पत्थर, तेरे को क्या करने का है। मोदी जी को ये सब प्रॉब्लम है, सॉरी फॉर दोज हु आर मैरिड, मतलब फाइनल में ऐसे बहुत होते हैं हु आर ऑलरेडी मैरिड, तो मोदी जी को ये सब प्रॉब्लम ही नहीं है। ही डज नॉट हैव टू फेस स्टूपिड क्वेश्चन। उनको तो कल क्या चेंज करूं, एक दिन नोट बदल दिए, एक दिन बोला चल इंडिया का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स बदल देता हूं, तो सब उनको खाली एक चीज फाइनेंस मिनिस्टर कब बदलेंगे पता नहीं चलता, बाकी सब चलेगा, एक वो बदल दो प्लीज। तो फाइनेंस एक्ट आया उस दिन आप बोल सकते हो कि अब ये लॉ पक्का हो गया। पहले ये 1 फरवरी को बजट नहीं, 28 फरवरी को आता था, पार्लियामेंट बंद हो जाता था, वापस मॉनसून सेशन जून जुलाई में स्टार्ट होता था, फिर प्रपोजल डिस्कस होते थे, 15 जुलाई तक बजट पास होता था, फाइनेंस एक्ट तब बाद में बनता था। लेकिन मोदी जी का एक चीज मानना पड़ेगा, उन्होंने बोला कि 1 फरवरी को अगर बजट आया तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले एक्ट भी कर लेंगे, हम उसी सेशन में पूरा प्रपोजल फाइनल कर लेंगे, जो भी चेंजेस करना है वो भी ला देंगे, पार्लियामेंट बंद होने के पहले वी विल कन्वर्ट द फाइनेंस बिल इनटू फाइनेंस एक्ट। तो नया फाइनेंशियल ईयर चालू होने के पहले लोगों को पहले से टैक्स के प्रोविजन मालूम है, अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर प्लानिंग। तो मॉनसून सेशन तक उसको पोस्टपोन करना बंद करवा दिया, विच मीन्स अब बजट 31 मार्च के पहले पहले, लास्ट वीक ऑफ मार्च में प्रेसिडेंट का स्टैंप लग जाता है। तो वॉट हैपन्स, एवरी ईयर देर इज अ बजट, फॉर एग्जाम्पल देर वॉज फाइनेंस एक्ट ऑफ 21, ये किसके लिए, ये 1 फरवरी 2021 को आया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स दिस इज फॉर द अपकमिंग ईयर। अपकमिंग ईयर मतलब कौन सा ईयर, 20, तो इस साल तुम इनकम कमाओ और उसका कैलकुलेशन कब करेंगे, अगले साल, और ये बन जाएगा पी वाई, ये बन जाएगा ए वाई, मीन्स 21 का बजट 21-22 के लिए, जिसका कैलकुलेशन अगले साल होता है, तभी तो उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। वी नो नो असेसमेंट ईयर इज द ईयर आफ्टर द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर इज द ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। इसकी इनकम इसमें कैलकुलेशन, इसकी इनकम इसमें कैलकुलेशन। इंटर के बच्चों को 2 घंटा लग जाता है ये सिखाने में। यू वॉन्ट मी टू डू दैट, आई एम रेडी टू डू दैट, मेरे को क्या 4 दिन और लगेगा। यू अंडरस्टैंड पी वाई ए वाई, नो हाँ, मतलब नोइंग योर टैलेंट एंड कैलिबर आई कांट गो टू दैट लेवल के आपको लगे कि बहुत पकाता है कल से नहीं आने का। जिधर पकाने की जरूरत है उधर पकाएगा भी, लेकिन जिधर जरूरत नहीं है आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना लंबा इंट्रोडक्शन फैकल्टी का दिया किस लिए, जो लोग लेट आए थे बाद में देख लेना, ठीक है चलिए। तो फाइनेंस एक्ट 22 आया, ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए, तो ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर 23-24। लाइकवाइज फाइनेंस एक्ट 23 भी आ गया अभी, तो पी वाई 23-24, ए वाई 24-25। आप जब एग्जाम दोगे ना, वेदर मे 24 नवंबर 24, दो में से एक अटेम्प्ट होगा आपका, ओके 24 का एक बजट और आ जाएगा, दैट विल बी फॉर पी वाई एंड ए वाई। दैट वे आप देखोगे तो सर मेरे एग्जाम के पहले का लास्ट बजट ये है, इतना तो पक्का पता है कि हमको 2005-6-7-8-9-10 का बजट पढ़ के तो नहीं जाना, हमको लेटेस्ट पढ़ना है और हमारे लिए लेटेस्ट ये रहेगा। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट इन सीए बट ऑल अदर प्रोफेशनल एग्जाम, सीएस, सीएमए, सब जगह पे, बीकॉम में भी। आप जब एग्जाम दे रहे हो तब कौन सा साल चालू है, कौन सा साल मतलब कैलेंडर वाला ईयर नहीं देखने का, फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है। मे 24 नवंबर 24 में आप एग्जाम दे रहे हो तो कौन सा साल चालू है, 24-25 चालू है, तो उसका कैलकुलेशन कर सकते हो क्या एग्जाम में बैठ के, नहीं तो कौन से साल का कैलकुलेशन लास्ट कर सकते हो, तो आपको क्वेश्चन आएगा ये कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब आपको ये वाला बजट और ये वाला असेसमेंट ईयर, दिस इज द सिलेबस फॉर मे एंड नवंबर 24। अब देखो मे में दिया तो भी सेम ईयर है, नवंबर में दिया तो भी सेम ईयर है, बट थिंक अबाउट इट, जो इस नवंबर 23 में एग्जाम दे रहा है, सी टुडे ओनली लेट अस बी क्लियर कि अगर नवंबर 23 के एक दो बच्चे अपने डिस्क्रिशन पे अटेंड कर रहे हैं तो चेंज क्या है। मैं आपको पहले ही समझा दिया है दैट वी विल बी डूइंग एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर मे 24, चेंज क्या है, नवंबर 23 इज द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो इसका तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, किसका हो सकता है 22-23, तो उनको ये वाला बजट पढ़ना।
दिस इज एप्लीकेबल फॉर मे एंड नवंबर 23. मे 23 ऑफकोर्स खत्म हो गया, नवंबर 23. या दिस यू कैन से विल बी एप्लीकेबल फॉर मे एंड नवंबर 25. फिलहाल अपना बैच इज गोइंग टू वर्क एज पर दिस बजट. और इसीलिए मे 24 नवंबर 24 साथ में होता है. इफ यू आर स्पेशली नवंबर 24, ये नवंबर के बच्चे ना हमेशा तकलीफ देते हैं. ओके, या तो बहुत लेट होते हैं या बहुत जल्दी होते हैं. बहुत लेट होते हैं तो तब तक सब बैचेस खत्म हो जाते हैं. लेट अस बी क्लियर, आज की डेट में मैं नवंबर 23 का एक भी बैच नहीं ले रहा हूं. मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, जैसे आज नवंबर 24 कंप्लीट कर रहा हूं. आई डोंट हैव एनी बैच फॉर नवंबर 23. पहले जैसा नहीं है कि एक एक बैच में 200-200 बच्चे आते थे, तो बैच पे बैच लेते जाओ, एक खत्म दूसरा लाइन में लगा हुआ है. विथ 2020 बीइंग सच अ नेगेटिव ईयर फॉर एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुई, ना फाउंडेशन हुई ना इंटर हुई, तो उसका जो इंपैक्ट है, क्योंकि बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया तो उनके अटेम्प्ट ही शेड्यूल नहीं है. वापस बच्चों ने प्रॉपरली एग्जाम देना चालू किया 2022-23 से, तो उसका फाइनल सीएमए नंबर देखते देखते 26 आ जाएगा. तो तब तक नंबर्स ये ही रहने वाले हैं. एंड जिनको लॉन्ग रन काम करना है ना, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके ऑलरेडी. दोज हु नो दैट दिस इज देयर प्रोफेशन. जो ट्रायल में मनी मेकिंग के लिए खाली आए हैं, वो बाय नाउ तो बोरिया बिस्तरा बंद करके जा भी चुके हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन समवन हु इज सीजन्ड एंड कोई 4 दिन का प्लेयर होता है उससे. एड टेक स्टार्टअप्स फॉर एग्जाम्पल, एड खाली है, बाकी एजुकेशन छोड़ के सब है उसके पास. ओके, तो मैंने नवंबर 23 कितना भी बच्चे रिक्वेस्ट कर ले, मैं अभी बैच नहीं ले सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, कोई और ले रहा होता तो मेरे को भी लेना पड़ता, मुझे पता है कोई नहीं ले रहा है. तो या तो रिकॉर्डेड देख लो या फिर ये बैच में आ जाओ, और ये बैच में खाली जो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स है वो आपको नहीं पढ़ना. तो नवंबर 24 के बच्चे अब क्या तकलीफ देंगे मालूम है? आज पूरा बैच अटेंड कर लिया, उनके सारे अमेंडमेंट्स उनको यहां पे पढ़ा लिया, बिकॉज आई एम गोइंग टू वर्क द बैच एज पर 23 का फाइनेंस एक्ट विच इज द एप्लीकेबल बजट. बैच कंप्लीट हुआ, 6 महीना हुआ, तब जाके तो बुक खोलेंगे, क्योंकि टाइम है ना. अभी तो उनके एग्जाम को 1 साल से ज्यादा है, फिर बुक खोलेंगे, फिर सोचेंगे सर यार ये तो सर ने हमको लास्ट ईयर जुलाई में कराया था. फिर फोन आएगा, सर अभी मेरा अमेंडमेंट्स. वैसे तो मैं बहुत ही पोलाइट आदमी हूं, लेकिन यहां मैं सख्त हो जाऊंगा. वो जाकिर खान मालूम है, मतलब वैसे मैं बहुत सख्त हूं लेकिन यहां पिघल गया. मेरा उल्टा है, वैसे मैं हमेशा पिघल जाता हूं लेकिन यहां पे मैं सख्त हो जाऊं. इधर एक रूम है अंदर, आपने कभी देखा है नीचे, इधर एक रूम है हमारे इधर नीचे, उस रूम में बंद करके ना डंडे से मारूंगा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एक लाइन क्लियरली सुन लो. हर बैच में बोलता हूं तो भी कोई ना कोई तो आके बोलेगा ही, सर मेरा अमेंडमेंट क्या है, कान के नीचे दो लाफा मारेगा. एवरी अमेंडमेंट एप्लीकेबल टिल नवंबर 24 इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस बैच. देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल वर्ड एक्स्ट्रा दैट अ नवंबर 24 स्टूडेंट हैज टू स्टडी. इसलिए बैच मर्ज हुआ है. अगर अमेंडमेंट होते ना तो मर्ज नहीं करता. और अगर मेरे को लोगों को पागल बनाना है तो मे 25 वाले को भी आज ही बुला लेता, आ भी जाता हूं. जो मेरे से इंटर पढ़ा हुआ है वो तो यही सोचेगा ना, सर मेरा फाइनल के लिए आपका बैच कब है, आज ही बुला लेता हूं. तो क्या वो ऑफिस में कोई उसके दिमाग में गटर भरे, उसके पहले ही मेरे क्लास में एनरोल करवा लेता हूं, तो चांस ही चला जाएगा किधर और जाने का. क्योंकि ऑफिस में आपके दिमाग में गटर भरने वाले बहुत लोग बैठे हैं जो खुद ही 5-5 अटेम्प्ट से बैठे हैं. पहले उनको बोलो तू पास हो, उसके बाद में मेरे को रिकमेंडेशन देना, गटर ज्ञान देंगे खाली आपको, विच इज अ बिग थ्रेट दैट वे टू माई प्रोफेशन. लेकिन मेरे को वो गलत काम नहीं करना है, इसलिए मैंने जो नवंबर 23 के बच्चों ने इंक्वायर किया उनको क्या बोला है वो अच्छे से जानते हैं. मेरे को चीट करना होता तो मैं आपको बेवकूफ भी बना सकता था, बोल सकता था आ जाओ कोई बात नहीं हो जाएगा कवर. लेकिन कैसे कवर करेंगे, आई होप यू अंडरस्टूड, एक्स्ट्रा अमेंडमेंट विल बी देयर. और मे 25 वाले को मैं नहीं बुला रहा हूं. कोई कोई क्लास तो फाउंडेशन में जब बच्चा एडमिशन लेता है उसको बोलते हैं फाइनल का भी प्री बुकिंग कर ले डिस्काउंट में. एक लेवल क्लियर हुआ और अगले लेवल का प्री बुकिंग देता है वो भी समझ में आता है, फाउंडेशन में ही फाइनल का भी फीस ले लेता है. फिर इंटर में उसके कितना भी गंदा कोचिंग दो, बेचारा बच्चा फाइनल में दूसरे के पास जाएगा नहीं, पैसा तो दे दिया उसने एडवांस में. फाइनल नंबर्स ऑफ
सीए क्लियरेंस कम होता है, लोग कोर्स को बदनाम करते हैं. इन कॉमर्स नीदर पास्ट नॉर प्रेजेंट नॉर फ्यूचर, ना भूतो ना भविष्यति, देयर वाज नेवर एंड देयर विल नेवर बी अ बेटर कोर्स इन कॉमर्स देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी. चैलेंज है, चैलेंज. नॉट बिकॉज आई टीच एंड नॉट बिकॉज दिस इज मार्केटिंग. यू ऑल आर इन सीए फाइनल, आपके सामने किस बात की मार्केटिंग? ट्वेल्थ वाले को बोलता ना सीए अच्छा है तो मार्केटिंग होती, आप तो ऑलरेडी इधर तक आ गए, आपके सामने किस बात की मार्केटिंग? यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन योर लाइफ बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज ऑफ अ सीएस करियर. ये जो आप सबसे गंदे फेज में गुजर रहे हो वो ये फेज है जो आपका करंट फेज है सीए के कोर्स का. याद करो जब तक आप इंटर में थे तब तक इतना टेंशन नहीं था, बस खाली लेक्चर्स अटेंड करने होते थे, खाली आर्टिकल से भी स्टार्ट हुई तब भी ऐसा था कि चलो ग्रेजुएशन हो गया है, क्लासेस नहीं है, खाली ऑफिस जाना है, तो ऑफिस सारी जिंदगी जाना है. जब ऑफिस और आर्टिकलशिप, मतलब आर्टिकलशिप और कोचिंग क्लासेस जब साथ में होती है और जब फाइनल के एग्जाम की पढ़ाई भी करनी होती है, दैट फेज इज द टफेस्ट फेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होल लाइफ. एंड इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स, आई एम टेलिंग यू. जस्ट आपके घर में अगर कोई सीए होगा तो आपको ये पहले से मालूम नहीं होगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच. एक बार अगर आपका सीए क्लियर हो गया, इंस्टीट्यूट आपको 50 बार फेल कर दे, एक बार आप पास हो गया ना, बाद में वापस नहीं फेल कर सकते. थिंक अबाउट इट. एक आपको एक ही बार पास होना है, इंस्टीट्यूट कितनी बार फेल करना. एंड व्हेन यू कम ऑन दिस साइड नो, यू विल कम टू नो कि ये लाइफ इतना ब्यूटीफुल है. फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. फ्रॉम 10 years अगो आई यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वॉकिंग, ताकि मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा नहीं हो, पैसा बचाने के लिए. और लास्ट 5 साल में तो मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठा भी नहीं. That's the difference that the CA course has brought to my life. और अभी एक nonsense, वो online videos बनाता है ना, एक viral fever करके एक company है, वो एक और web series बना रही है, half CA. उन्होंने उसका trailer डाला, मेरा ही comment सबसे ऊपर मिलेगा आपको. Unrewarding course, आपने देखा क्या? Like किया मेरा comment? नहीं, क्यों नहीं किया? बिकॉज मैंने क्या रिप्लाई किया वो देखा? एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल. देखो हंसी मजाक में हम बोलते हैं ना, क्या कोर्स ले लिया यार, परेशान कर दिया. परेशानी तो होता है, अग्री, मैं बोल रहा हूं स्ट्रगलिंग फेज है. एवरीथिंग इज ओके, मजाक करो ओके. डॉक्टर्स के ऊपर भी किए गए, लॉयर्स के ऊपर मूवीज बनी है, मजाक में तुमने कुछ भी बनाया तो चलेगा, मगर सेइंग दैट सीए कोर्स इज अनरिवॉर्डिंग इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. प्रोफेसर सुराना का आवरली रेट कितना है मालूम है क्या, कोचिंग का? तो अनरिवॉर्डिंग का तुमको आंसर उधर ही मिल जाएगा. कोई तुम अनरिवॉर्डिंग क्या, तो वैसे तो डॉक्टर भी बहुत बेकार बैठे हैं. इंजीनियरिंग में 2 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 1200 ही सीट है. गो एंड चेक द नंबर ऑफ फेलियर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट नंबर्स ओवर देयर, जाओ चेक करो. और प्लस अगर पास हो भी गए तो इंजीनियरिंग कॉलेज का एक एक साल का फीस स्टार्टिंग ही होता है 2 लाख रुपए से. 4 साल की इंजीनियरिंग 8-10 लाख रुपए का फीस, और इंजीनियरिंग करने के बाद में एमबीए करना इज लाइक मरने के बाद में श्राद्ध करना. होता कुछ नहीं है, खाली अच्छा लगता है. मेरे भाई ने किया सिविल इंजीनियरिंग, किया पहले मिस्त्री कारपेंटर, और बाद में उसने एमबीए किया फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद. 1 year MBA 43 lakh rupees. 1 year MBA 43 lakh rupees वापस कब आएगा भाई इतना पैसा? इतने में तो 10 बार सीए बन जाता. मैं जब तक सीए बना तब तक सीए बनने का पूरा खर्चा आर्टिकलशिप में निकल गया, उल्टा प्रॉफिट हुआ. इंस्टीट्यूट का टोटल फीस अगर आप फाउंडेशन से फाइनल में ऐड करोगे तो 62,000 rupees लगेगा. तुम्हारी कोचिंग बोचिंग सब ऐड कर दो, स्टेशनरी भी ऐड करोगे ना, मेरे टाइम में तो 1.25 लाख में सब कंप्लीट हो गया था. तुम्हारा 3-4 लाख होएगा फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल टोटल, और जाके आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड का भी टोटल मार लो, प्लस माइनस पता चल जाएगा. तुम सीए कोर्स को अनरिवॉर्डिंग बोलते हो, और ये तो आई एम वेटिंग फॉर दैट सीरीज. अगर उन्होंने सीए कोर्स में लास्ट टाइम, मैं उनकी बैंड बजा दूंगा, मैं सच बोल रहा हूं. मैं वैसे सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज में, सम पीपल लाइक टू बी इन कंट्रोवर्सीज ओनली सो दैट उनके फॉलोअर्स बढ़े, मैं उन कंट्रोवर्सीज में बिलीव नहीं करता हूं. लेकिन अगर सीए कोर्स के बारे में कुछ भी बोल दिया, मैं उनकी बैंड बजा के रखूंगा. मजाक करोगे वो चलेगा, बट लास्ट मैसेज शुड बी ये ओनली के कॉमर्स में इससे बेटर कोर्स पैदा हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है. आप अपने लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगलिंग फेस के साथ गुजर रहे हो, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. आर वी क्लियर? तो आर वी ऑल्सो क्लियर दैट अगर आपका एग्जाम मई या नवंबर 24 में है तो आपका कौन सा फाइनेंस एक्ट इस साल जो आया वो ये वाला बजट 2023 एप्लीकेबल. प्रीवियस ईयर ऑफ योर एग्जाम विल बी 23-24, एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर इज गोइंग टू बी 24-25, मई 24 एज वेल एज
नवंबर 24, और जो अगर आपका नवंबर 23 है तो ऑफकोर्स एक बजट पहले वाला, तो उतने अमेंडमेंट्स आपको जो इस साल अमेंडमेंट्स आए हैं वो वाले अमेंडमेंट्स ऑब्वियसली आपको नहीं करने. इज दैट क्लियर एवरीवन? हर एग्जांपल जो मैं क्लास में दूंगा ना, मैं बोलूंगा सपोजिंगली कैपिटल गेन का एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब देयर इज ट्रांसफर ऑफ एसेट, दैट ट्रांसफर हैज टू टेक प्लेस इन 23 24 इन माय एग्जांपल. मैं कोई भी एग्जांपल दूंगा, ट्रांजैक्शन 23 24 में हुआ है वैसा ही दूंगा. अकॉर्डिंगली मॉडिफाई माई एग्जाम. मतलब डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर किसी दिन बजट ही नहीं आया, लास्ट ईयर का लॉ कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल, तो भी मेरे को पूरी बुक चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हर क्वेश्चन की डेट चेंज होगी. आई ऑलवेज मेक श्योर दैट द डेट ऑफ माई क्वेश्चन इज कोइंसाइडिंग विद द एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर फॉर द अटेम्प्ट फॉर विच आई हैव मेड द बुक. साल के चार महीने खाली बुक्स बनाने में जाते हैं मेरे. पहले इंटर में बहुत कम काम करता था, साल का एक दो बैच लेता था वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो मैं अभी फाइनल में कर रहा हूँ. दो ही बैच लेता हूँ साल का, एक आपका बैच और एक इमीडिएटली आफ्टर दैट, और क्योंकि दूसरा भी कोई नहीं ले रहा है, नहीं तो कंपटीशन में लेना पड़ता. एक हिंदी एक इंग्लिश, प्योर इंग्लिश. उसके अंदर साउथ इंडिया के जितने बच्चे को लेना है सब उस बैच में ज्वाइन करेंगे अगले वाले बैच में. एंड ऑफकोर्स दैट बैच आई विल बी डूइंग इन साउथ मुंबई. वैसे नेचुरल डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स टेक्स प्लेस इन हिंदी इंग्लिश मिक्स ओनली. विदाउट बींग कॉन्शियस ऑफ द लैंग्वेज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने आप जो मुंह से वर्ड्स निकलते हैं वो सबसे बेस्ट डिलीवर करवाते हैं. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव के एग्जाम इंग्लिश में है, लॉ जो लिखा गया है वो इंग्लिश में. एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के पास यू नो ये दो ऑप्शन रहता है. यू कैन गो फॉर एन एब्सोल्यूट इंग्लिश बैच विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल ऑल्सो. बोला सर हर वर्ड तुम इंग्लिश में बोलेगा तो समझ. अभी जोक मारने का है तो वो इंग्लिश में मारेगा तो पहले समझाना पड़ेगा कि ये अच्छा ये जोक था. ओके तो ये आपका अपना अपना चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. वी हैव वेरी क्लियरली अंडरस्टूड द एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. चलिए फाइनेंस एक्ट का एप्लीकेबल बजट का एज अ सीए स्टूडेंट हमारे लाइफ में क्या इंपैक्ट है. देखो फाइनेंस बिल का जब स्टार्ट होता है देर आर टू पार्ट्स ऑफ दैट. फर्स्ट पार्ट में फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगी कि मैं 5,000 करोड़ हेल्थ में देती हूँ, 2,000 करोड़ एजुकेशन में देती हूँ, मैं इसमें इतना खर्चा करूँ. देखो गवर्नमेंट कोई भी खर्चा ना पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं कर सकता है, तो बजट में परमिशन लेना पड़ता है कि इतना खर्चा हम करेंगे इतना खर्चा हम करेंगे. दैट इज पार्ट वन ऑफ द बजट स्पीच. पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे 11 बजे बोलना चालू करते थे, 12 बजे तक खत्म हो जाता था. एंड देन दे यूज्ड टू स्टार्ट पार्ट टू. आंटी का 1 बजे तक चलता है, बोलती ही रहती है. फिर फाइनली पार्ट टू वो चालू होता है विच हैज गॉट रेलेवेंस इन अवर लाइफ, स्टार्टिंग विद दिस लाइन. ऑनरेबल स्पीकर I will now present my tax proposals. वो अपने को इंपैक्ट कर, गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रहा है उसे अपने को लेना देना नहीं. टैक्स के प्रपोजल्स दो चीज ये फाइनेंस एक्ट हमको देगा, डायरेक्ट इंपैक्ट इन अवर एग्जाम. एक दिस फाइनेंस एक्ट विल गिव अस अमेंडमेंट्स. जब भी कोई अमेंडमेंट आएगा किसी भी चैप्टर में आएगा, अमेंडमेंट विल बी चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर. जब मैं ये टैक्स रेट्स के ऊपर आऊंगा तो पहले ही चैप्टर में देर आर अमेंडमेंट्स. हमारा जो न्यू रेजिम है उसमें आंटी ने कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ नया सेक्शन लाया, पहले ही चैप्टर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं. आर यू विद मी? तो जब भी वो अमेंडमेंट आएगा किसी भी चैप्टर में आ सकता है, मैं आपके सामने वो अमेंडमेंट ऐसे लिखूंगा विथ इफेक्ट फ्रॉम AY 24-25, लाल लाल खून का कलर करूंगा अंदर क्लास के अंदर. द अमेंडमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम AY 24-25. मतलब आपके पास ये वाला पार्ट क्लियरली विजिबल होगा कि दिस इज अ न्यू पॉइंट. अपनी जो थियरी बुक है दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें भी अमेंडमेंट्स को बोल्ड अंडरलाइन वैसे करके बैकग्राउंड को ब्लैक कलर कर दिया और टेक्स्ट को व्हाइट कलर कर दिया. नॉर्मली क्या होता है व्हाइट पेपर पे ब्लैक टेक्स्ट होता है ना, मैंने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट को व्हाइट कर दिया तो आपको बुक के पेजेस पलटते पलटते भी आपको दिख जाएगा ये चैप्टर में ये अमेंडमेंट है. और हैंड रिटन बुक में वो सेम चीज रेड कलर के अंदर अलग से डिस्टिंक्टली विजिबल रहेगी आप. So amendments will be very clearly available to you. And दूसरी चीज जो बजट आपको लाके देगा applicable for your exam is going to be tax rates. Tax rates are not given in Income Tax Act. Tax rates are given every year in the Annual Finance Act. तो 2021 के बजट में बोला कि इस साल इनकम टैक्स की रेट्स क्या होगी एंड सो ऑन. 2023 के बजट ने बोला है कि 23-24 में what is going to be the rate of income tax.
तो टैक्स रेट्स तो हम पहले ही चैप्टर में कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ अवर इंट्रोडक्शन, बिकॉज एवरी चैप्टर वी हैव टू डू टैक्स कैलकुलेशन, बट अमेंडमेंट हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे. और जब भी अमेंडमेंट आएगा मैं ऐसा लिखेगा विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, विच मींस दैट यू शुड अंडरस्टैंड ये नया प्रोविजन. सीए स्टूडेंट गेट्स एक्साइटेड द मोमेंट ही और शी कम्स अक्रॉस द वर्ड अमेंडमेंट. जैसे अमेंडमेंट वर्ड देखते हैं पागल हो जाते हैं. लाइक एन ऑर्डिनरी इंडियन गेट्स पागल द मोमेंट सनी लियोन का नाम सुना ना, वैसे ही सीए सीए के स्टूडेंट के लिए अमेंडमेंट इज सेम एज किसी के लिए. हाँ तो और दूसरा क्वेश्चन इमीडिएटली, सर मेरे को लगेगा क्या? तो ये तो क्लियर हो गया हमको कौन से बजट का अमेंडमेंट लगेगा, एंड जैसे जैसे चैप्टर हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे आई विल बी टेलिंग यू. सो इसके लिए क्लियर होना चाहिए कौन सा बजट, कौन सा प्रीवियस ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर, ताकि हम लोग अमेंडमेंट कर सके. फाइनली यू हैव टू पार्टिसिपेट इन क्लास. सो विच इज द फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम 2023, एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर फॉर योर एग्जाम 23-24, एंड एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर फॉर योर एग्जाम 24-25. एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस? और बजट हमारे लाइफ में क्या इंपैक्ट करेगा? चलिए तो इसी के साथ वन मोर पॉइंट ऑफ अवर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. एज फार एज मैनर ऑफ लर्निंग इज कंसर्न, इसमें राइटिंग में कुछ नहीं है, ओरली बताना है. और एक बार ये कंप्लीट हो गया वी गो टू द लास्ट पार्ट टैक्स रेट्स. जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी जमाने में तो ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता था, अभी 2 लेक्चर में भी जा सकता है मिनिमम. अपर साइड नो लिमिट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली यू ग्रास्प थिंग्स. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपने डीटी इंटर में कितने खराब तरीके से पढ़ा, मतलब कम खराब के ज्यादा तक खराब तो पढ़ा दैट इज तो एक्सेप्टेड, मगर कितना खराब है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. कि आपको मेरे को अगर ये भी बताना पड़े कि स्लैब का मतलब क्या होता है, और वो तो आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम इन टेलिंग यू. देखो अगर आपको कोई भी चीज नहीं पता है तो लर्निंग के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके आगे आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा टैक्स क्या है एज अ प्रोफेशनल, खुद जाके सीखने का ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है. आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम, जस्ट द थिंग इसके टाइम जो है ना उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, एंड विच इज नेवर अ प्रॉब्लम. थैंकफुली आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम और प्रेशर ऑफ टाइमिंग. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैं साथ में मैं काम करता हूं, कभी भी मेरे ऊपर वो टाइमिंग का बॉदरेशन बर्डन या प्रेशर नहीं डालते कि तुमको इतने टाइम में ये चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी या इतने टाइम में ये करना पड़ेगा. दे नेवर पुट प्रेशर ऑन मी, एंड नीदर डू स्टूडेंट्स. मैं अगर स्टूडेंट्स को तो सिंपल डराने का तरीका, फटाफट करूँ बोल 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करूँ, वो उधर ही बोल देगा नहीं नहीं सर आपके हिसाब से करो. तो स्टूडेंट्स भी कभी प्रेशर डालना चाहिए भी नहीं फैकल्टी के ऊपर, नहीं तो फैकल्टी का क्वालिटी खराब होएगा, कोई मतलब ही नहीं, नो वन विल लाइक इट. ओके तो टाइम ज्यादा लग गया उसका पता नहीं, लेकिन वी विल कवर एवरीथिंग. वॉट इज द मैनर ऑफ लर्निंग? आई स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट. इन 13 years ऑफ माई टीचिंग करियर आई हैव नेवर वॉक्ड इन टू अ क्लासरूम एट 7:02 or 7:03 AM. नेवर. मेरा एक ही पॉलिसी है, आई एम नेवर ऑन टाइम, आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम. मैं फॉर दोज लिविंग इन मुंबई डिस्टेंस का थोड़ा आइडिया रहेगा, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ मुंबई, मतलब चरनी रोड में रहता था, और मुलुंड में पिछले 5 साल से लेक्चर्स लेने के लिए आ रहा हूं. 45 मिनट्स का मेरे को सुबह सुबह ड्राइविंग करना पड़ता है, एंड येट आई यूज टू रीच यूर बाई 6:30. बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं ब्रांच पे पहुंच गया और क्लास खोलने के लिए ही कोई नहीं आया, 10 मिनट मैं खड़ा रहा नीचे. मैं जानबूझ के 15 मिनट पहले पहुंचने का ट्राई करता हूं कि बाई चांस किसी रीजन से मैं 15 मिनट लेट हुआ तो आई एम नॉट 15 मिनट्स लेट, आई एम स्टिल 15 मिनट्स बिफोर टाइम. 4 years अगो आई शिफ्टेड फ्रॉम चरनी रोड टू लालबाग. आई डाउट वेदर इट स्टिल काउंट्स एज साउथ बॉम्बे, बट लेट अस अज्यूम इट डज. इट इज स्टिल रफली अबाउट 35 मिनट्स. फर्क कुछ ज्यादा नहीं पड़ा, 10 मिनट का ही डिफरेंस है. 35 मिनट्स अभी भी मेरे को ड्राइविंग करना पड़ता है सुबह. सो आई गेट अप एट 4:30 ड्यूरिंग दिस 6 months जब मैं फाइनल के मॉर्निंग के बैचेस लेता हूँ, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट सिंस सो मेनी ईयर्स. आज तक कभी लेट नहीं हुआ, एक्सेप्ट किसी भी बैच का जो मेरा पहला लेक्चर होता है ना, वो जो भी यहाँ पे सुबह सुबह आ गए थे उन्होंने ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया था कि मैं तो 6:45 को क्लास में था ही. ओके प्लस अभी तो क्या हो गया, आफ्टर कोविड हर लेक्चर के अंदर अपना रिकॉर्डिंग सिस्टम सेट करने के लिए और उसके लिए मुझे आना पड़ता है, तो आई कीप लिटल टाइम फॉर दैट ऑल्सो. तो वेदर यू विल बी योर और नो, आई विल बी योर एट 6:40 सेटिंग माई सिस्टम विल बी रेडी बाई
6:50 लेक्चर विल स्टार्ट एट शार्प 7 o'clock. यू ऑल्सो डोंट कीप टारगेट ओनली ऑफ 7. आप अपने दिमाग में 6:45 का ही टारगेट लेके चलो. विथ दैट यू विल नेवर बी लेट. आई विल नेवर वॉन्ट यू टू मिस इंपॉर्टेंट स्टफ ऑफ क्लास. तो 7 का मतलब 7 ही होगा. वो कभी भी 7:02 या 7:03 नहीं होगा. 7:05 इज आउट ऑफ क्वेश्चन. 13 साल में नहीं हुआ है. योर सीनियर्स ऑफ दिस बैच मतलब इस क्लासरूम के जो मेरे से प्रीवियस बैचेस में पढ़ चुके हैं उन्होंने आपको इतना तो समझा ही दिया होगा बाय नाउ कि मेरा लेक्चर कभी भी लेट नहीं चालू होगा. कभी नहीं. 13 साल में ही नहीं हुआ. अब मैं उसके लिए ज्यादा पैशनेट हो गया. ऐसा होता है ना स्टार्टिंग से कभी टाइम कभी लेट तो ठीक है चलता है छोड़ना इतना दूर जाना है 10 मिनट लेट है तो बच्चे भी समझेंगे. लेकिन अभी वो दिमाग में वो दौड़ता है मतलब कि कुछ भी हो जाए 15 मिनट पहले पहुंचना. लाइकवाइज एंड टाइम ऑफ योर लेक्चर इज गोइंग टू बी 10 o'clock. तो 10 मतलब 10 ही होगा. ओके. इन अ 3 hour लेक्चर टू बी वेरी ऑनेस्ट नो वन गेट्स टायर्ड. नॉट यू नॉट मी. 3 घंटे के लेक्चर में कोई ब्रेक लेके सेंस ही नहीं है. वो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 20 मिनट वेस्ट होता है. एंड क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा है. आप समझो 70 लेक्चर में जब 10 मिनट वेस्ट होता है वो 700 मिनट होता है. 700 मिनट मतलब 10-12 लेक्चर और होता है. मतलब 10-12 दिन 15 दिन आधा महीना बाद में ग्रॉस में दिखेगा. आधा महीना हमारा बैच लेट कंप्लीट हुआ. हैविंग सेड दैट आई अश्योर यू कि 9:50 के बाद मैं कोई भी नई चीज स्टार्ट नहीं करूंगा. इफ समथिंग इज गोइंग ऑन आई विल जस्ट कंप्लीट एंड लीव यू. सो इट कैन बी 9:50 और 53 और 55 और एनीथिंग. आई विल नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू. सो यू विल गेट दैट मच टाइम. आप उसको रिलैक्सिंग टाइम लेके समझ सकते हैं. इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन. आई वॉन्ट दिस टू बी स्ट्रेट इन योर हेड टाइमिंग ऑफ लेक्चर. फिर ऐसा हो सकता है कि कभी सैटरडेज को हम लोग थोड़ा आधा एक घंटा एक्स्ट्रा ले. एनीबडी हैव विल थिंक्स दैट ही और शी विल हैव अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दैट. किसी को प्रॉब्लम हो सकती है अभी तो बताओ. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके सैटरडेज को भी ऑफिस है. ऑफिस तो सबको ही रहता है. लेकिन आप कितना बजे पहुंचते हो ऑफिस? एंड हाउ फार इज इट फ्रॉम योर? ओके ठीक है. ट्राई करना अगर सैटरडेज के दिन आपको ऑफिस आप छुट्टी तो मांग नहीं रहे हो खाली आधा पौना घंटे का लेट का रिक्वेस्ट करोगे वो भी वो लोग अब अडियर नहीं करेंगे. ओके मतलब वॉट एवर वी कैन सी. आई डोंट इंटेंड टू टेक एडिशनल लेक्चर्स ऑन सैटरडेज. द ओनली थिंग इज दैट कई बार ऐसा होएगा पता है कि किसी बच्चे ने मेरे से क्लास में कुछ डाउट पूछा तो आई विल नॉट से डाउट नहीं आंसर करूंगा. तो आपको मेरे साथ अगर बहुत डिस्कशन करना है ना लीगल अगर बोलते ना कि लेट्स हैव अ द्वंद्व युद्ध लीगल डिस्कशन करना है हम लोग क्लास के बाद आधा एक घंटा तक. मेरा तो आपके तुरंत बाद कंटिन्यूएशन में इंटर का लेक्चर इधर ही है तो आधा एक घंटा बैठ के आपको मेरे साथ डिस्कस करना है बिंदास करो. लेकिन कई बार क्लासरूम डिस्कशन में आधा घंटा चला गया उसको कवर कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा. माई प्लानिंग इज बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव टू कवर. ओके कई बार कंटिजेंसी इमरजेंसी में कोई लेक्चर कैंसिल हुआ. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी से बोल देता हूं 8 तारीख सैटरडे और 10 तारीख मंडे अपकमिंग 8th and 10th July आई एम नॉट इन टाउन आई एम इन राजस्थान. पता चल गया आपको? हाँ तो आई एम इन्फॉर्मिंग ऑनलाइन गाइज ऑल्सो 8 तारीख और 10 तारीख को मैं मुंबई में नहीं हूं. तो ऐसा कभी कुछ हुआ और ये देखो 3 महीना बहुत लंबा पीरियड है कभी कोई कंटिजेंसी हुआ सिर्फ उसको कवर करने के लिए अगर 1-1 घंटा भी सैटरडेज को मिला दैट इज ऑल्सो इन अ वर्स्ट केस. समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप वो 1 घंटा भी अगर नहीं दे पाते हो. आई विल नेवर फोर्स एनी स्टूडेंट टू हैव ट्रबल्स इन ऑफिस. एकदम वैसे भी जिंदगी में आपके ट्रबल कम नहीं है उसमें मैं और ट्रबल बढ़ाऊं मैं वो तो नहीं करूंगा. लेकिन वर्स्ट केस में ऐसा हुआ कि कोई और तरीके से अपन नहीं कवर कर पा रहे क्योंकि मैं आपको ये बोलूंगा चलो एक काम करो आपको सुबह ऑफिस जाना है चले जाओ शाम को 7 बजे वापस आ जाओ. आप शायद वो भी आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. तो वो चीज हो जाएगी जो हम में से कोई नहीं चाहता. गैस करो क्या? शाम को लेक्चर नहीं वो भी नहीं होएगा ना. संडे को सुबह सुबह एक दिन और जो सोने को मिलता है वो भी नहीं मिलेगा. अच्छा तुम लोग को संडे को दूसरे का लेक्चर रहता है तो समर लाइक ब्रो वही ऑप्शन वही एमसीक्यू में हमने वो ऑप्शन चूज किया संडे वाला. ठीक है फिर तो विल वेट एंड वॉच. अभी से नहीं लेकिन बाई चांस टूवर्ड्स द एंड अगर जरूरत पड़ा तो हम लोगों को थोड़ा बहुत 1-1 घंटा भी अगर दोगे ना तो 3 महीने में कुछ 12 सैटरडे होंगे तो हम 3 लेक्चर जितना पोर्शन 1-1 घंटे में कवर कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ऑलराइट
तो दिस इज गोइंग टू बी अवर टाइम टेबल मंडे टू सैटरडे. इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट के मैं एवरीडे जो भी पढ़ाता हूं 3 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, यू विल नॉट नीड मोर देन 15 मिनट्स. लेकिन 5 दिन नहीं पढ़ा ना आपने तो फिर 1 घंटा हो जाएगा, और 15 दिन नहीं पढ़ा तो फिर उसके बाद में आपका 1-3 घंटे जितना रिविजन का टाइम हो जाएगा, और 20 दिन नहीं पढ़ा तो फिर ऐसा है कि सर अभी कुछ याद ही नहीं है कि क्या. सेम डे करते हैं तो याद भी रहता है. इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू रिवाइज ऑन अ डेली बेसिस. और उसका एक और बेनिफिट है कि आपको कुछ भी डाउट है तो आप तुरंत का तुरंत मेरे को अगले लेक्चर में पूछ भी सकते. तो हो सके तो प्लीज रिवाइज एवरी डे, बिकॉज इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ एनी चैप्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड तो आपका क्लास में पार्टिसिपेशन लेवल्स होना चाहिए. मैं कभी आपको फ्यूचर के चैप्टर्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है ना. वही तुमको आता तो आते ही क्यों इधर सुबह सुबह, खाली मैं हैंडसम हूं इसलिए नहीं. देखो वो फ्यूचर का तो मैं नहीं पूछूंगा ऑब्वियसली. मैं ऐसा बोल सकता हूँ गैस करो इसमें आपको क्या लगता है कॉमन सेंस से आंसर ये होना चाहिए कि भी होना चाहिए, वो अलग बात हो गया, दैट इज डिस्कशन. टेस्टिंग नहीं होगा बट जो कंप्लीट किया उसका होगा. सो प्लीज रिवाइज. सेकेंड एक और चीज है कि डीटी जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ने के 2 तरीके. देयर इज वन टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसको लगता है कि सर व्हाइल आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, मैं आपकी बातें सुनते सुनते पैरेलली अगर लिखा ना तो लिखते लिखते मेरे को याद हो जाता है. देयर आर सम पीपल हु आर कंफर्टेबल इन राइटिंग व्हाइल लर्निंग, तो फैंटास्टिक. क्योंकि मैं आपको पूरा लॉ, मैं पीवाई एवाई का डिस्क्रिप्शन भी जैसे लिख के मैंने एक्सप्लेन किया है, एवरी चैप्टर एवरी प्रोविजन एवरी सेक्शन लिख लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो यू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो पैरेलली राइट अलॉन्ग विथ मी, ताकि आपकी हैंड रिटन नोट्स अभी के रिविजन के लिए, बाद में तो जब वो 5वीं बुक रेडी होगी तो वो ही 5वीं वाली बुक ही है कि हम पूरा का पूरा लॉ हैंड रिटन फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं. तो वन डे दैट बुक विल बी देयर, लेकिन अभी का क्लासरूम का डेली रिविजन के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए हैंड रिटन. आप समझ रहे हो, तो आप मेरे साथ में लिख सकते. ऑल्टरनेटिवली देयर इज अ कैटेगरी 2 ऑफ स्टूडेंट, मैं खुद उसमें था कि सर अगर मैंने सुनते सुनते लिखने का काम किया ना तो मैं सुन पाएगा ना लिख पाएगा, दोनों भी नहीं कर पाएगा, दोनों खराब कर देगा. आई एम नॉट गुड एट मल्टीटास्किंग. मेरा तो कोई भी क्लास अटेंड करता था तो अटेंशन स्पैन होता था 5 मिनट. लास्ट बेंच पे बैठता था, 6 मिनट में सोया रहता था, एकदम अपने ख्यालों में रहता था. बोला अगर ये वाला पंखा गिरा तो मैं ऐसे कूद के कैच पकड़ू, और अगर टेररिस्ट अटैक हुआ तो गेट के पास मैं ही बैठा हूं, वो सबको मैं ऐसा रोक के मैं सबको बचा. आधे घंटे तक वो ही सोचता है, उतने में टीचर इज ऑन सम अदर कॉन्सेप्ट ओनली. जब होश आता है तब पता चलता है कि अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. अटेंशन स्पैन का बहुत भारी वाला प्रॉब्लम था मेरे. तो सर फिर वैसे बच्चे लिख नहीं सकते साथ में. तुम अगर लिखने लगे तो तुम दोनों के साथ में इनजस्टिस करके बैठ जाओगे. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. तो इन सच अ केस यू डोंट राइट एनीथिंग. देयर विल डेफिनेटली बी समवन इन योर क्लासरूम हु इज राइटिंग एवरीथिंग, करेक्ट? तो उससे दोस्ती करो. बी सेल्फिश व्हेन यू मेक योर फ्रेंड्स. और प्लीज मुझे मत अप्रोच करना, सर मेरा जरा उसके साथ में दोस्ती करवा के. मैं ये साइड धंधा नहीं करता हूं, हाँ ये सब काम नहीं करता हूं. ओके वो भले मैंने रिसेंटली एक रील बनाया, एक प्रॉपर्टी ब्रोकर बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा है मालूम है, आ जाओ करवा दूंगा, वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल. हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में वो दलाली वाला काम कर रहा है सर मेरा. हाँ तो दैट आप अपना अपना मैनेज कर लो प्लीज. ओके डोंट अप्रोच मी के सर मेरा इसके या उसके साथ दोस्ती करवा के दो. अगर आप चाहो तो बाद में उस पर्टिकुलर दोस्त का बुक फोटोकॉपी, या फिर वर्स्ट केस में लास्ट केस में आपको वन फाइन डे तो द एग्जेम्पशन वाला बुक इज गोइंग टू बी गिवन ओनली, तो उसके अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. सो दैट इज हाउ यू कैन हैव योर हैंड रिटन नोट्स फॉर योर क्विक रिविजन पर्पसेस. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट. किसका? ये वही पीडीएफ है ना बेटा? हाँ दिस कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ पीडीएफ, लेकिन उसमें क्या अभी मेरे ये टैब में सेव होएगा. तो इधर समवन कैरी, अभी आई एम गोइंग टू मेक दिस चैप्टर वाइज, तो जो भी उस पेज पे लिखा है वो जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होएगा तब तक चलता जाएगा. तो रोज के पीडीएफ में प्रीवियस डेटा विल ऑल्सो कीप ऑन कमिंग जब तक वो चैप्टर चल रहा है.
दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम आई होप. चलिए बस इतनी सी बात है दैट समवन विल हैव टू कैरी अ पेन ड्राइव इन क्लास. तो मतलब मैंने कॉपी कर लिया, बाद में आप लोग आपस में बांट लो. नहीं नहीं तो वो उतना फॉलोअप आपको रखना पड़ेगा. मतलब मैं रोज का रोज अंदर वहां पे लेके जाऊँ, आप मेरे को लाके दो, मैं तुरंत कॉपी करके दे दूंगा. आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. ओके यू गेट इट. एंड ऐसा नहीं है सर मेरे में भी करके दो, मेरे में भी करके दो, मेरे में एक को दूंगा बाद में आपस में बांट लोगे, झगड़ा तो नहीं है ना किसी का. हाँ तो आपस में बांट लेना. इज दैट ओके? चलिए वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ आई कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन मैनर ऑफ लर्निंग, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू अप्रोच मी विद दीज रिक्वेस्ट्स एट द टाइम व्हेन यू टुक एडमिशन. आप ही याद कर लो कि आपने कौन सी स्कीम में एडमिशन लिया. मतलब कुछ बच्चों ने ओनली क्लासरूम एडमिशन लिया है, कुछ बच्चों ने हाइब्रिड लिया है, मतलब जिस दिन भी कोई रीजन से आउटस्टेशन ऑडिट या ऐसा कुछ है तो वांट टू अटेंड ऑनलाइन उसमें लिया है, या फिर कुछ बच्चे ने ऐसे मतलब बेस्ड ऑन एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन व्हाट वाज प्रॉमिस्ड टू यू कि इफ यू मिस एनीथिंग देन रिकॉर्डेड बैकअप विल बी गिवन, इफ योर एडमिशन इंक्लूड्स इट, इट विल बी गिवन. At the time of taking admission, I had given two options to students with backup, without backup. आपने admission without backup लिया है तो आप backup मत मांग. मतलब आपका admission क्या cover करता है आपको तो पता है, मेरे को तो individual student का record खोल के देखूंगा तो मुझे भी पता चल जाएगा. But you know for a fact what your admission covers. If it covers, it will be given to you. Though there is no discussion. लेकिन there is one thing that you need to understand here, that this is a raw recording. अगर backup cover भी हुआ है तो इट्स अ रॉ रिकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि आज ही लेक्चर खत्म हुआ और स्टॉप बटन दबा के सीधा आपके घर पे लेक्चर आ जाएगा. इट हैज टू अंडर गो अ फ्यू प्रोसेसेस. कुछ पार्ट इरेलेवेंट होता है उसको काटना पड़ता है, फिर उसके अंदर कंप्रेस करना पड़ता है. ये जो फाइल बनती है 6-7 GB की होती है, कंप्रेस करना पड़ता है उसको 700-800 MB में लेके आना पड़ता है, फिर उसको एनक्रिप्ट करना पड़ता है, फिर एनक्रिप्ट करके आपको प्रोवाइड किया जाता है. तो हम लोग इसको लॉट्स में देते हैं कि बैच का 20 दिन हुआ, फर्स्ट 15 दिन के लेक्चर तब तक प्रोसेस हो जाते हैं, तो चलो ये ले लो. हमको ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करना है कि तुमको बाद में ही मिलेगा, या जो रेडी हो जाएगा वो मिलेगा. लेकिन आप बोलोगे सर आज का आज दो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आज का आज वो 7 GB की फाइल आपके किसी पेन ड्राइव में भी सेव नहीं होगी. कॉपी करने के टाइम ही बोल देगा दैट इट्स अ बिग फाइल साइज. आप समझे? बैकअप विल बी गिवन, विल बी गिवन, विल बी गिवन. देयर इज नो डिबेट और डिस्कशन इफ योर एडमिशन इंक्लूड्स इट, बट द प्रोसेसिंग टाइम हैज टू बी गिवन. तो पार्ट्स हैं, पहला 15 दिन का, 20 दिन बाद पहले 15 दिन का रेडी हो जाएगा, उसके और 20 दिन बाद अगला 15 दिन, मतलब पहला एक महीने का लेक्चर आपका हो गया. इट इज गोइंग टू गो ऑन लाइक दैट. ओके, वंस रेडी इट विल बी प्रोवाइडेड टू. लेट मी बी वेरी क्लियर, पोस्ट कोविड एंड पोस्ट द फॉलोइंग नंबर्स, ये इतना मल्टीपल हाइब्रिड वेज ऑफ लर्निंग, क्लासरूम भी हो रहा है साथ में पैरेलली ऑनलाइन लाइव भी हो रहा है साथ में पैरेलली रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, ये सब पोस्ट कोविड. एंड समवन लाइक मी हु हैज बीन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, जैसे ही नया टेक्नोलॉजी आता है, मैं डे वन से, मैं 2013 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ये सब करने में प्रॉब्लम नहीं. लॉट ऑफ फैकल्टीज, इनफैक्ट ट्रेडिशनल फैकल्टीज जो सीनियर है, वो अभी भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है. ओके, तो ये जो पैरेलल हाइब्रिड मोड पे चलता है, इफ योर एडमिशन प्रोवाइड्स फॉर दैट, इट इज गोइंग टू बी गिवन. लेकिन आपको उतना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा. पोस्ट कोविड हम लोग ये मल्टीपल ऑप्शंस, इंक्लूडिंग हर बैच का ऑनलाइन जूम, मतलब क्या अभी के डेट में ऐसा हो गया है कि कोई आपका ही कोई दोस्त है वो आज इस बैच में नहीं एनरोल कर पा रहा है, लेकिन अक्टूबर में फ्री एंड वॉन्ट्स टू ज्वाइन माई अदर बैच, लेकिन अदर बैच इज अनदर पार्ट ऑफ द सिटी, तो वहां तक नहीं आना है. चलिए ठीक है, ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल तो है, बट वी ऑल नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट रिकॉर्डेड से पढ़ने से फार फार बेटर इज व्हेन यू आर अटेंडिंग लाइव. इफ यू आर इन द सेम सिटी तो क्लासरूम का कोई मैच ही नहीं है. ओके, क्योंकि क्लासरूम में तुम 2 दिन लेट आएगा, तीसरे दिन अंटर पड़ेगा. ऑनलाइन लाइव में मैक्सिमम डांट देगा, लेकिन अंटर तो मारेगा, मेरे लैपटॉप को ही लगेगा. रिकॉर्डेड लेक्चर्स जहां तक उनका सवाल है, डेटा शोज, क्योंकि विद एनक्रिप्शन ना, कौन से बच्चे ने कब एक्टिवेट किया, कितना देखा, सब कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास.
पेन ड्राइव खरीदने वाले 30% बच्चे तो उस पेन ड्राइव को चालू ही नहीं करते, अनदर 30% 50% से ज्यादा नहीं देखते। जो पूरा देखते हैं उनको, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो सिस्टम प्रोवाइड करता है 1.5x 1.8x, उसमें देखते हैं, उसमें उसको क्या समझ में आता पता नहीं। सीए स्टूडेंट्स की आदत हो गई, वो नॉर्मल स्पीड में कोई बोलता है उनको समझ में नहीं आता। सीए स्टूडेंट्स को कोई भी चीज 1.5 में ही समझ में आता है। सीए स्टूडेंट्स वॉच लेक्चर्स एट द स्पीड ऑफ 1.5x सो दैट दे कैन सेव टाइम टू वेस्ट इट लेटर। तो द गुड थिंग अबाउट लाइव लेक्चर्स इज एक मोटिवेशन रहता है, भाई कल सुबह उठ के लेक्चर में जाना है, 3 महीने में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में 6 महीने में भी नहीं होएगा, क्योंकि आपको हर आधे घंटे बाद में ब्रेक लेने का मन करेगा, पौने घंटे का। हर आधे घंटे में आप पौने घंटे का ब्रेक लेगा, दैट्स द प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो कोई भी बच्चा, बिकॉज ऑल ऑफ यू ऑल हैव टेकन क्लासरूम एनरोलमेंट और लाइव एनरोलमेंट, जो एनरोलमेंट आपने लिया है आप उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि जो साथ में कंप्लीट होगा ना वो कभी भी रिकॉर्डिंग वो चीज को फैसिलिटी नहीं दे सकती। सी दैट वे सेइंग दिस इज पॉसिबली एंडेंजरिंग माय ओन कमर्शियल्स, बट इफ आई टॉक ओनली एज अ प्योर टीचर एंड नॉट एज अ मनी मेकिंग प्रोफेशनल, क्यों एज अ मनी मेकिंग प्रोफेशनल तो मेरे को ये बोलना है पेन ड्राइव खरीदो आराम से। अच्छा है लेक्चर, मेरी मर्जी, मैं रात को 2 बजे अगर मेरा नींद खुलेगा 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, मैंने मर्जी है तब पढ़ा दिया और तुम्हारी मर्जी है तब तुम देख लो। लाइफ में कितना मेहनत कम हो जाएगा, रोज सुबह 4:30 बजे उठने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप समझा क्या? पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा, रिजल्ट्स नहीं आएगा ना। एज अ मनी मेकिंग प्रोफेशनल इफ आई से दैट रिकॉर्डेड इज नॉट एज गुड एज लाइव, आई एम एंडेंजरिंग, रिकॉर्डेड इज ओनली अ कॉम्प्रोमाइज अगर आपका कुछ मिस हुआ है। तो मैं जितना आप लोगों की टेंडेंसी जानता हूं, आई हैव माय होमवर्क इज परफेक्ट, आई डोंट नो हाउ मच रिसर्च यू हैव डन अबाउट मी, बट आई हैव डन इनफ रिसर्च अबाउट यू के हम आलसी लोग हैं, हम तो क्लास में आएंगे ही नहीं क्योंकि हमको बैकअप मिलता है तो जब मर्जी है तब देखेंगे, पर वो अंदर से मर्जी भी तो आनी चाहिए ना। तो बैकअप के चक्कर में करियर मत खराब करना। एडमिशन बोला है तो बैकअप, हमको सिर्फ कंपटीशन में रहने के लिए बैकअप देना पड़ रहा है। सच बोलू तो आज से 5 साल पहले बच्चे क्लास में आते थे, 3 घंटे का लेक्चर मिस किया, अगले दिन आके रीड करके आते थे और डाउट पूछते थे, कुछ नहीं होता था। जितनी फैसिलिटीज मिल रही है ना उतने रिजल्ट खराब हो रहे, बैकअप के नशे में ना क्लास आ रहे हैं ना बैकअप देख रहे। तो प्लीज मेक श्योर यू आर डिसिप्लिन्ड टू कम टू क्लास, विच डज नॉट मीन के सर मतलब आप रिकॉर्डिंग नहीं दोगे। अरे भाई बोल दिया दे दूंगा अगर आपका एडमिशन कवर करता है तो, लेकिन उसके भरोसे में रह के प्लीज डोंट स्पॉइल योर क्लासरूम लेक्चर्स। सर 15 दिन बाद मिलेगा, अगर मेरा एक लेक्चर मिस हो गया तो बाद में तो मेरे को 15 दिन आने का ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, तुम वही चीज से क्यों सोचते, तुम्हारा एक लेक्चर मिस हुआ, यू आस्क योर क्लासमेट्स नो के, और क्लासमेट से अगर तुम्हारी नहीं बनती है, ऐसे लोग होते हैं जिसका क्लास में किसी से बात नहीं करते, ऐसे लोग होते क्लास में किसी से बात नहीं करते, उनका सबसे झगड़ा रहता है, तो मेरे से बात करो ना, सर आपने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया, बोलूंगा ये सेक्शन कवर किया, थियरी बुक है ना रीड करके आ जाओ, डाउट है तो पूछ लो, एटलीस्ट आगे जो हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए व्हेनेवर द बैकअप इज रेडी इट विल बी गिवन टू यू। इट इज स्टुपिडिटी के एक लेक्चर के चक्कर में तुम बाद में 15 दिन नहीं आओ जब तक वो वाला पार्ट नहीं मिल रहा, और वो मिलेगा तब तक आगे के और 15 दिन चले जाएंगे, फिर आओगे ही नहीं। और तुम लोग ऐसा करते हो, मुझे पता है कि 1/3 ऑफ द क्लास एक्चुअली कम्स टू द क्लास, है ना झूठे लोग, आधे से ज्यादा लोग क्लास ही नहीं आते। बोला छोड़ना बैकअप मिलेगा ना। हाँ तो ये सब गंदी बात मत करना, बिकॉज यू आर एंडेंजरिंग योर ओन करियर। और अगर बिना रीजन के ज्यादा नाटक किया ना, जाने दे, आजकल तो डरा भी नहीं सकते यार, वो सर तेरे को पता है ऐसे बोल रहा था, नहीं जाने का उसकी क्लास में, नहीं कुछ नहीं करो नाटक, लेकिन अपने करियर की अगर थोड़ी भी पड़ी है तो जो मैंने बोला उसको फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? तो क्लासरूम में नोट्स लिखने का जो पार्ट है दैट पार्ट इज क्लियर, और साथ ही साथ आपका
डिसिप्लिन के साथ में क्लास अटेंड करने वाला पार्ट इज ऑल्सो क्लियर एवरीवन. इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस ऑन व्हाट आई हैव डन आई विल नीड पार्टिसिपेशन इन क्लास. देयर विल बी सो मेनी ओकेशंस जब मैं पूछूंगा कि आंसर दो. सबको कलेक्टिवली आंसर देना है. जो लोग घर से लाइव भी अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों को भी तुरंत का तुरंत अनम्यूट होके आंसर देना है. समझ लो कि आप बहुत जोर से बोल रहे हो और घर पे लोगों का नींद खराब हो जाएगी तो और जोर से बोलना. सुबह सुबह उठ के खाली आप लोग क्यों काम करो सबको उठाने का. आप समझे ना एवरीवन. चलिए तो विद दिस इफ यू अंडरस्टैंड हमारा ये कुछ पॉइंट्स कंप्लीट होता है. जहां तक मैनर ऑफ लर्निंग का सवाल है क्योंकि अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है ना तो आपको और ज्यादा डिटेल में मैं लेके नहीं जा सकता हूं. बट जैसे जैसे वी विल गो इन चैप्टर्स नो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा. बोला ये चैप्टर में सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न कर लेना. ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देना. देयर विल बी सम इंस्ट्रक्शन इन ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर. तो जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे आई विल बी कंटिन्यूअसली गिविंग यू. जैसे जैसे हम सेक्शंस पढ़ेंगे हम ये चीज को टारगेट करेंगे दैट वॉट इज दिस सेक्शन. ये सेक्शन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. वॉट इज रिटन इन द इनकम टैक्स एक्ट. हम लोग वो तो पढ़ेंगे तो वो तो सब पढ़ते हैं. सेक्शन में क्या लिखा है एग्जाम के सम सॉल्व करने के लिए वो तो सब पढ़ेंगे. देन व्हाई विल अवर रिजल्ट्स विल बी व्हाई विल अवर रिजल्ट्स बी बेटर देन एनी अदर कोचिंग क्लास. व्हाई डू वी गेट मोर एग्जेम्प्शंस देन एनीवन एल्स. क्यों. इफ आई हैव टू कॉल मी द बेस्ट अमंगस्ट माई कॉम्पिटिटर्स देन आई हैव टू फर्स्ट मेक यू द बेस्ट. वी विल नॉट जस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द लॉ वी विल ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन व्हाई. क्यों लिखा बे. वॉट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोविजन. आप तो राइमिंग बोल दिए भैया जी. वॉट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोविजन व्हाई वॉज दिस सेक्शन एनेक्टेड इन द लॉ. चल क्या रहा था उनके दिमाग में. देखो 2019 के पहले तो जो भी लिखा है सेक्शन में सब लॉजिकल ही लिखा. तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टारगेट. याद रखना मेरा एक लाइन लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं कुछ नहीं. इफ यू नो द लॉजिक यू विल नॉट जस्ट बी अ गुड स्टूडेंट यू विल ऑल्सो पॉसिबली गो एंड एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू अदर पीपल इन योर ऑफिस हु आर स्ट्रगलिंग विद द सब्जेक्ट एंड मोटिवेट देम टू ज्वाइन माई नेक्स्ट बैच. इनफैक्ट इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना जो आपको याद नहीं आ रहा है ये कहां से है आपका उसका प्रोविजन क्या आपको याद नहीं आ रहा. आपको उस सेक्शन में क्या लिखा है याद नहीं आ रहा है तो एक काम करो कॉमन सेंस से सोचो लॉजिकली व्हाट शुड बी द आंसर. 99% चांसेस है कि वो ही राइट आंसर. लॉजिक से बड़ा कुछ भी नहीं है. अरे आप समझा क्या मित्रों. ऑल ऑफ यू ऑल सो ऑल थ्रू आउट अवर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन लर्निंग द रीजन बिहाइंड द प्रोविजन. क्लियर. विद दिस फिलहाल जो भी इंट्रोडक्शन देना था वी आर डन विद दैट एंड फॉर नाउ वी गो टू द लास्ट पार्ट दैट इज टैक्स रेट्स. इफ एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉन्ट्स टू फॉलो वो जो राइटिंग वाला मैंने बोला था ना कि तुमको लिखना है तो साथ में लिख सकते हो. अरे याद है कि भूल गए. अरे ब्रो इसको थोड़ा सा जूम कम करना क्योंकि वो मैं इधर लिख रहा हूं ना तो वो बाहर निकल रहा है. नहीं आता है रुक तो मैं उनको बुलाता है अंकल को वो करेगा. हाँ वी आर गोइंग टू गो एंड लर्न. यू ऑल आर एबल टू सी द एंटायर बॉक्स. जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरे चारों बॉर्डर दिख रहे पूरा का पूरा बॉक्स दिख रहा है. मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो आपकी स्क्रीन में विजिबल रहेगा ना. हाँ क्लासरूम में प्रोजेक्टर थोड़ा जूम किया हुआ है कुछ कुछ पोर्शन बाहर जा रहा है तो मेरे को ऐसे टैब स्क्रॉल करना पड़ रहा है. दैट विल हैपन. वी आर गोइंग टू गो टू टैक्स. इसको जूम थोड़ा कम करना है प्रोजेक्टर को. तो आता है तो करो ना यार. मैं पूछा आता है तो बोलते नहीं आता है. कुछ भी उल्टा सीधा मत दबा देना नहीं तो वापस लाना भारी पड़ेगा. जस्ट गिव मी वन सेकेंड प्लीज. ऑलराइट लेट्स गो अहेड. टैक्स रेट्स लास्ट पार्ट. ऐसा किसी किसी को देख के लगता है हाश अभी इंट्रोडक्शन खत्म. बस जितना भी इंट्रोडक्शन देखो ऑल दैट वी डिस्कस टुडे नो दैट कैन हैपन ओनली इन द फर्स्ट लेक्चर. अब इसके आगे बहुत लंबा लॉ है
हम इन सब चीजों की बातें बैठ के कर नहीं सकते कि फैकल्टी कितना हैंडसम, अरे है बचपन से, तो हम हर लेक्चर में ये सब चीजों की डिस्कशन नहीं कर सकते. वी हैव टू फोकस ऑन अवर लॉ. और हर चैप्टर में क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स. तो फिर हमको टैक्स रेट्स आज ही सीखना पड़ेगा. और आज मतलब आज चालू होएगा, लेकिन आज खत्म तो पक्का नहीं होएगा. समझा? बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न टैक्स रेट्स दैट हैव बीन अनाउंस इन द फाइनेंस एक्ट ऑफ 23 विच विल बी एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 दैट इज नथिंग बट द मे एंड नवंबर 24 एग्जाम्स. और हमारे इनकम टैक्स लॉ में जो टैक्स की रेट्स दी है वो असेसी बाय असेसी दी. फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अभी बाय नाउ 3 साल हो गया तो लॉन्ग टर्म भी हो गया आप लोग. लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, इनकम टैक्स में टैक्स पेयर्स जो होते हैं, जो पर्संस होते हैं, जो असेसीज होते हैं, उनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. 7 कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स इन अवर कंट्री अंडर अवर इंडियन इनकम टैक्स लॉ, विच आर इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP BOI, हाँ पार्टनरशिप फर्म, साथ में LLP भी कवर हो गया, उसमें AOP BOI में ट्रस्ट भी आ गया, लोकल अथॉरिटी एंड समथिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. ये 7 का इनकम टैक्स रेट असेसी बाय असेसी दिया है. पहले इंडिविजुअल का टैक्स रेट, फिर HUF का, फिर कंपनी का, फर्म का. तो वी हैव टू लर्न टैक्स रेट्स ऑफ ऑल ऑफ देम, क्योंकि जब सम्स आएंगे तो उसमें कोई भी हो सकता है, मिस्टर एक्स भी हो सकता है, एक्स लिमिटेड भी हो सकता है, टैक्स किसी का भी पूछेगा, तो हमको सबका आना चाहिए. समझा कि नहीं? तो वी विल लर्न टैक्स रेट्स इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड दैट ऑल्सो असेसी बाय असेसी. तो पहले तो 7 असेसी का टैक्स रेट्स, फिर 7 का न्यू टैक्सेशन रेजिम, उसमें भी अमेंडमेंट्स, उसमें भी लास्ट ईयर तक नवंबर 23 वाले वैसे नसीब वाले, क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिबेट, वो ओल्ड में न्यू में सेम है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सरचार्ज, वो ओल्ड में न्यू में सेम है. आंटी ने ये सब जो हम लोग पहले ऐसा लिखते थे, ओल्ड खत्म किया, न्यू के टैक्स रेट्स दिया, फिर लिखता था रिबेट सेम, सरचार्ज सेम, सेस सेम, ऐसा लिख देता था. पर इतना भी लॉ सिंपल कैसे हो सकता है? आंटी को वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ. सेम कैसे हो सकता? मैं तो चेंज करेगी. तो उन्होंने न्यू वाले का रिबेट चेंज कर दिया, उन्होंने न्यू वाले का सरचार्ज भी चेंज कर दिया. थैंकफुली सेस जो लगता है फाइनल थिंग इन अवर टैक्स लायबिलिटी इज द ओनली थिंग जो ओल्ड में, न्यू में, सब जगह पे इनकम टैक्स में सेम है. प्लीज ये जाके आंटी को बताना. बोला आंटी सब सेम है. आंटी बोले क्या बात कर रहे हैं, मैं तो चेंज करेगी. वो बोलेगी ओल्ड में इतना परसेंट सेस, न्यू में इतना परसेंट, लेकिन इनकम यहां तक हुआ तो इतना, यहां तक हुआ तो इतना, वो और ही 10 लाइन डाल देगी. उनके तो घर के गए ही क्या. तो जिस दिन इस साल का बजट अनाउंस हुआ था, उस दिन मेरी कुछ 6-7 ट्वीट्स जो ट्विटर पे वायरल नहीं हुए. ट्विटर इज ओनली फॉर पोस्टिंग एंड देन टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड पुटिंग ऑन इंस्टाग्राम. तो ट्विटर पे वायरल नहीं हुआ, लेकिन इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप स्टोरीज में वही ट्वीट्स वायरल हुए. फॉर एग्जाम्पल, ये बजट आया, सबसे पहले मैंने बोला कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल हैव टू स्टॉप सेइंग रिबेट सेम, सरचार्ज सेम, क्योंकि वो सेम नहीं है. नेक्स्ट, If your attempt is May 23 or November 23, क्योंकि बजट तो फेब में आ गया था ना. If your attempt is May 23, November 23, then order a vape. Vape मालूम है? जिसको नहीं मालूम है गूगल कर लेना. इसलिए मैंने स्पेलिंग लिखा जानबूझ के, इसके लिए लिखा स्पेशली. गूगल करना, अभी नहीं करना है, अभी बाद में फ्री रहोगे तभी लोग मोबाइल ढूंढ रहे इधर उधर बैठ के. अभी नहीं करना है, order a vape and relax. चिल मारो, चिल मारो के चिलम मारो, ये वो है. ऑर्डर अ वेप एंड रिलैक्स बिकॉज दिस बजट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू. तुम समझो? मैरिड मैन डोंट गेट एक्साइटेड, देर आर 2 ऑप्शंस ओनली इन टैक्स रेजिम. घर में एक ही ऑप्शन है. ये एक और ट्वीट ना. ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में टैक्स का डिफरेंस 1,12,500 रुपए. सर कैसे? वो तो अगले दो दिन में नंबर से प्रूव होगा. 1,12,500 की बचत करने के चक्कर में
तुम्हारे से बहुत कुछ छीन लिया जाएगा. लाइक लिटरली आंटी ने न्यू टैक्सेशन रेजिम के नाम पे हमारे पूरे देश के टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ा डैश बनाया. इज देयर एनी माइनर चाइल्ड इन दिस क्लास? नो, कोई नहीं. फाइनल में कैसे हो गया सर? हाँ, लेकिन मेरे को आदत है, मैं हर बैच में एक माइनर चाइल्ड अपॉइंट करता हूं. पूरे सिलेबस में जब भी माइनर चाइल्ड का एग्जांपल आता है, जब भी हमको एडल्ट टॉक्स करना होता है, उसको बोलता हूं कान बंद करना, हम लोग बड़े लोगों की बात कर रहे हैं. तो बड़ा हो गया है, लेकिन इन दिस बैच इट इज अज्यूम्ड यू आर अ माइनर चाइल्ड. ऑनलाइन में कोई है माइनर? नहीं. स्तुति, स्तुति आपको पता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. शी मस्ट बी वंडरिंग व्हाई. मेरा पहला लेक्चर है, दो घंटे से तो ये बोल रहा है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर भी मेरा फैन कैसे हो गया? मैंने सीए स्टूडेंट्स का एक टेंडेंसी ऑब्जर्व किया है. सर आई वांट टू जॉइन योर बैच. पहले डिटेल्स लेंगे, 25 सवाल पूछेंगे, 50 दिन पोस्टपोन करेंगे, फिर बोलेंगे सर प्री बुकिंग में और एक्चुअल बैच में कोई डिफरेंस है क्या? फिर बाद में मैं बोलता हूँ दिस इज द लास्ट डेट टू टेक प्री बुकिंग का एडमिशन. तो लास्ट डेट को रात को 12 बजे उनको याद आएगा कि सर मेरे को प्री बुकिंग का एडमिशन, रात को 12 बजे मैसेज आएगा मेरे को, तभी का तभी जवाब देने का. नहीं तो सर मैंने तो 12 बजे कर दिया था, आपने नहीं देखा, आपके लास्ट डेट को आई वांटेड टू एनरोल. तो हर चीज को, मतलब कॉस्टिंग हमको कितनी बातें सिखा गया. काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज बेटर इन लाइफ. कॉस्टिंग ने हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, लेकिन हम सीए वाले हमको एक ही सिखा, जस्ट इन टाइम. हर क्वेश्चन का एक ही चीज, हर चीज में एक ही क्वेश्चन, ड्यू डेट कब है भाई, हर चीज में हमारा एक ही क्वेश्चन, लास्ट डेट कौन सी है. स्तुति, मैं क्यों बोला पता है, मैं फैन हूं. 8:45 को मेरे को मैसेज आया, सर आई वांट टू जॉइन योर अपकमिंग बैच. मैंने फी स्ट्रक्चर भेजा और 9 पेमेंट का स्क्रीनशॉट आया. सोच लिया, ठान लिया, वो ठान लिया, इतना मगजमारी लाइफ में नहीं चाहिए. पता है करना है ना, तो कल करना, परसों करना, जो कल करना है वो आज करो ना. मैं राइट बोल रहा हूं ना स्तुति? 15 के अंदर ये था, सर आई हैव डन जीपे, ये लो. 15 के अंदर इतना फास्ट डिसीजन कोई नहीं लेता है लाइफ में. एंड आई एम जनरली अ फैन ऑफ पीपल हु आर डिसाइसिव इन लाइफ, के मेरे को क्या करना है, क्योंकि मैंने इतने छोटे एज में डिसाइड कर लिया आई वांट टू बी अ टीचर, सीए बनने के 1 पहले. तब मेरे से बड़ी उम्र के लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, वो अभी भी सीए पढ़ रहे हैं, मेरे को 13 हो गए. मेरे हर फाइनल के बैच में मेरे से एज में बड़ा है, कोई ना कोई एक आध स्टूडेंट तो निकल ही जाता है, कभी ज्यादा भी निकल जाते हैं. बिकॉज आई डिसाइडेड वेरी अर्ली. द फास्टर यू डिसाइड व्हाट यू वांट, द अर्लियर यू रीच वेर यू वांट. ओके, तो आई स्ट्रांगली बिलीव यू आर नॉट अ माइनर, क्योंकि माइनर चाइल्ड इतना जल्दी, या हो सकता है कि आप माइनर हो और ये डिसीजन पेरेंट्स ने लिया, क्योंकि इतना फास्ट पेरेंट्स ही ले सकते हैं डिसीजन. ओके, तो आप पहले सोच के हमको फाइनली बहुत जल्दी डिसाइड करना होता है. तो माइनर नहीं हो ना लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेना है तो फास्ट लेने का, हर चीज को लास्ट मोमेंट के ऊपर पोस्टपोन नहीं करने का. एग्जैक्टली जो लॉकडाउन के टाइम पे स्टूडेंट्स ने किया, अरे अभी तो कोविड है, अभी थोड़ी एग्जाम होएगा, छोड़ अभी क्या पढ़ने का, छोड़. इंस्टीट्यूट पहले से बोल रहे हैं हम तो एग्जाम लेगा, अपॉर्चुनिटी मिलता ही लेगा. स्टूडेंट बोलता है कैसे लेगा, ले ही नहीं सकता है, छोड़ छोड़ छोड़. एक दिन गवर्नमेंट बोला सब खुल गया, इंस्टीट्यूट बोला चलो एग्जाम, तो बच्चे बोलते नहीं नहीं लेने का, हमने पढ़ाई नहीं किया. अरे तुमको तो पहले से बोला हम लेगा, चालू हो गए. और वो बच्चों को भड़काने वाले कुछ सोशल मीडिया पे हीरो बनने के लिए कुछ ऐसे, अनफॉर्चुनेटली हमारे कम्युनिटी के ही लोग, चलो धरना देंगे धरना देंगे धरना देंगे. फिर फाइनली इंस्टीट्यूट बोला ठीक है चलो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम था, यू नो इट इज पॉसिबल दैट यू हैड एनी कोविड कैलेमिटी, या यू वर योरसेल्फ अ पेशेंट, या आप नहीं पढ़ पाई, ये वो, तुमको ये एग्जाम नहीं देनी है, तुम मत दो, तुम अगला अटेम्प्ट दे दो, और तुम्हारा जो भी फीस है, तुम्हारा जो भी एग्जेम्पशन है, सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होएगा, बस इट इज एन ऑप्शन कॉल्ड ऑप्ट आउट दैट वी आर गिविंग यू. लेकिन ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने पूरा पढ़ाई करके रखा, तो डेस्परेटली वेट कर रहे थे. मेरे जैसे बच्चे थे ना, कि जितना जल्दी एग्जाम ले मैं इससे फ्री होता हूं, लाइफ में आगे कुछ करूंगा, नहीं तो इसी के अंदर अटक के रह जाऊंगा. एक लेवल लाइफ का पार करोगे तो अगला लेवल में जाओगे ना. मारियो खेला है कि नहीं बचपन में? थैंक यू मारियो, बट द प्रिंसेस इज इन अनदर लेवल. अरे प्रिंसेस चाहिए तो लेवल तो पार करना पड़ेगा ना यार. इंस्टीट्यूट ने सब फैसिलिटी दिया, बोला जिसको देना है उनको तो देने दो एटलीस्ट. वो लोग बोलते नहीं, सबका कैंसिल करो, हमको नहीं देना है, मतलब सबका कैंसिल करो. दैट वॉज इमैच्योरिटी.
और जिन लोगों ने स्टूडेंट्स को उस टाइम भड़काया था ना, वो लोग आज खुद रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनके फाइनल के बैचेस खाली पड़े। कहां से होएंगे? तो तुम खुद बोले स्टूडेंट्स को कि एग्जाम मत दो, तो उस टाइम पे उसने फाउंडेशन इंटर दिया होता तो आज फाइनल देगा ना। आप समझा क्या? नहीं तो कर्माय नमः, यू हैव टू ऑलवेज, अपने कर्मा सबको झेलना पड़ता है। बहुत सिंपल है। मैंने कभी भी गलत चीज में स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं लिया है। धरना देना है, कान के नीचे धरूंगा। काय का धरना देना है? तुम यू टॉक अबाउट योर कंट्रोलेबल थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। इंस्टीट्यूट को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, तुम तुम्हारा पढ़ाई करो, बाद में एग्जाम लेना नहीं लेना इंसान, तुमने पढ़ाई करके रखा, यू विल क्लियर। मैं तो तभी भी स्टूडेंट्स को बोला, दूसरे लोग है ना नहीं पढ़ रहे, तुम पढ़ लो। यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी बेटर देन 95%। अगर 5% को पास करना है, तुम टॉप में आओगे तो इंस्टीट्यूट को, अगर 5% लोगों को पास करना है, सब फेल हो रहे होंगे ना, तो उनको मार्क्स बढ़ा के पास कर देंगे। इंस्टीट्यूट करता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज की गाइडलाइंस में लिखा है, पहले डिसाइड करेंगे कितने लोगों को पास करना है, उसके हिसाब से मार्क्स देना चालू करेंगे। नंबर ज्यादा आ रहा है तो काटना चालू करेंगे, कम आ रहा है तो देना चालू करेंगे। यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन अदर्स। एवरी पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज योर कॉम्पिटिटर। उससे बेटर करना है आपको, बात मत करना अभी एक दूसरे से, कॉम्पिटिटर है, उससे बेटर करना है। नाउ थिंक अबाउट दोज हु अटेंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। व्हाट इज योर नेटवर्क? हु इज योर कॉम्पिटिशन? हुम आर यू डीलिंग विथ? आप सीए बन भी गए तो करियर में जाके काम किसके साथ करोगे? क्लास में आते हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं, उससे हमारा नेटवर्क बनता है। आपका दोस्त आईडीटी का एक्सपर्ट बनेगा, आप डीटी का एक्सपर्ट बनेगा, दोनों एक दूसरे को क्लाइंट्स रेफर कर सकते हैं। डीटी का मैं देखता हूं, आईडीटी का तू देख। तुम रिकॉर्डेड पढ़ेगा तो किसको रेफर करेगा? लैपटॉप को। तुम समझा क्या? तो देवियों एंड सज्जनों, ये बहुत टाइम लगने वाला है टैक्स रेट्स करने में, बिकॉज वी हैव टू डू ओल्ड रेजिम, वी हैव टू डू न्यू रेजिम, और वो कुछ 6-7 ट्वीट्स है, देवर एक्चुअली टोटली फनी, और वो इंस्टाग्राम पे भी थी, बट अल्टीमेटली अपनी थियरी बुक इज प्योर थियरी। अभी उसमें मैं फोटोज डालने लगा ना, तो थियरी बुक का साइज बढ़ जाएगा। मतलब हमको 400 पेज में अगर थियरी कवर करना है तो फिर उसमें नहीं डालूंगा, लेकिन जिस दिन वो हैंड रिटन बुक का वर्क चालू करूंगा, विच विल बी द लास्ट ऑफ ऑल। सो सिक्वेंस इज वेरी क्लियर। अभी इंटर का मेन बुक होगा, फिर आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू होगा, फिर इंटर का एडिशनल क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू होगा, लास्ट में आपका हैंड रिटन बुक होगा। तो जिस दिन वो हैंड रिटन बुक करूंगा, उसमें उसके सारे जो उस दिन वाले ट्वीट्स थे उसके सब स्क्रीनशॉट भी सेव करके रखे हैं, वो भी सब डाल दूंगा। 1,12,500 का टैक्स सेविंग्स में आंटी ने सबको इतना बड़ा माइनर, बेटा नाम क्या है तेरा? अनिरुद्ध। सरनेम? MENDON, मेंडन। कान बंद कर ले बेटा, बिकॉज आई एम गोइंग टू से समथिंग विच इज मेंट ओनली फॉर एडल्ट्स। मैं आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मतलब लिटरली आंटी ने हमको सबको, एक मिनट बोल दू क्या, यू विल नॉट गेट ऑफेंडेड, स्पेशली द फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ द क्लास, के हाउ कैन यू यूज सच वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ फीमेल्स। खुद जाके घर पे क्या क्या बोलते हो मालूम है? यू विल नॉट बी ऑफेंडेड फॉर श्योर? मैं कंट्रोल नहीं कर पा। आंटी ने हम सबको मिलके बहुत बड़ा पागल बनाया। बट आई लाइक द वे यू थॉट। मैं बिना बोले वो ही बोल दिया, क्योंकि 1,12,500 की टैक्स सेविंग्स के चक्कर में इनकम टैक्स में जगह जगह पे अवेलेबल बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स विल बी टेकन अवे फ्रॉम। हिस्टोरिकली हम जब हमारी इनकम कैलकुलेशन करते थे तब हमारी इनकम में हर हेड बाय हेड कुछ टैक्स बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल सैलरी में हमारा लीव ट्रैवल अलावेंस का बेनिफिट है, हमारा एचआरए का, हाउस रेंट अलावेंस का, देर आर डिडक्शंस, प्रोफेशनल टैक्स पेड, एंटरटेनमेंट अलावेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हाउस प्रॉपर्टी में अगर हमारा एसओपी है ना तो हमको एक उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। ओके, बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट है, समथिंग कॉल्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन, समथिंग कॉल्ड साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन, समथिंग कॉल्ड स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन, दीज आर ऑल टैक्स बेनिफिट्स। और ये पॉपुलर चैप्टर्स है, दैट वे आप देखोगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी एक डिडक्शन आता है, फैमिली पेंशन के सामने 1/3 का डिडक्शन, क्लबिंग ऑफ इनकम में अगर माइनर की क्लबिंग हुई है तो 1500 का एक एग्जेम्पशन आता है, सेट ऑफ में एक हेड का दूसरे हेड के सामने एडजस्टमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, वेयर अपना लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशन, बाय द एंड ऑफ द बैच आई विल मेक यू एलिजिबल फॉर 80 यू ऑल्सो।
ATU, ये सब deductions है. Will all these exemptions and deductions reduce your taxable income? Yes, correct. And accordingly tax कम होएगा. अगर income कम होएगा तो tax कम होएगा. आंटी बोलती है that people are putting pressure on me to reduce tax rates. टैक्स का रेट कम करो कम करो कम करो कम करो. वो मिनिस्टर बोला था ना, वायलेंस कम करो, त्रिपाठी वायलेंस कम करो. मिर्जापुर देखा है? मतलब इफ यू हैव नॉट सीन मिर्जापुर, यू आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ. आई एम टेलिंग यू, दैट्स द मोस्ट एडुकेटिंग वेब सीरीज आई थिंक. मैं लॉकडाउन के बाद ही वेब सीरीज का मेरे को भी चस्का लगा है, तो आई थिंक मैं तो टॉप रेट मिर्जापुर को ही करूंगा, नॉट इवन स्कैम 92. नहीं देखा है तो देख लेना. आई एम टॉकिंग अबाउट कालीन भैया, नहीं पता ना. वायलेंस कम करो, वायलेंस कम करो. आंटी बोलती है मेरे ऊपर प्रेशर है, टैक्स रेट कम करो, टैक्स रेट कम करो. ठीक है, आई एम रेडी. लेकिन एक साइड पे तुम एग्जेम्पशन डिडक्शन लेता है, दूसरे साइड पे बोलता है टैक्स रेट कम करो, दोनों नहीं चलेगा. तो एक कंडीशन पे यू टेक अवे ऑल योर, मतलब वी टेक अवे ऑल योर एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन. आज के बाद हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लिव ट्रेवल अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जो स्टैंडर्ड सेक्शन 16 में जो डिडक्शंस मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे. ऐसे बहुत सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल चैप्टर 6 है. आप जो इतने सालों से हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली हमारे देश में 80C 80D वो सबके डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस, वो सब डिडक्शन छोड़ दो. इनकम बढ़ेगा, टैक्स रेट आई विल रिड्यूस. तो जब वो बजट में अनाउंस कर रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर 1st February 2020 व्हेन शी इंट्रोड्यूस न्यू रेजिम फॉर द फर्स्ट टाइम. आई वॉज एट होम वॉचिंग द बजट स्पीच, बिकॉज एवरी बजट डे आई एम एट होम ओनली वॉचिंग द बजट स्पीच. शी स्टार्टेड अनाउंसिंग द न्यू स्लैब्स, रेट्स मेरे को अच्छे लगे. देन शी सेड एनीबडी टेकिंग दीज रेट्स विल नॉट गेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिडक्शन, विल नॉट गेट चैप्टर 6 डिडक्शन. फॉर एन ऑर्डिनरी टैक्स पेयर इट इज लाइक कि हाँ ये डिडक्शन अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. फॉर अ टैक्स प्रोफेसर इट इज लाइक अब SEZ नहीं पढ़ाना है, अब चैप्टर 6 नहीं पढ़ाना है, अब बिजनेस प्रोफेशन के सबसे बड़े बड़े सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च 35AD नहीं पढ़ाने हैं. जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे, ये भी गया ये भी गया. आई वॉज लाइक आंटी आंटी आंटी, और वो जो वानखेड़े में होता था ना, आंटी आंटी, वो सचिन के लिए. वैसे मैं एक्साइटमेंट के साथ, हेलो, एक्साइटमेंट के साथ मैं घर पे ऑलमोस्ट लिटरली डांस करने लगा. जब तक एंड में आते आते शी सेड, तुमको दोनों में से कोई एक ऑप्शनल, खत्म, टाटा, बाय बाय, गया. मतलब टेक ऑल द डिडक्शंस एंड पे टैक्स एज पर ओल्ड एज, फॉरगो द बेनिफिट्स एंड पे टैक्स एज पर, और दोनों टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. मतलब हमको गया कुछ नहीं, खाली नया वाला रेट्स ऐड हुआ है, क्योंकि हमको तो दोनों ही करना है. एंड ऑफ कोर्स एज पर ओल्ड और एज पर न्यू, दो टैक्स लायबिलिटी होगी, दोनों नहीं भरना है. दोनों में से कौन सी भरेगी? जो ज्यादा होगा, CSR पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग. नहीं, ऑब्वियसली जो दोनों में से कम होगा हम लोग वो वाला टैक्स भरेंगे ना, उसके लिए हमको दोनों आना चाहिए. तो ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर कैसे, कहां तक, कहां से कहां पहुंच गया, वो समझ में आया. फिर भी ना लास्ट ईयर तक ये 2.5 लेक्चर में खत्म हो जाता था, क्योंकि टैक्स रेट एज पर ओल्ड एज पर न्यू. अब आंटी ने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का न्यू रेजिम स्टार्ट किया. वो पहले भी आया था, लेकिन उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटी का. और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो न्यू सेक्शन ऐड किया, दैट इज रिलेटेड टू कंपनीज का एक न्यू टैक्सेशन रेजिम का सेक्शन. एकदम सिमिलर है, मतलब दोनों साथ में हो जाएगा. तो मैं कंपनीज और फर्म्स की टैक्स रेट यहां पे नहीं करवाता था, मैं बाद में करवाता था पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में, कंपनी के चैप्टर में. तो यहां पे इंडिविजुअल, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब खत्म हो जाता था 2.5-3 लेक्चर में, 3 लेक्चर में. लेकिन बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नया सेक्शन आया, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपनी का सेक्शन, तो यहां पे वो करूं तो फिर कंपनी भी इधर करूं. ऑल सेड एंड डन, मतलब अब इस बैच से CA फाइनल में पार्टनरशिप फर्म्स का, कंपनीज का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, सबका ऑल टैक्स रेट्स एज पर ओल्ड एंड ऑल टैक्स रेट्स एज पर न्यू, सब कुछ इंट्रोडक्शन में कंप्लीट हो जाएगा. सो ऑफ कोर्स लेटर ऑन व्हेन वी डू दोस चैप्टर्स, वी डोंट हैव टू स्टडी टैक्स रेट्स अगेन. आप समझा क्या? सो वी हैव टू फर्स्ट कंप्लीट टैक्स एज पर ओल्ड रेजिम फॉर ऑल असेसिस, फिर हम लोग न्यू टैक्सेशन रेजिम का डिस्कशन करेंगे. वी मे नॉट बी एबल टू रीच न्यू टैक्सेशन रेजिम फॉर श्योर टूडे, बट टुमोरोज लेक्चर अगर हमारे ये ओल्ड रेजिम के रेट्स खत्म हो गए, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल बढ़े, उसमें 3 कैटेगरी के स्लैब्स हैं, अदरवाइज अदर असेसिस में फटाफट हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है. ओके, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम,
हैव पेशेंस. अभी अल्टीमेटली लॉ में चीजें बढ़ती जाएगी तो हमको पढ़ना पड़ेगा. वी डोंट हैव द चॉइस ऑफ नॉट स्टडिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, तो वी विल गो टू ओल्ड रेजिम का रेट्स गिवन इन फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25. ये वो स्टेज है जहां से जिन लोगों को भी क्लास में लिखना है उनका राइटिंग पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. इसके पहले तो सब कुछ इंट्रोडक्शन था, लिखने जैसा कुछ नहीं था. यहां से आपका राइटिंग वाला पार्ट इज गोइंग टू कमेंस. एवरीबॉडी इज क्लियर? दैट मींस वी आर गोइंग टू कंप्लीट न्यू रेजिम ईयर ऑल्सो, ईयर ओनली, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग. पहले सबका ओल्ड कंप्लीट करेंगे तो पता चल जाएगा, चलो ओल्ड हो गया, अभी न्यू में क्या क्या, किसके लिए क्या क्या आया है न्यू रेजिम. ओके, एंड आई से दिस ऑन रिकॉर्ड एंड आई से दिस इन एवरी बैच. अगर किसी दिन आंटी ने यह अनाउंसमेंट कर दिया दैट न्यू टैक्सेशन रेजिम इज नाउ कंपल्सरी, ओल्ड इज रिमूव्ड, आई विल सरेंडर माई सेल्फ एट हर फीट एंड अपोलोजाइज फॉर एवरी वर्ड स्पोकन अगेंस्ट हर. हाथ जोड़ के पैर पड़ के मैं बोलूंगा, आंटी हंटर लो, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो, मैं पागल था जो यहां पे आपके बारे में इतना बोल रहा था, मारो आंटी मुझे. क्योंकि आंटी ने अगर न्यू रेजिम कंपलसरी कर दिया, 1/3 ऑफ द सिलेबस इज डिलीटेड फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ. जो इनकम टैक्स लॉ से ही डिलीट हो जाएगा तो ऑफकोर्स सिलेबस का पार्ट ही नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली निकाल नहीं सकते. क्योंकि जैसे ही बोल दिया न्यू रेजिम कंपलसरी, मतलब पीपल विल नो लॉन्गर गेट 80C 80D. लोग आज वो पॉलिसीज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है. इट विल ब्रिंग अ बिग क्रैश इन इंश्योरेंस कंपनीज, और इंश्योरेंस कंपनीज ही वो कंपनीज है जो मार्केट को बचा के रखी. आप आज प्रीमियम इतना सा देते हो और क्लेम इतना सारा लेते हो तो पैसा कहां से आएगा? आपके प्रीमियम के पैसे को वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर, वही तो उनका इनकम जनरेशन का सोर्स है. तो इंश्योरेंस कंपनीज अगर टूटेगी तो आगे स्टॉक मार्केट भी पूरा बुरी तरह से टूटेगा, इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. प्लस जो स्मॉल टैक्स पेयर जिनको समझ में नहीं आएगा और जो ऑपोजिशन वाले हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान बांटना चालू करेंगे. तो अब आपको अपने जो यू नो सालों साल से चले आ रहे हुए पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स का टैक्स बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा. सी दैट वे इफ यू थिंक अबाउट इट, बंद हो रहा है तो रेट्स भी कम कर रहे हैं ना, तो इफेक्टिवली वी आर गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न. उल्टा वी आर सिंप्लीफाइंग द लॉ. लेकिन आंटी बोलती है भक्त कौन कॉन्ट्रोवर्सी इन्वाइट करे, बाढ़ में जाए, ओल्ड को पड़ा रहने दो, जिसको लेना होगा वो लेगा, न्यू को डे बाय डे ल्यूक्रेटिव बनाते जाओ, लोग के लोगों को न्यू अच्छा लगने लगे. और वो बेचारा ओल्ड वो लास्ट 3-4 साल से ऐसे कोने में बैठ के सड़ रहा है, लास्ट 3-4 साल से उसमें कोई चेंज ही नहीं आया. आंटी इज नॉट इवन इंटरेस्टेड, मतलब वो एकदम एकदम यूजलेस की तरह वो पड़ा है. ओल्ड रेजिम ऐसे बस जबरदस्ती काम को पढ़ना है. जो भी आंटी चेंजेस ला रही है वो कंटिन्यूसली न्यू टैक्सेशन रेजिम के अंदर. अब देखो भले साइड में पड़ा है, आंटी इज्जत नहीं देती, लेकिन इंस्टीट्यूट तो पूछ सकता है. वी हैव टू लर्न एवरीथिंग. सो वी विल फर्स्ट गो एंड लर्न ओल्ड रेजिम ऑफ टैक्सेशन असेसी बाय असेसी, जिसमें सबसे पहला हम लोग जाके सीखेगा टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, विच इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल. देखो इंडिविजुअल अगर हो गया ना तो बाकी सब मिला के भी उतना टाइम नहीं लेगा, इंडिविजुअल अकेला बड़ा है. सो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, हमारे इनकम टैक्स के लॉ ने इंडिविजुअल को डिफाइन किया है. हमारा इनकम टैक्स बोलता है कि इंडिविजुअल मतलब कौन? इंडिविजुअल मतलब अ नेचुरल पर्सन. वाह मोदी जी वाह, वाह, मतलब समवन बॉर्न आउट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस. लॉल, तो क्या रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज ऑल्सो नेचुरल? होंगे, स्कूल गए हो तो सुना होगा फोटोसिंथेसिस. अरे वो सनलाइट वाटर प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है ना, वो भी नेचुरल प्रोसेस ही है ना. तो कंफ्यूजन हुआ तो उसको और क्लियर किया. मतलब ह्यूमन बींग्स. ब्रो डोंट इंटरचेंज द वर्ड्स, नहीं तो फिर इट विल बिकम अ फिल्म स्टार किलिंग इनोसेंट पीपल ऑन फुटपाथ. डोंट इंटरचेंज द वर्ड्स, लेट ह्यूमन बींग रिमेन ह्यूमन बींग, डोंट मेक इट बींग ह्यूमन. कोई है तो नहीं ना हार्डकोर फैन सैलमन भाई का? नहीं. सैलमन भाई के बारे में कुछ भी क्लास में बोला यही बोलेगा तू फुटपाथ पे मिल. तो ह्यूमन बींग मतलब
एम आई कवर्ड योर? यस, देखो आई एम अ मैरिड मैन, तो घर पे इंसान ट्रीट नहीं किया जाता है, एंड विच इज अ फैक्ट विच वी ऑल नो, लेकिन फॉर टैक्स पर्पसेस आई एम कवर्ड योर. आर यू कवर्ड योर? अब बोलना मत सर हम गरीब सीए के स्टूडेंट्स, वो तो मैं भी हूं. सीए स्टूडेंट, सीए प्रोफेसर, एक ही चीज कॉमन है, इनकम दोनों की नहीं है. देयर इज ओनली वन थिंग कॉमन. ओके, तो आप ये मत बोलना कि सर हमको कैसा टैक्स, हमारा किधर इनकम है. सुनो, आज तुम स्टूडेंट है, बट इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. नो, तुम भारी वाला कमाने वाला है, खाली वेट एंड वॉच, तुम्हारा इतना डिमांड है, लोग तुम्हारे पीछे भाग के आने वाले हैं. आज की डेट में तो आर्टिकल्स का, फॉरगेट अबाउट प्रोफेशनली क्वालिफाइड, आर्टिकल इज द किंग. मैं सच बोल रहा हूं, तू बोल दे कि मैं 11:30 बजे आऊंगा रोज, देख तेरा सेठ कुछ नहीं करेगा, खाली वो बोलता है, खाली डराता है. बोल देना ट्रांसफर ले लूंगा, मेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, फिलहाल कंडीशन ऐसा है मार्केट में कि आर्टिकलशिप के अंदर आर्टिकल जाके प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेता है. एग्जाम लीव कितना देगा? वीकेंड छुट्टी देगा कि नहीं? सुबह रात को लेट तक तो नहीं बिठाते हो तुम लोग? प्रिंसिपल बोलते मेरे बाप तेरे को, आ जा, तू जो बोलेगा मैं करने के लिए रेडी है, आ जा. एंड विद द न्यू कोड सेइंग दैट दोनों ग्रुप करके ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, तो जो दोनों ग्रुप क्लियर होंगे वो नंबर इतना होगा कि बिग फोर ही पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा. दूसरे फर्म्स को तो आर्टिकल ही नहीं मिलने वाले, विच ओनली मीन्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि फर्म जो काम आर्टिकल से करवाता था और वो अवेलेबल ही नहीं है वो काम अभी, वो उसको सीए रखना पड़ेगा. क्योंकि सी आप तो भारी वाला डिमांड के अंदर, यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसिस कि मेरे को ये काम करना है, ये नहीं करना है, इस पैसे में काम करना है, इसमें नहीं करना है. माई स्मॉल सजेशन इज सिंपली दिस मच, दैट आफ्टर क्लियरिंग, अनलेस यू हैव फैमिली फाइनेंशियल बर्डन, जैसा मेरे ऊपर था, तो मेरे को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता था. ओके, मनी वॉज अ वेरी बिग क्राइटेरिया फॉर मी, मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग, दो आई स्टिल चोज माई पैशन ओवर मनी, बिकॉज इनिशियली टीचिंग में तो कोई पैसा ही नहीं देता है. वेन देर आर एक्सपीरियंस पीपल अवेलेबल, वाई विल एनी वन पे यू? कोई मोटिवेशन होना? टीचिंग में तो अभी अभी ऐसा हो गया है कि तुम कम फीस चार्ज करता है तो लोग तुम्हारे पास आ जाएगा, बट हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था. हिस्टोरिकली ऐसा है कि जिसको जिसके पास पढ़ना है उसके पास ही पढ़ेगा, पैसा भले डबल ट्रिपल ले ले. अभी ऑफ लेट ऐसा हो गया है कि कोई 500 रुपया भी कम चार्ज करेगा तो स्टूडेंट में लॉयल्टी नहीं, बोला बक वो 500 रुपया कम ले रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूं. टाइम्स हैव चेंज, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. तो फीस कम चार्ज करना इज नॉट द क्राइटेरिया. कोई तुमको ऑर्गेनाइजेशन स्टेज देने के लिए रेडी नहीं है बिकॉज अदर एक्सपीरियंस पीपल आर अवेलेबल. आई स्टिल चोज पैशन डिस्पाइट हैविंग फाइनेंशियल प्रेशर ऑफ फैमिली. आई सिंपली, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर है तो देर इज ओनली वन क्राइटेरिया फॉर ज्वाइनिंग योर जॉब, WPM क्राइटेरिया, हूएवर पेज मोर. अगर वो आपका लाइफ का प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर इज क्या करने में हमको मजा आ रहा है. जो करने में हमको मजा आ रहा है वही प्रोफाइल हमको चूज करना है, बिकॉज अगर मजा आएगा ना तो थोड़े टाइम के अंदर अपने आप पैसा भी आ जाएगा. अनलेस यू हैव फाइनेंशियल प्रेशर के आज ही आपको कमा के घर चलाना है. ओके, विच कैन बी, एक हर इंडिविजुअल का अपना अपना स्टोरी होता है. ओके, तो मित्रों आज इनकम नहीं है लेकिन कुछ महीनों में तो होगा ना आपका. मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको टैक्स भरना है क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसमें आते हो क्या. इनकम होएगा तो ही टैक्स होएगा ना, इनकम नहीं होगा टैक्स कहां से होएगा. क्वेश्चन इज इफ यू हैव इनकम विल यू बी पेइंग टैक्स अंडर दिस कैटेगरी, बिकॉज आर यू इंडिविजुअल. फिर मैं मैरिड मैन, भले मेरे को घर पे कैसा ही ट्रीटमेंट मिले और तुम सीए का आर्टिकल, तुमको ऑफिस में कैसा ही ट्रीटमेंट मिले. है तो अपन सब इंडिविजुअल, करेक्ट है. चलिए, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना? वेरी गुड, बिकॉज योर जनरेशन में नो ओनली विराट कोहली. आप उस जनरेशन का है इसलिए. सचिन तेंदुलकर इज ही कवर्ड योर? ये तो भगवान है, है? इनकम टैक्स में वो भी इंडिविजुअल है, समझा. अमिताभ बच्चन इंडिविजुअल है. आलोकनाथ पता है? आलोकनाथ बाबूजी संस्कारी, बाद में उन्होंने सोनू के टीटू की स्वीटी किया, सब संस्कार धो दिए. वही आलोकनाथ बाबूजी किसकी बात कर रहा हूं? घसीटाराम, हाँ हाँ, वो इसमें आएंगे. हाँ, यस, वंस यू आर एन इंडिविजुअल यू विल कम हियर. रजनीकांत, एनीबडी फ्रॉम साउथ हियर? क्योंकि साउथ के मेरे बच्चे तो
वो इंग्लिश वाले बैच में आते हैं, लेकिन जो मुंबई में साउथ इंडियन है तो यू कैन कम इन एनी बैच ऑफ कोर्स. मतलब तमिलनाडु के कहां से? केरला. एंड यू? कर्नाटका. ओके, यू आर अ मलयाली. तमिल एंड मलयालम इज 90% सेम ऑल्सो. जितना मैंने सीखा है उतने में 90, मैंने 15% सीखा उसका 90%, 13.5% हैप्पी. तो अच्छा ठीक है. तो नहीं इनकी मन सलवम कोड़चो कुछ चल डजंट मैटर फॉरगेट इट. तो सुनो, क्योंकि रजनीकांत इज सुपरस्टार इन तमिलनाडु नॉट इन केरला. केरला में इट इज अ गाय कॉल्ड मोहनलाल. ओके, पॉइंट इज वेदर रजनीकांत और मोहनलाल विल बोथ ऑफ देम कम हियर बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स. भले रजनीकांत के ऊपर भी कितने जोक बने. चल नाउ वी हैव टू गो फर्दर, प्लीज अंडरस्टैंड. रजनीकांत ने एक मूवी किया था रोबोट, करेक्ट? उसमें ही प्लेड द रोल ऑफ अ साइंटिस्ट वसीकरण. देखा है, आइडिया है? इज दैट साइंटिस्ट वसीकरण इंडिविजुअल? वो यहां पे है. उस वसीकरण नाम के साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया कॉल चिट्टी. नाक था, कान, आंख, सब एकदम इंसान जैसा दिखता था. वो इसमें आएगा? नहीं, वो ह्यूमन बींग नहीं है, वो मशीन है. बाय द एंड ऑफ द मूवी, जिसको स्टोरी याद नहीं, मैं याद दिलाता हूं, द साइंटिस्ट इनकॉर्पोरेटेड ह्यूमन फीलिंग्स इनसाइड. सी ए फाइनल. आजकल बच्चे पैशनेट है, बोला. मैंने तो पहले ही पूछा, कोई 11th का बच्चा, 12th का बच्चा ऐसा है जिसको फाइनल का क्लास अटेंड करना है? तो बाय द एंड द साइंटिस्ट इनकॉर्पोरेटेड ह्यूमन फीलिंग्स. तो दैट मींस कैन आई से द रोबोट इज शोइंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बींग? तो उसको यहां पे नहीं लेने का, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ मशीन. तो साइंटिस्ट वसीकरण यहां पे आएगा, लेकिन रोबोट चिट्टी यहां पे नहीं आएगा. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट नेचुरल पर्सन. ये तो देखो, इंडिया में ये सब मगजमारी है कि इंडिविजुअल अलग होता है, कंपनी अलग होता है, फर्म अलग होता है, ट्रस्ट अलग होता है, यूओपी अलग होता है, बहुत वेराइटी है. ग्लोबली लॉट ऑफ कंट्रीज हैव ओनली टू कॉन्सेप्ट्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन. इंडिविजुअल नेचुरल, बाकी सब उनको बॉडी कॉर्पोरेट बोल के सबको डाल देते हैं उसमें. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें कंपनी आ गया, एलएलपी आ गया, फर्म आ गया, यूओपी सब. अरे समझा क्या? लेकिन इंडिया में बाकी सब अलग है, मगर फिर भी नेचुरल पर्सन विल बी डिफरेंट. दैट मीन्स कैन आई से ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू फॉल इन दिस कैटेगरी? यस. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी विल कैलकुलेट टैक्स फॉर इंडिविजुअल अंडर द ओल्ड रेजिम. इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, कैटेगरी ए, बी, सी. कैटेगरी ए इज नॉर्मल इंडिविजुअल, विच डज नॉट मीन बी एंड सी आर एबनॉर्मल. बी एंड सी आर स्पेसिफिकली डिफाइंड के इफ यू आर दिस पर्टिक्युलर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, आप बी में और सी में आओगे. और मे आई पुट इट दिस वे, दैट ए मीन्स एनीवन हु इज नॉट इन बी और सी. तो अभी के लिए भले मैं नॉर्मल इंडिविजुअल एक बार लिखूं, लेकिन आप अगर ये नहीं भी लिखो तो ठीक है. नॉर्मल का मतलब यही है कि एनीबडी हु डज नॉट फॉल इन बी एंड सी. सर क्या है ये बी और सी? मतलब क्योंकि जो भी बी और सी में नहीं जाएगा वो इसमें आ जाएगा. हमारा इनकम टैक्स का लॉ बोलता है कि जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता है उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए. हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत? फुल इज्जत? नो. गूगल दिस, गूगल, गूगल, गूगल. नहीं तो क्या होएगा, आगे मीम वाली बुक ले लोगे और तुमको पता ही नहीं कि मीम का मीनिंग क्या है, तो वो समझाने के लिए कौन आएगा? ओके, तो जो जो मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वेब सीरीज दे दूंगा, बोला कि ये होमवर्क में देख लेना. घर पे बैठ के वेब सीरीज देख रहा होगा, घर वाले बोलेंगे क्या कर रहे हैं पढ़ाई के टाइम पे? बोला नहीं होमवर्क है, सर ने बोला था. हाँ सही है ना? बोला ऐसे टीचर सबको मिले. हाँ तो मित्रों, मित्रों, जैसे जैसे यू विल बिकम सीनियर वी विल गिव यू रिस्पेक्ट, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी विल टेक लेस टैक्स फ्रॉम यू. हमारे कंट्री में सीनियर सिटीजन को अपने से कम टैक्स लगेगा, एंड दैट विल बी अवर कैटेगरी बी एंड सी. जो थोड़ा सीनियर होगा वो बी में आएगा, जो बहुत सीनियर होगा वो सी में आएगा. एंड जैसे जैसे यू एडवांस इन द कैटेगरी योर टैक्स विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, मीनिंग देयर बाय बी विल पे लेस टैक्स देन ए एंड सी विल पे लेस टैक्स देन बी. मतलब हाईएस्ट ए, सेकेंड बी, थर्ड सी. ए सबसे ज्यादा टैक्स भरेगा, अपन लोग नॉन सीनियर सिटीजन.
बी अपने से थोड़ा कम और सी सबसे कम. हमारा कैटेगरी बी इज अ स्पेशल कैटेगरी फॉर सीनियर सिटीजन. ये सबको मालूम है. प्राउड ऑफ योर सेल्फ. हाँ सर, ये सब क्या सीखा था? हमको मालूम ही है ना सर, इंडिया में सीनियर सिटीजन का रेट अलग है, हमको मालूम ही है. आज पहले ही लेक्चर में लेट अस एनकाउंटर अ फ्यू थिंग्स जो हमको लगती है कि हमको मालूम है, लेकिन हमको जो मालूम है वो रॉन्ग है. पहले लेक्चर में ये अपने आप को ये बोल दिया ना कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता है, तो देट विल बी बेटर. अगर कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस होएगा तो वो इधर किल हो जाएगा. पहले लेक्चर में ही हम ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म करने की ट्राई करते हैं. ओके, सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन किस एज पे बनता है आपकी नॉलेज के हिसाब से बताओ? 59 पे सीनियर सिटीजन बनता है. 60. और फिर एक आता है समथिंग कॉल्ड वेरी, या यू कैन कॉल इट सुपर सीनियर सिटीजन. दैट मींस ये थोड़ा और बड़ा होएगा, थोड़ा और इज्जत, थोड़ा और कम टैक्स. ये कब बनता है? फैंटास्टिक. अगर 80 इसको लाना है तो इसको 79 पे रुकना पड़ेगा. वेरी गुड. मतलब एक बात तो पक्का है कि ये 0 से 59 हो गया. चलिए फैंटास्टिक. अब आपकी हाफ नॉलेज को थोड़ा सा टारगेट कर. इफ द एज इज 0 टू 59, सपोजिंगली ऑल ऑफ अस, एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हु इज 60 एंड अबव. This is not funny. In the last batch, we had a student 62 years old. So, any student of the class, online class, of course, 62 years old. कोई है? कोई नहीं. अपन सब कैटेगरी ए में आएंगे. चलिए, आपका एज हो गया 60 टू 79, तो बी में आएगा, 80 सी में जाएगा. जब आप 60 years exact है, आपने क्रॉस नहीं किया है, इक्वल टू 60 है, तो ए लगेगा कि बी लगेगा? इक्वल टू विल फॉल इन बी. तो गोइंग बाय योर लॉजिक, अगर इक्वल टू 80 हुआ तो सी में जाएगा. तो दैट मींस कैन बी कंक्लूड कि ये जो हमने 60 लिखा है, 60 से ज्यादा होने का रिक्वायरमेंट नहीं है. इक्वल टू 60 विल ऑल्सो बी कवर. इक्वल टू हमारे सिलेबस में एक ऐसा एरिया है जिसको ट्रेडिशनली स्टूडेंट्स ने बहुत ही निग्लेक्ट किया है, उसकी वजह से दे हैव लॉस्ट मार्क्स. फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट 60 आएगा कि नहीं? देखो, एग्जाम में 65 पूछा, एवरीवन नोज द आंसर. 55 पूछा, एवरीवन नोज द आंसर. 60 पूछा, फिसल गया. ला यार, 60 में यार ग्रेटर तो नहीं हुआ, इक्वल टू चलेगा क्या? सेम इज द केस हियर. 80 पूछा, बच्चे फिसल गए. और आगे भी आएगा. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिबेट. 5 लाख की इनकम पे मिलता है. 5 लाख मतलब कम में मिलेगा पता है, ज्यादा में नहीं मिलेगा पता है. इक्वल टू 5 में मिलेगा क्या? नहीं. दैट्स अ क्वेश्चन. इक्वल टू एक ऐसी जगह है जहां पे हमने कभी भी सिंसियरिटी नहीं दिखाई. और इसका सबसे गंदा एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज द चैप्टर टीडीएस. टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मॉनेटरी थ्रेशोल्ड्स दिया रहता है. सबसे फेमस अपना प्रोफेशनल फीस वाला 194J, जिस पॉसिबली द ओनली थिंग दैट यू नो अबाउट टीडीएस, क्योंकि 30,000 के बाद आपके सेट का डिडक्ट होता है. तो टीडीएस का 30,000 का लिमिट अगर आपको पता भी है तो नथिंग ग्रेट. अल्टीमेटली एक दो डमी के बच्चों को छोड़ के बाकी सब तो आर्टिकल शिप जाते ही है. वेरी गुड. तो 25,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा, शाबाश. 35 पे कटेगा, फैंटास्टिक. क्वेश्चन 30 पे आएगा, दैट्स ICAI, दैट इज CA एग्जाम. क्वेश्चन बोलेगा प्रोफेशनल फीस 30,000. 25-35 का कोई भी आंसर देगा ब्रो. तो यस टीडीएस के नो टीडीएस. कोई कोई पिछले 2 साल से टीडीएस में आर्टिकलशिप कर रहा है, आज बेचारा फिसल गया. बोला यार हाईला, ये एस्पेक्ट तो हमने कभी सोचा ही नहीं. और कुछ बच्चों को ये एस्पेक्ट डायरेक्टली एग्जाम में देखने मिलता है, क्योंकि सोचा खुद से तो कभी है ही नहीं. नाउ यू विल नॉट लिसन टू एनीथिंग दैट आई से, एंड खाली टीडीएस के बारे में सोचने लग जाओगे. यार क्या था यार, अभी टेंशन में. यार मेरे को तो लगता था टीडीएस एक चीज है, मेरे को आता है, ये ही नहीं आता है अभी. मित्रों, उसमें ग्रेटर देन लिखा है, मतलब 30,000 पे नहीं आएगा टीडीएस. जाके चेक करते हैं. अप टू ₹30,000 देयर इज नो टीडीएस. ग्रेटर पे आएगा, 35 पे आएगा, 25 पे नहीं आएगा, 30 पे नहीं आएगा. टीडीएस के कुछ सेक्शंस में ग्रेटर है, कुछ में इक्वल टू कवर्ड है. फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ प्रॉपर्टी में 50 लाख का लिमिट है, एग्जैक्ट 50 लाख इज कवर्ड.
लाइफ इंश्योरेंस में 1 लाख का है तो एग्जैक्ट 1 लाख इज कवर्ड, आरपीएफ में विड्रॉल किया 50,000 इज कवर्ड, लेकिन पॉइंट आज मैं टीडीएस सिखाने का नहीं कर रहा हूं, पॉइंट क्या है सर, देर आर सम प्लेसेस जहां पे इक्वल टू कवर्ड है, सम पे नहीं है, और ये इंस्टीट्यूट सीधा इक्वल टू पे क्वेश्चन पूछता है, वो कभी ग्रेटर पे लेस पे पूछेगा ही नहीं। वेलकम टू सीए फाइनल। स्टडिंग डायरेक्ट टैक्स इज लाइक गेटिंग मैरिड, एवरी टाइम यू थिंक यू आर राइट, एवरी टाइम यू थिंक इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं की, इस बार तो मैं कुछ भी सुन के नहीं लेगा, यू आर रॉन्ग, वो आपकी कोई ना कोई गलती ढूंढ ही लेगी, आईसी एआई मदर बॉडी ढूंढ लेगी, कोई ना कोई गलती ढूंढ लेगी, वेलकम टू आईसी, समझा। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड पहले जो इसका करके 100 मार्क का पेपर जो इंटर में ईआईएस एसएम अगर आपने पढ़ा होगा, बिग डिफरेंस देखो, ईआईएस एसएम में इसका जो कंप्यूटर्स वाला सब्जेक्ट था, इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, उसमें एटलीस्ट हमको पता रहता है कि हमको कुछ नहीं आता। इसका पे तो गाना बनाया था बॉलीवुड ने, इसका इसका ना किसका है जाने, कैसा है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा इसका। डीटी में यू थिंक यू नो स्टफ बट मोस्ट थिंग्स यू हैव स्टडीड आर रॉन्ग ओनली विदाउट फोकसिंग ऑन एग्जैक्टली व्हाट द लॉ इज ट्राइंग टू टेल यू। चलिए आज एक छोटी सी बैटल तो आप जीत गए, इक्वल टू 60 विल एंटाइटल यू फॉर द कैटेगरी बी एंड सो विल इक्वल टू 80। सो कैन वी कंक्लूड 0 से 59 आपको खाली एबीसी बोलना है, 0 टू 59, एग्जैक्ट 60, 60 एंड अबव अप टू 79, एग्जैक्ट 80, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बट हाफ नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज, बिकॉज वॉट इफ आई टेल यू दैट ये कैटेगरी बी में और कैटेगरी सी में जाने का बेनिफिट क्या है, इनके ऊपर कम टैक्स लगेगा, दैट इज व्हाई वी हैव डिवाइडेड देम। देवियो एंड सज्जनो, इट इज नॉट सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन रिटन इन द लॉ सेज इट इज रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन। कैटेगरी बी इज नॉट सीनियर सिटीजन, इट इज रेसिडेंट 60 years, रेसिडेंट 80 years। स्पेशल टैक्स privileges विल बी टू resident सीनियर citizen। देखो सीनियर citizen इज्जत, लेकिन अपने घर वाले का इज्जत, बार वाले का क्यों इज्जत, यू हैव टू बी रेसिडेंट। बाई द वे रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज एंड विथ इंटरनेशनल टैक्स बींग अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, जब ठान लिया तो ठान लिया, वी आर डूइंग हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, हम रेसिडेंशियल स्टेटस भी करेंगे, वी हैव अ चैप्टर एनआरआई टैक्सेशन वॉल्यूम 1 में, चौथा ही चैप्टर है, वी विल बी डूइंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑल्सो, नंबर ऑफ डेज का रिकैप और वो सब, क्योंकि भाई ना आप भूल गए, और भूल क्या गए, आंटी ने उसमें भी अमेंडमेंट्स ला दिया। मेरे पूरे करियर में मैं आई हैव स्पेंड 17 years इन टैक्सेशन, 4 years एज अ स्टूडेंट एंड देन 13 years एज अ टीचर, उसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी था, 17 साल में पहली बार मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट देखा। Auntie, auntie, my patience is waning, is this entertaining? आई आई या मेरा मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, कसम से मैं रंग दे बसंती पार्ट 2 बना दूंगा। रंग दे बसंती में वो लोग ने डिफेंस मिनिस्टर को गोली मारा था मालूम है, कसम से मैं बाद में मेरे को फांसी पे लटका दो चलेगा, मैं अपने पूरे सीए कम्युनिटी के लिए वे मेरा पुतला लगेगा इंस्टीट्यूट के ऑफिस में, कसम से बोल रहा हूँ, मैं जाके मार दूंगा। अगर किसी दिन अगर आंटी का खून वून हो गया ना, सबसे पहला शक मेरे पे ही जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, ओके। आई विल, जैसे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बोलते हैं ये हमने किया, हम इसकी जवाबदारी लेते हैं, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, आई विल टेक 1 फॉर द एंटायर प्रोफेशनल कम्युनिटी, सीए क्या दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज भी मेरे को थैंक यू आके बोले। हाँ, तो रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी टॉट टू यू, आज के लिए सिर्फ इतनी सी बात, दैट हायर बेनिफिट, मतलब जो भी टैक्स सेविंग्स का बेनिफिट है हायर एज का, इज ओनली इफ यू आर रेजिडेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट का है ब्रो, 100 साल का भी तू रहेगा ना तो भी तू इधर आएगा। नॉन रेजिडेंट ऑफ एनी एज विल फॉल इन कैटेगरी ए, द बेनिफिट इज फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स। हाउ मेनी पीपल न्यू दिस, रेज योर हैंड स्ट्रेट अप विदाउट बेंडिंग योर एल्बो, including the online students. किसको किसको ये resident पता था? Okay, I can see a few hands in the class. किसको किसको ये बात पता था online में? No hand. तो by now, अच्छा जिसको भी पता था by now, जिसको जिसको ये part नहीं पता था
इट इज डिसाइडेड दैट टैक्स रेट्स बीइंग द ईसीएस्ट ऑफ ऑल, उसमें भी देयर इज समथिंग दैट वी डिड नॉट नो. और घबराओ मत, आपने अगर दूसरे लोगों के हाथ ऊपर देखे, हाला इसको तो रेसिडेंट पता था, मैं वेरी सून, अभी तो मेरे पास टाइम है थोड़ा, अभी कुछ ऐसी बातें करूंगा जो उनको भी नहीं पता. ये धीरे धीरे जो हाथ ऊपर उठ रहे हैं ना, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बाय द एंड जीरो हाथ पे लेके आ दो. तुम चिल मारो, रुको खाली दो मिनट. तुमको ये समझा कि नॉन रेसिडेंट 100 साल का भी हुआ ना, कैटेगरी ए, द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन टैक्स रेट विल बी अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर ओनली इफ इट इज रेसिडेंट 60 to 79, रेसिडेंट 80 एंड अबव. तो नॉन रेसिडेंट एनी एज विल फॉल इन फर्स्ट कैटेगरी. यहां तक हम लोग क्लियर हुए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक तो रेट्स पे तो गए नहीं, अभी तक तो कैटेगरी डिस्कस हो रहा है. ओके, कुछ बच्चों को रेसिडेंट पता था और कुछ को तो इक्वल टू आई थिंक लगभग सबको पता था, लेकिन रेसिडेंट कुछ लोगों को पता था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हर आदमी का बर्थडे 1 अप्रैल को ही तो आता है, करेक्ट ना? हाँ बोल रहे हो, नहीं आपका बर्थडे कभी आता है? 3rd August. पार्टी लेगा ब्रो, संडे तो नहीं है? देगा नहीं लेगा, बोलता पार्टी देगा, दिलदार है, मारवाड़ी है ब्रो. नहीं सुन, 3rd August विच ईयर इफ यू डोंट माइंड रिवीलिंग योर एज, अभी 25 तो ईयर बोलना, 98 ना 25 कंप्लीट होएगा, 1998. ओके, तो 1998 के 60 इयर्स बाद 2058 में 3rd अगस्त को यू विल बिकम 60 इयर्स ओल्ड. जब जो प्रीवियस ईयर 58-59 चल रहा होगा, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त का पहला दो दिन यू विल बी 59 इयर्स, और फिर 3rd अगस्त से रेस्ट ऑफ द ईयर आप. मित्रों सबका बर्थडे थोड़ी 1 तारीख को आता है ना, कोई कोई का बर्थडे साल के बीच में भी आएगा ना, मतलब साल के बिगनिंग में तुम 59 का था, बाद में 60 का हुआ. सेम थिंग फॉर 79 एंड 80 ऑल्सो, थोड़ा पार्ट 79 थोड़ा पार्ट 80. ठीक है, अगले साल से तुम सीनियर है और पिछले साल तक तुम नहीं था, लेकिन इस साल तो दोनों हो रहा है ना, 59-60 या 79-80, करेक्ट और नो? तो कैन आई से इस साल के लिए यू विल बिकम प्रोपोर्शनेट सीनियर सिटीजन? क्या क्या टर्म निकाल के लाता है ब्रो. नहीं तो इस साल क्या ट्रीट किया जाएगा तुमको, जो भी 1 अप्रैल को होएगा वो पोपट. चलिए कुछ हाथ अभी और नीचे हो जाएंगे. दिस शुड बी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तुम 3rd August को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ब्रो तुम 31 मार्च का पैदाइश है ना, ईयर एंड पे टारगेट पूरे कर रहे थे घर वाले. तुम्हारा जन्म 31 मार्च का है ना, 31 मार्च का, एंड टाइम ऑफ बर्थ भी देते हैं आजकल तो हॉस्पिटल वाले, 11:59 PM. तुम 1 मिनट के लिए सीनियर सिटीजन थे, 11:59 PM है तुम्हारा. अरे ब्रो आजकल तो हॉस्पिटल सेकंड के साथ टाइमिंग देखता है, कैसे करते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड. बिकॉज व्हेन माय सन वाज अबाउट टू टेक बर्थ उस हॉस्पिटल में, माय इन लॉ स्टे इन कैलकटा, तो मैं वहां पे था, वहां पे वो जो हॉस्पिटल है उसमें ऐसा था दैट द वुड बी फादर विल बी अलाउड इन द ऑपरेशन थिएटर. एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया, और मतलब बॉडी के बीच में एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया, बोला तुम पीछे बैठो, और आगे डॉक्टर्स अपना ऑपरेशन कर रहे थे. तो वेटिंग पूरा पीपीई किट, दिस इज प्री कोविड, पूरा पीपीई किट पहना के बैठा. एक तो गर्मी लग रहा है, एसी में भी सफोकेशन हो रहा है. उसमें माय वाइफ वाज कंटिन्यूअसली टॉकिंग, क्योंकि एनेस्थीसिया खाली लोअर पार्ट में दिया था. डॉक्टर वाज, मैं बोला चुप रहना, डॉक्टर्स वर सेइंग तुम अभी चुप रहो नहीं तो बाद में तुमको हेडेक होएगा बहुत, बिकॉज इट वॉज, वो कैलकटा के डॉक्टर बहुत चंट होते हैं, वो लोग नेचुरल डिलीवरी करते ही नहीं है, वो कंपल्सरी सी सेक्शन होएगा. तो डॉक्टर बोल रहे थे चुप रहे, बोलते जा रहे. आई गॉट इंपेशेंट, मैं उठ गया. जैसे ही उठ गया, माई चाइल्ड वॉज बॉर्न. आई गारंटी दिस बिकॉज दैट्स द ओनली डिलीवरी दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ, और दूसरा काम भी है मेरे लाइफ में. मैंने किसी को भी वहां पे स्टॉप वॉच लेके खड़े हुए तो नहीं देखा था. वो किस बेसिस के ऊपर या उन्होंने क्या वीडियो रिकॉर्डिंग में देख के टाइम डिसाइड किया, 4:08:32 कैसा दिया पता नहीं. सेकेंड का हिसाब देना बहुत मुश्किल है, बट आई बिलीव के मिनट का तो दे सकते हैं. अगर आप 31 मार्च का पैदाइश है, 11:59 PM, आप 1 मिनट के लिए 60 इयर्स या 80 इयर्स, आप देख रहे हो मैंने दोनों के नीचे लिखा है, आप 1 मिनट के लिए भी थे ना, तो भी उस पूरे साल मतलब अप्रैल से लगाकर 30 मार्च तक 59, देन ऑल्सो यू विल बी ट्रीटेड एज
सीनियर सिटीजन एंड सेम थिंग विल अप्लाई फॉर द 80 इयर्स वाला कैटेगरी एज वेल. पूरा साल 79 लेकिन एक मिनट के लिए 80, तो इस साल आपको कैटेगरी सी में रखा जाएगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. आप समझा? मतलब सबका बर्थडे 1 अप्रैल को होना कंपलसरी नहीं है, बाद में भी हुआ तो जिस साल आप 60 हुए हो, विच कैन बी एज लेट एज 31 मार्च, उस पूरे साल के लिए आपको कैटेगरी बी में रखेंगे. ओनली इफ रेजिडेंट, नो ब्रो, नॉन रेजिडेंट तो 100 साल का भी कैटेगरी ए में आएगा, रेजिडेंट हुआ तो. एंड सेम अप्लाइज फॉर 80 वाला, बोलो यस और नो. तो कुछ लोगों के हाथ नीचे हो गए. हाउ मेनी पीपल स्टिल बिलीव के एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर भी मेरे को मालूम था सर, मतलब 31 मार्च का भी जन्म है, देन ऑल्सो आई विल बी काउंटेड इन 60 एंड 80 रिस्पेक्टिवली. और आप लोग वही हो जिसको रेसिडेंट का भी पता था. चलिए, मतलब आप लोग और ऑनलाइन में आई थिंक देर वॉज वन स्टूडेंट हर्षिता जिसको पहले वाला पता था लेकिन अभी वाला नहीं पता था. चलो, तो ऑनलाइन में तो मामला सॉल्व होता है. ओके, और यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं जिनको अब तक बहुत कुछ पता है. चलिए, इनको तोड़ना तो पड़ेगा. सो वॉट इफ आई एम नॉट अर्जुन और करंटली आई डोंट हैव श्री कृष्णा एज माई सारथी, सो वॉट, तोड़ना तो पड़ेगा. मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, वो देखा क्या? 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हू हैव ऑलरेडी क्लोज देयर ब्रैकेट. उनको लगा ये खत्म हो गया ना, ये सेंटेंस लंबा है लेकिन यहां तक समझा आधा वाला. एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और आप पूरे साल 59 के थे. एंड आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर 59, मतलब आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग फॉर 79. एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कैटेगरीज. पूरे साल आप 59 के थे. 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब कहना इससे 1st डे ऑफ नेक्स्ट ईयर आपका 60th बर्थडे. मतलब आप 31 मार्च को नहीं, आप 1 तारीख को. अरे ब्रो, 11:59 की जगह डॉक्टर 2 मिनट लेट हो गया. अरे वो पान पर खाने गया था. मैं सच बोल रहा हूं, वो जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं ना, वो पूरा मुंह उसका गुटके से भरा हुआ था और ऐसे करके वो मेरे को डर लग रहा था. अच्छा हुआ उसने मास्क लगाया हुआ था. बोले ऐसे भी डॉक्टर होते. ओके, बट सपोजेडली द नंबर 1 गायनेक ऑफ कलकत्ता, मतलब 1 वंडर्स के तो इतना गरीब है ऐसे चिंदी हॉस्पिटल में नहीं, नंबर 1 गायनेक है. लेकिन किसी किसी को ऐसा रखता है, उनको उनका डोज मिलता है तो ही वो काम बराबर से कर सकते. जैसे अपना चाहिए पेट्रोल है वो अपने लिए, उनका डोज ही वही है तो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, वो अगर 2 मिनट लेट हो गया तो बर्थडे का क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? 1 अप्रैल. पूरा साल तुम 60, पूरा साल तुम 59, तुम 60 का कब हुआ? 1 अप्रैल. प्रीवियस ईयर तो खत्म हो गया, तो भी जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है उसके लिए यू विल बी ट्रीटेड एज सीनियर सिटीजन. एंड ऑफकोर्स 79 भी हुआ और 1 अप्रैल को तुम्हारा 80 है, तो जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उसमें यू विल बी ट्रीटेड एज सुपर सीनियर. मतलब आपका बर्थडे पूरे साल में 60th नहीं आया, अगले साल के पहले दिन आया, देन ऑल्सो वी विल ट्रीट यू एज सीनियर सिटीजन फॉर द ईयर विच गॉट. सर इनकम टैक्स का ये लॉजिक क्या मालूम है? तुम अगर 1 तारीख को पैदा हुए तो 30 तारीख को 1 महीना पूरा हुआ है और अगले महीने की 1 तारीख को न्यू मंथ है स्टार्टेड. नहीं समझा? हम मारवाड़ी लोग हैं, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं मालूम है? 34 कंप्लीट 35 लगा, ऐसे ही बात करते हैं. हैव यू हर्ड देम टॉकिंग लाइक दैट? वही होता है. हाँ, 35 चालू साला लागला. हाँ वैसा ही बोलते हैं, 35 थी गया, ऐसा ही बोलते ना. हाँ बस उनका वही बिलीव है कि 1 अप्रैल का तुम्हारा बर्थडे था तो प्रीवियस ईयर का जो 31 मार्च है उस दिन तुम्हारा 60 कंप्लीट एंड यू हैव एंटर्ड योर 61st ईयर. मतलब नया साल चालू हुआ है तो कंप्लीट तो पहले ही हो गया ना, इसीलिए 1 अप्रैल का जो असेसमेंट ईयर का बर्थडे है उसको भी सीनियर या सुपर सीनियर ट्रीट किया जाएगा. बट वंस अगेन फॉर बोथ केसेस ओनली इफ रेजिडेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और 1st डे ऑफ द असेसमेंट ईयर वी आर गोइंग टू ट्रीट यू एज अ रेजिडेंट. ब्रो समझा क्या? ये भी मालूम था. और कोई? तो अभी 2 ही बचे, मतलब बेसिकली 2 को छोड़ के बाकी सबका तो काम हो गया, अदर्स आर टेकन केयर ऑफ. ओके, कोई बात नहीं, इट्स अ 43 चैप्टर का लॉ, कहीं ना कहीं तो तोड़ ही दूंगा. ओके, क्योंकि क्लास में आने का कोई मोटिवेशन भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ आज कुछ ऐसा सीखने मिला जो मेरे को आज तक लग रहा था कि ये है लेकिन एक्चुअली आंसर कुछ और ही है.
देयर हैज टू बी सम मोटिवेशन एवरी डे. नहीं तो खाली एक किसी का हैंडसम फेस इतना मोटिवेशन नहीं हो सकता दैट एवरी मॉर्निंग यू गो एंड वॉच दैट ऑल्सो फॉर थ्री लॉन्ग मंथ्स. अवर बैच इज गोइंग टू गो ऑन, माई प्लानिंग इज स्टिल द थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर. ऑन द अंडरस्टैंडिंग के न्यू कोर्स की वजह से कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़े. ओके तो कुछ 22-23 सितंबर को गणपति बप्पा आएंगे, लगभग तब तक अपना भी सिलेबस हो जाएगा. हाँ तो फिर भी अपना 23 को ही होगा क्योंकि अगर 19th को गणपति बप्पा आएंगे तो 19-20 लगभग मेरा छुट्टी रहेगा वापस. और पॉसिबली दोज ओनली टू, ये दो और वो दो, खाली यही दो चार ही छुट्टी है टोटल मेरे 3 महीने के बैच में. ओके तो आर वी क्लियर अबाउट द 3 कैटेगरीज. फाइनली हम ऐसा बोलते हैं, एनी इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 और नॉन रेसिडेंट ऑफ एनी एज विल फॉल इन कैटेगरी ए. रेसिडेंट 60 to 79, रेसिडेंट 80 एंड अबव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और 1st April ऑफ द असेसमेंट ईयर विल बिकम अवर कैटेगरी बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. इन तीनों का कैटेगरी बाई कैटेगरी हमको टैक्स रेट्स इनकम टैक्स में दिया हुआ है. तो ऑफकोर्स नाउ देखो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ना कैटेगरी सीखना ही होता है. कैटेगरी सीख लिया ना तो देयर आफ्टर इनका रेट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. सो डेफिनेटली इन यू नो इन अबाउट 1.5 to 2 hours टुमोरो वी विल कंप्लीट ओल्ड रेजिम ऑफ ऑल असेसेस. वो भी क्यों के इंडिविजुअल का जो सरचार्ज लगता है उसमें लास्ट 2 साल में अगेन आंटी ने बहुत सारा डेटा ऐड किया है. पहले एक सिंपल रेट ऑफ सरचार्ज लगता था, 4 अलग अलग रेट करा दिया, फिर कुछ इन एप्लीकेबल करा दिया, वो बहुत टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया. सो 2 घंटे में ओल्ड रेजिम खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद में जितना टाइम बचेगा. तीसरा लेक्चर तो मैंने मिनिमम बोला है, इट कैन गो टू द 4th lecture इफ आई कंप्लीट ऑल द असेसेस का न्यू रेजिम ऑल्सो. तो वी विल नीड एटलीस्ट 3 lectures ओनली फॉर डूइंग टैक्स रेट्स. बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि हर क्वेश्चन में ये आएगा. प्लीज हैव द पेशेंस फॉर द 1st 3 lectures. बाद में वी कैन से दैट ऑफिशियली वी हैव कमेंस्ड अवर बैच. इज दैट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज लेक्चर, फॉर योर पेशेंस.